ज़रा वहाँ पे किसी की ड्यूटी लगा देना, इनको एक खुराक पा जाएगा, है ना। हाँ भाई, शुरू किया जाए, आप लोग तैयार हैं? आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, अफवाह आप हैं, अफवाह। गूगल पर जो अधिकांश बातें वो गलत हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ को लेके गलत है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1973 है, लेकिन किसी ने 1976 बता दिया। अब 6 बता दिया तो फिर लोग कहते हैं कि 1996 में हो कैसे क्या, तो 20 साल के थे, एग्ज़ाम कैसे देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पज़ था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था। मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी, विकास नेता बनेगा। हाँ, मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा और बड़ी थी। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ओबीसी क्या होता है, एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है। बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं, तो हमें होना चाहिए। 16.5 की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पे कर्फ्यू है, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं उस आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा। ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया। फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले ही घर में कुछ समस्या आ गई। कोई ऐसा संकट आया कि उसके बाद जो समृद्ध परिवार था वो सड़क पे आ गया एकदम। तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम किसी तरह से दिया, और क्राइसिस परिवार के जिंदा रहने पे भी उस समय था, कुछ ऐसे संकट थे। मुझे निर्देश मिला कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। निर्देश विद्यार्थी परिषद की तरफ से, मतलब कुछ ऐसे लोग जो वहाँ से भी कनेक्टेड थे और कॉलेज से भी थे, सीनियर से, उन्होंने बताया कि रिस्क है लाइफ का। और ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को इलेक्शन लड़वाया गया उसके बाद में चाकुओं से काफ़ी मारा गया, हालांकि वो जिंदा है। और 3-4 दोस्त मेरे उस समय के, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है जो इलेक्शन जीते थे उस समय। मैं 10-15 साल ऐसे दौर में रहा, स्ट्रगल थी जिंदगी में, लेकिन कभी रोया नहीं। और मैंने मान लिया था कि मैं पत्थर किस्म का इंसान हूँ, मतलब मैं सबसे ठीक से बात करता हूँ, बिहेव भी ठीक से करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ। पर मुझे लगता था कि इमोशंस की इंटेंसिटी वैसी मेरे अंदर नहीं है जैसी किसी सामान्य व्यक्ति में होनी चाहिए। शायद फिलोसफी पढ़ के ऐसा हुआ होगा। लेकिन 3-4 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, तो मेरा वो जो भ्रम था टूट गया, बुरी तरह से टूट गया। मैं 7-8 दिन तक बोल ही नहीं पाया उसके बाद। ये इंटरव्यू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा रहने वाला है। मैं थोड़ा संकोची किस्म का आदमी, मैं पहली बार जिंदगी में पर्सनल लाइफ से बात कर रहा हूँ इस तरह से। वी आर ग्रेटफुल सर। पहले 2-3 चैनल्स की तरफ से मुझे निवेदन आया था, पर मैं संकोच में, मैंने ये कहा कि देखो, मैं ना जो प्राइवेट है पर्सनल है बताना नहीं चाहता हूँ, बाकी में आपको रुचि नहीं होगी तो फिर कुछ मतलब है नहीं उसका। आपसे संबंध इतना अच्छा है कि मेरी इच्छा थी कि पहली बार कहीं बताऊँ तो यहीं बताऊँ, इसलिए थैंक यू। सौरभ और मैं पुराने परिचित हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कल शायद किसी ने बोला कि आप कॉलेज लाइफ में आप दोनों कैसे थे बताइए, तो हम कभी कॉलेज फ्रेंड्स ही रहे। गलती ये हुई कि जब मेडिकल हुआ मुझे किसी ने बता दिया कि घुटने मिलेंगे तो ही पास हो गए, तो मैं बहुत जोर से मिलाने में लगा रहा हूँ, तो मुझे मतलब टच होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। ताकत लगा के एकदम कोई मतलब मुझे लगा फेल ना हो जो, मैंने और जोर से भिड़ा दिए घुटने। उन्होंने एक दो बार पूछा भी कितना टच होता है, मैंने कहा मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मैं तो और कॉन्फिडेंस में था कि देखो एकदम टच हो रहा है। और 2003 में जब लास्ट अटेम्प्ट आया, तो मैंने अपने दोस्तों से जो ISIPS थे उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना मैं यहाँ सफल हूँ, और जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, उससे अच्छा समय कोई नहीं होता मेरे लिए जीवन में। सच में ISIPS में कुछ ऐसा दम हो कि ट्राई करना चाहिए तो बताओ, वरना मैं यहाँ खुश हूँ। मेंस मैंने बेंगलोर से दिया उस साल, और बेंगलोर से भी इस तरह से दिया कि यहाँ किसी को पता ना चले कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, जैसे आज एग्ज़ाम है, रात की फ़्लाइट से जाता था, एग्ज़ाम दोनों दिए, 5 बजे ख़त्म हुआ, 6:30 की फ़्लाइट से 9:30 दिल्ली, क्योंकि सब वो पर्चा भी चेक कराने आएंगे, और दिल्ली की सड़कों पर घूमता था जानबूझ के कि देखे कि मैं यहीं हूँ। मुखर्जी नगर में घूमता रहता था ताकि सबको आइडिया रहे कि तो यहीं है, कहीं दिखा भी नहीं। स्काई डाइविंग मैंने वहाँ पर की अमेरिका में, बहुत शौक था मुझे करने का। तभी नई फिल्म आई थी उन दिनों जिसमें वो 3 लोग कूदे थे, हाँ, तो वो देखी थी, तो मुझे लगा 3 लोग कूदे। एक वो ज़रूर बताइए जिस कव्वाली से आपके दिन की शुरुआत होती है। ये किसने बताया आपको, ये भी रिसर्च कहीं की।
सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया उतनी सरल, एक आयामी, एक तरफा नहीं है जितना हम सोचते हैं। मेरा राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के विरोध में एकदम नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहाँ पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। तैयारी आप ISC करें या क्रिकेट की करें या फिल्मों की करें, उस तैयारी से पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर न हो तो क्या होगा। और मैं क्लास में ना अक्सर एक शेर बच्चों को बोलता हूँ तैयारी शुरू करने से पहले कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, इतनी गारंटी है कि एक बेहतर इंसान बन जाओगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे अगर मेहनत की तो क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं भी। और मैं चाहता भी नहीं कि कोई UPSC को इस भाव से तैयारी करे कि नहीं होगा तो मर जाऊँगा, इससे बढ़िया मत करो तैयारी में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का नया एपिसोड है और हमको आ रहे हैं याद बच्चन अमिताभ। काहे से उनकी एक पिक्चर थी जिसका नाम था डॉन, उसमें होता एक गाना क्या था जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। आप में से कई लोगों ने हमें ये आदेश दिया था, घिसी हुई लाइन है अगली लेकिन मौजूद है, और आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश होता है, उस पर बहस की ज़रूरत नहीं होती है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान हैं हमारे गुरुजी, आप लोगों के भी गुरुजी, ज़्यादातर लोगों के, डॉक्टर विकास देवीकीर्ति। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए सर, हमने तो जब पहली बार आपका नाम सुना तो हम तो पत्रकारिता शुरू कर चुके थे, JNU पढ़ते थे, तो हमारे साथ के लोग और सीनियर बड़ा ऐसे भोकाल काटते थे आपको तो हम तो तब से सुन रहे हैं 2005-06 से। पर फिर हमने जब बाद में भी रिसर्च टीम का सब देखा तो हमको लगा कि आप बड़ी बाली उम्र में मास्टर बन गए हैं। कितने साल के थे जब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? सिविल सर्विसेज के लिए मैंने पढ़ाया पहली बार लगभग 24 की उम्र में। आप 24 साल के थे? हाँ। और आप पढ़ा रहे थे सिविल सर्विस? 24 एंड हाफ ऑलमोस्ट। तो कैसे हुई इस सिलसिले की शुरुआत? शुरुआत इसलिए हुई थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस था और उधारें बहुत थी सिर पे, उनको चुकाना था। सिलेक्शन मेरा हो चुका था उस समय तक पहले अटेम्प्ट में, लेकिन ज्वाइनिंग में भी समय था, तो इच्छा थी कि ज्वाइनिंग से पहले उधारें चुका दूं। तो उस समय मेरा एक स्टूडेंट था जो अब काफ़ी बड़ा लेखक बन गया, उसकी जिद थी कि मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना है और आपसे ही पढ़ना है, तो उसकी जिद पर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने छोटे छोटे पोस्टर बनाए लगाए, तो 12 बच्चे इकट्ठे हुए। तो उन 12 बरस की बात है, ये 1998 की बात है, 1998 1998 के सेकेंड हाफ की बात है। तो तब पहली बार पढ़ा है, उसके बाद फिर तो सिलसिला चली पड़ा। अच्छा, ये आपने दो बातें कही, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, अफवाहें आप हैं, अफवाह आप नहीं नहीं कहीं सही भी होंगी बहुत सारी चीज़ों में। कहा गया कि आपके जो माता पिता हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि सत्य नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मेरे पिताजी हरियाणा राज्य में एक विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में हिंदी के अध्यापक रहे हैं। उस समय वहाँ लेक्चरर, रीडर इस तरह से हुआ करता था, जो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होता है जी। मेरी माँ स्कूल की टीचर थी PGT रैंक पर, जो स्कूल लेक्चरर, जिसको इंटर कॉलेज के लेक्चरर आप लोग बोलते हैं शायद उत्तर प्रदेश में, तो वो हरियाणा में एक शहर है भिवानी, वहीं वो एक स्कूल में पढ़ाती थी, मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो हम तीन भाई हैं, तीनों वहीं पढ़ते थे, माँ वहीं पढ़ाती थी, हिंदी ही पढ़ाती थी। अच्छा, तो ये बात सही है कि मेरे पेरेंट्स हिंदी साहित्य से हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से उनमें से कोई भी नहीं, वहाँ से मैं हूँ। तो भिवानी में स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद? मैं 12वीं क्लास जब ख़त्म हुई तो फिर दिल्ली आ गया था, और दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पज़ था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था, मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी। विकास नेता बनेगा? हाँ, मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा? और बड़ी थी, मतलब उनके मन में ऐसा था। और मैं स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में ही पॉलिटिक्स में एक्टिव था काफ़ी।
मैं जिस स्कूल में था वहाँ एक संसद हुआ करती थी, तो मैं संसद में हर बार जीतता था, कई बार जीता हूँ इलेक्शन। ऐसे वोटिंग वोटिंग होती थी? पूरी वोटिंग, प्रॉपर वोटिंग होती थी। उसमें चार हाउसेस थे, उसमें हर एक हाउस से करीब 30-35 लोग होते थे जो चुने जाते थे। फिर उन 150 के करीब लोगों की एक समर्थ बल संसद हुआ करती थी। विद्या भारती का स्कूल था, आरएसएस के बैकग्राउंड से, आप भी तो ऐसे स्कूल से पढ़े हैं जी। तो समर्थ बल संसद नाम से एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिखाने का मंच था। तो चारों हाउसेस से करीब 30-40 लोग उसमें हुआ करते थे, 150 लोग कुल होते थे। फिर उसमें इलेक्शंस होते थे जिसमें 150 लोग वोट डालते थे। तो उसमें मैं हर बार जीता हूँ। 12वीं क्लास में जब था तब मैं उसका प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल था, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे इलेक्शन लड़ सकते थे। उस साल कुछ वजहों से इलेक्शन कैंसिल हो गया था, वो वजहें बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन कैंसिल हो गया था, तो वो इलेक्शन हो नहीं पाया। पर उससे पहले मैं हर साल इलेक्शन जीता था वहाँ पर। तो मेरा एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स का। वहाँ वो वाले वाउचर बांटते थे आप लोग, जो डीयू में बांटते हैं, डीजे नाइट? उतने तो नहीं, लेकिन हाँ पहली बार मैंने बांटे थे वहाँ पर, मतलब बहुत छोटे, सिर्फ इतना कि समर्थ बाल संसद को समर्थ बनाए, मुझे जिताएं, इस तरह के छोटे। नहीं नहीं, ये तो प्रचार वाले हो रहे थे। जो डीयू में होता है कि वो डांस पार्टी, रेन पार्टी है, क्या क्या होता है? सोशल्स होते हैं, एक बॉयज हॉस्टल डीयू का, जैसे फॉर हिंदू का बॉयज हॉस्टल होगा, और आईपी कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल के बीच में सोशल होता है, जैसे मोहब्बत में दिखाया गया था। अच्छा, अगर हमें वोट दोगे तो हम ये करवाएंगे? नहीं नहीं, वोट मांगने के लिए क्या क्या करते हैं? वोट पाने के लिए वाटर पार्क लेके जाते हैं, बाहर ट्रिप कराते हैं, क्योंकि मेरे जब कॉलेज में हुआ था। पंजाब में क्या होता है? गोवा ट्रिप। तो आप भिवानी में 11वीं कक्षा में क्या प्रॉमिस कर रहे थे अपने वोटर्स को? वहाँ वहाँ ये सब ना तो होता था ना हो सकता था, क्योंकि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका भी तो माहौल होता है ना जी। तो वहाँ सिर्फ ये था कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेसिक ट्रेनिंग देने की कोशिश थी। तो उसमें स्पीच होती थी, इलेक्शन स्पीच होती थी, उसमें आप अपना जो एजेंडा है वो रखते थे। जैसे मेरा एजेंडा हमेशा स्पोर्ट्स को लेके, डिबेटिंग, इन एक्टिविटीज़ को लेके ज़्यादा रहता था। पढ़ाई में मैं बहुत औसत किस्म का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वो मेरा एजेंडा कभी था भी नहीं, बाकी रहता था। तो वो प्रैक्टिस थी ही, और मेरे पिताजी की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि घर से एक बच्चा पॉलिटिक्स में जाए। मैं सबसे छोटा था, हरकतें भी ऐसी थी, तो अकेला उनका एजेंडा ये था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आऊँ, ABVP ज्वाइन करूं, दूसरा प्रेसिडेंट बनूं, फिर कुछ और बड़ा करूं। फिर आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली आके? अब वो कह सकते हैं कि मिस्टेक हुई, टर्निंग पॉइंट वही हो गया। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पे उतरा पहली बार, तो स्टेशन से उतरते ही बाहर पता लगा एक कॉलेज यहीं पर है। तो मैं बहुत रैंडम किस्म का जीवन जीता हूँ, मैंने बहुत सोचा नहीं, वहीं एडमिशन ले लिया जाकिर हुसैन कॉलेज में। तो मेरी परसेंटेज ठीक थी, मतलब मैं कैंपस में एडमिशन मिल जाता। एक मेरा दोस्त था, उसका एडमिशन जाकिर हुसैन में ही हुआ था। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा, वो दिल्ली में रहता था उस समय, उसके पेरेंट्स भिवानी में थे, तो मेरा उससे कांटेक्ट था। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पहुंचा, तो वो मुझे मिला और उसने बताया उसका एडमिशन यहीं पड़ोस में कॉलेज में हो गया है। तो फिर छोटे कस्बे वाले लोग बहुत सोचते नहीं हैं, वो दोस्ती निभाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो फिर दोस्ती निभाई, मैंने एडमिशन वहीं ले लिया। लेकिन वहाँ ABVP से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। क्यों? जाकिर हुसैन कॉलेज की पॉलिटिक्स अलग किस्म की है, वहाँ पार्टियाँ नहीं चलती, NSUI, मतलब उस समय तो नहीं चलती थी, आजकल मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है। लेकिन वहाँ मैं 3 साल में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। फर्स्ट ईयर जब मैं आया, 1990 की बात है, तो मंडल कमीशन उसी समय आ गया, समझ तो थी नहीं उस समय, तो हम भी आंदोलन में उतर गए बिना समझे, आरक्षण विरोधी आंदोलन जी। सब उतरे से तो हम भी उतर गए थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि OBC क्या होता है, SC क्या होता है, ST क्या होता है, कभी सुना ही नहीं था, समझा ही नहीं था। बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं, तो हमें होना चाहिए, और 16.5 की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पर कर्फ्यू है, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, टायर में आग लग रही है, वो माहौल देख के बड़ा रोमांच होता था। तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ मैं उस आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा। ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया। हाँ ये सब नहीं किया, लेकिन मतलब बाकी पुलिस की पिटाई विटाई वो सब झेला, ठीक से झेला। अच्छा, पुलिस ने मार धरी आपकी? हाँ वो सब हुआ। वो तो 2-3 बार हुआ कॉलेज लाइफ में, एक बार थम लिखने वालों को एक वो मिल गया कि विकास दिव्यकीर्ति को पुलिस ने क्यों पीटा।
तो एक बार पर पुलिस हमने सुना इस तरह के आंदोलनों में जब पकड़ती थोड़ा हाँ, रहम तो रखती एक नारा हम लगाते भी थे अंदर की ये बात है पुलिस हमारे साथ है। तो जब जब पुलिस आसपास दिखती थी हम सबका एक ही नारा होता था ताकि पुलिस मारे नहीं हमें। पुलिस मारती भी नहीं थी लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ गईं जब एक आत्मदाह हुआ फिर कई आत्मदाह से होने लगे राजीव गोस्वामी का हुआ फिर राजीव गोस्वामी को बचाने के लिए पूरा देश पूरी सरकार घुटनों पर आ गई थी उस समय एम्स में वो थे। उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं बीकॉम ऑनर्स छोड़ दूं क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ता था ज्यादा। आप बीकॉम में थे? हाँ मैं बीकॉम ऑनर्स में था मैंने प्लस टू कॉमर्स अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स से की है। अच्छा जी अब बीकॉम ऑनर्स में दिक्कत थी कि पढ़ना ज़्यादा पड़ता था पर मेरी वो फितरत थी नहीं उस समय। और फिर मेरे आसपास सब लोग बोल रहे थे कि आईएएस की तैयारी करेंगे तो मुझे लगा ठीक है मैं भी कर लूँगा आईएएस की तैयारी। आईएएस क्या होता मुझे बहुत आइडिया नहीं था उस समय तक तो सबने कहा कि आईएएस के लिए हिस्ट्री अच्छा रहता है तो मैंने फिर चेंज करवाया अपना बीकॉम ऑनर्स से हिस्ट्री ऑनर्स। ये उसी समय की बात है जब राजीव गोस्वामी एम्स में इलाज चल रहा था उसी समय की बात है। तो उस समय हालत ये थी कि पीतमपुरा में रहता था एक हॉस्टल था हमारा छोटा सा और जो एचओडी थे उनसे साइन करवाना था चेंज करने के लिए वो साकेत में रहते थे मंडल कमीशन था कर्फ्यू था तो मैं पीतमपुरा से साकेत पैदल गया था एक बार करीब 25 किलोमीटर उस दिन पैदल का मतलब 90% पैदल बीच में कोई स्कूटर वाला मिल गया तो लिफ्ट मिल गई थोड़ी सी ऐसे करते करते और फिर साइन करवा के फिर वापस आए फिर सब्जेक्ट चेंज हुआ। पढ़ा मैंने हिस्ट्री भी नहीं लेकिन हाँ हिस्ट्री में ये था कि पढ़ाई कम करनी पड़ती थी काम चल जाता था। तो थर्ड ईयर में जब मैं आया तो मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़ने की स्थिति में था प्रेसिडेंट का मतलब पॉपुलैरिटी मेरी इतनी थी कि मैं जीत जाता उस साल। क्या वजह थी पॉपुलैरिटी की? मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ कॉलेज में भी डिबेटिंग सर्कल्स में पोएट्री में मंचों पे हर चीज़ में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना हो हर चीज़ में रहता था क्लास को छोड़ के क्लास के बाहर हमेशा एक्टिव रहता था। दोस्त बहुत बन जाते थे मेरे और वहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम थोड़ा सा भाव रहता है पॉलिटिक्स में। मेरी छवि ये थी कि मैं एबीवीपी से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन कुछ कुछ छवि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिक्स में थी केंद्र में उदार दक्षिणपंथी वाली थी। तो मुस्लिम दोस्त भी लगभग कंफर्टेबल थे आज भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन फिर उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मुझे निर्देश मिला कि इलेक्शन नहीं लड़ना है तो मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। निर्देश विद्यार्थी परिषद की तरफ से? मैंने कुछ ऐसे लोग जो वहाँ से भी कनेक्टेड थे और कॉलेज से भी थे सीनियर से उन्होंने बताया कि रिस्क है लाइफ का और ये सही भी साबित होगा क्योंकि जिस व्यक्ति को इलेक्शन लड़वाया गया उसके बाद में चाकुओं से काफ़ी मारा गया हालांकि वो जिंदा है। और तीन चार दोस्त मेरे उस समय के जिनमें से तीन की मृत्यु हो चुकी है जो इलेक्शन जीते थे उस समय इसी तरह की घटनाओं में कहना मुश्किल है। सामान्य मृत्यु तो तीन की मृत्यु हुई सामान्य किसी की भी नहीं हुई लेकिन ये सीधे कहना कि इलेक्शन की वजह से मरे मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन के काफ़ी दिन के बाद मरे। दो की हत्या हुई सरेआम एक की डीटीसी की बस में चाकू मार के फिर वो नीचे टायर के नीचे आ गया था। एक को दिन में 12 बजे गोली मार दी गई थी भजनपुरा में बड़ा अच्छा डिबेटर था वो लड़का। और जुर्म उनका ये था कि वो जाकिर हुसैन से अध्यक्ष जीते थे उनमें से हाँ वो दोनों जीते थे मुझसे अगले साल भी जीते थे दोस्त थे मेरे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक और था जो जिस साल जीता था लड़का हमारा नियम था कि जो इलेक्शन जीतेगा वो प्रेसिडेंट जो हारेगा नंबर वन पे वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा तो जिसको हमने इलेक्शन लड़वाया अपने दोस्त को वाइस प्रेसिडेंट बना हार गया था इलेक्शन तो उसको खूब चाकू लगे थे इलेक्शन के एकदम बाद। जो जीता था उसकी कुछ साल के बाद मृत्यु हुई अपोलो हॉस्पिटल में मुझे नहीं पता कैसे हुई लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि शायद कोई फैक्टर था ऐसा मुझे नहीं पता। तो वो उस समय की पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ें ज़्यादा थी। अब तो शायद बहुत साफ सुथरा है अब तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है वो। थोड़ा मैं विषयांतर करूँगा आप दर्शन पढ़ाते हैं? जी मतलब मैं दर्शन आजकल नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैंने लगभग पढ़ाया है 7-8 साल पढ़ाया है। दर्शन पढ़ने और पढ़ाने वाला व्यक्ति अपने दुख को कैसे प्रोसेस करता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था तो आई एम श्योर आपके बोलते बोलते आपके दिमाग में वो इमेज भी फ्लैश हुआ होगा। मतलब दर्शन पढ़ने से सिर्फ इतना है कि दुख की इंटेंसिटी झेलने की क्षमता तो आ जाती है अब थोड़ा सा खुद को न्यूट्रल कर पाते हैं थोड़ा सा जो इलियट की भाषा में मैं और वह का जो अंतर है वो थोड़ा सा बन जाता है। तो थोड़ा साक्षी भाव से देखने की क्षमता दर्शन देता है
अपने दोस्त का दुखी नहीं अपना दुख भी हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस से देख पाते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस कुछ क्षणों में तो खत्म हो ही जाता है कितना भी डिस्टेंस हो। जैसे मैं दर्शन पढ़ने के बाद ये मानता था कि जैसे मैं रोता नहीं हूँ आमतौर पर कभी भी, जबकि मेरा मानना है कि रोना बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर पुरुष को विशेष रूप से रोना चाहिए, मतलब महिलाओं को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रो लेती हैं स्वाभाविक रूप से, जो कि अच्छी बात है। पुरुष रोते नहीं हैं इससे ज़्यादा जरूर महत्वपूर्ण है कि पुरुष रो नहीं पाते हैं, सामाजिक दबाव ज़्यादा रहता है उनके ऊपर। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नैन्सी कोडोरो सिगमंड फ्रॉयड की स्टूडेंट का एक थीसिस है पूरा इस पर, द मेल इन एक्सप्रेसिवनेस, उसमें बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। तो मैं 10-15 साल ऐसे दौर में रहा, स्ट्रगल सी जिंदगी में, लेकिन कभी रोया नहीं। और मैंने मान लिया था कि मैं पत्थर किस्म का इंसान हूँ, मतलब मैं सबसे ठीक से बात करता हूँ, बिहेव भी ठीक से करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ, पर मुझे लगता था कि इमोशंस की इंटेंसिटी वैसी मेरे अंदर नहीं है जैसी किसी सामान्य व्यक्ति में होनी चाहिए। शायद फिलोसफी पढ़ के ऐसा हुआ होगा। लेकिन 3-4 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मेरा वो जो भ्रम था टूट गया, बुरी तरह से टूट गया। मैं 7-8 दिन तक बोल ही नहीं पाया उसके बाद। और संयोग से हमारे यहाँ जो हम जिस परंपरा से हैं, हम लोग मूलतः पंजाब से हैं, हरियाणा तो पंजाब से अलग हुआ 66 में, लेकिन मूल रूप से पंजाब से हैं। और आर्य समाज से मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं जी। और वो RSS से ही बिलोंग करते हैं जी। तो हमारे यहाँ परंपरा ये कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो एक परंपरा हमारे ये कि जब मृत्यु के बाद 4th दिन होता है उस दिन एक श्रद्धांजलि सभा होती है। तो जब माँ की मृत्यु हुई 2018 में नवंबर में, 12 नवंबर को, तो 4th दिन मृत्यु के दिन पहला मानते हैं, 15 नवंबर को वो सभा हुई। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि उसका संचालन मैं करूँ मंच का। अब उसमें 1000 लोग लगवाए हुए थे। ये भिवानी में, दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है। क्योंकि मुझे मंच का अनुभव है तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कर लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब वो शुरू हुआ तो मुझे काफ़ी समय लगा पहला शब्द बोलने में, और फिर मैं बोल नहीं पाया, और काफ़ी देर के बाद बोल पाया, फिर सहज हुआ। तो दर्शन है, लेकिन दर्शन कितना भी पढ़ लो उसके बाद ऐसा थोड़ना कि आप इमोशंस मर जाएंगे। ये ज़रूर है कि उनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है। नॉर्मली जिन चीज़ों से कोई व्यक्ति बहुत उछलेगा या ज़मीन पर गिर के रोने लगेगा, शायद मेरा रिस्पांस उसकी तुलना में 10% ही होगा, पर किसी इंटेंस मोमेंट में तो चीज़ें बदल जाती हैं। पर वो मेरी माँ की मृत्यु के बाद ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया फिर से। वापस जाते हैं, मैं तो विषयांतर में आ गया था। तो आप पॉपुलर थे, लेकिन आपके शुभचिंतकों को समझ में आया कि जान है तो जहान है। आप चुनाव नहीं लड़े, ग्रेजुएशन पूरा हो गया। फिर ये इंटरव्यू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा रहने वाला है? ये इंटरव्यू आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, और जिन बातों को आप कहते हैं और उनको लोग बहुत मानते हैं, दर्शन से जुड़ी बातें, विवाह से जुड़ी, प्रेम से जुड़ी, फेमिनिज्म से जुड़ी बातें, उन पर हम आएंगे धीमे धीमे। लेकिन हमारा मकसद ये है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग पहली मर्तबा देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए। और हमें ऐसा लगता है, वी माइट बी रॉन्ग, कि हमारे कुल जमा जो विचार होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, हम जिन चीज़ों से होके गुजरे हैं उनसे उसकी सबसे बड़ी निर्मिति होती है। बाकी जो हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो तो है ही। तो एक बेसिक थोड़ा सा आउटलाइन हो जाए इसलिए। इसमें एक थोड़ा सा और पेश भी है कि जब मैं 1990 में दिल्ली आया तो मैं एक समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार से आया था। समृद्ध का मतलब ये कि हमारी पूरी गली में 2 घरों में टीवी था, उनमें से एक घर हमारा भी था। तो उस समय समृद्ध का मतलब था कि टीवी है घर में, कार तो नहीं होती थी, स्कूटर था घर में, तो इसका मतलब समृद्ध परिवार था हमारा। और मेरे पिताजी ने मेरी हरकतों को देख के ये भी कहा था कि तुम दिल्ली जाओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा। मैं मतलब ड्राइविंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं खूब ड्राइव करता हूँ अभी भी, वहाँ बहुत ड्राइव करता हूँ मैं। मतलब मैं दिल्ली से मुंबई बिना रुके चला चुका हूँ, दिल्ली से पटना बिना रुके चला चुका हूँ, नॉन स्टॉप, हाँ 24 घंटे लगातार। मतलब ये मेरा शौक है, बहुत गहरा शौक है। ये बात 3-4 साल पहले की है लास्ट, जब मैं गुजरात से, गोवा से बल्कि एक बार दिल्ली आया था। तो मतलब बिना ब्रेक का, मतलब बीच में एक बार चाय के लिए 5 मिनट रुके, उतना बस, वैसे कहीं स्टे नहीं। तो उस समय तो कार का मतलब नहीं था, तब बाइक की ड्राइविंग का शौक था। तो मैं बाइक खूब चलाता था किसी भी दोस्त के लेके, वो तो हॉस्टल में जब बाइक होती है वो साझा बाइक होती है सभी की, तो सब लोग मिलके चलाते थे।
तो मुझे ये कहा गया था कि तुम दिल्ली जाओगे, इलेक्शन अगर लड़ोगे तो ज़रूरत पड़ेगी बाइक दिलवा देंगे। और मेरा इलेक्शन लड़ने के बराबर टक्कर का ख्वाब था बाइक होना। लगभग दोनों बराबर टक्कर के ख्वाब थे उस समय। और बाइक होने के साथ ये भी कि बाइक पे कोई फिर पीछे बैठेगा भी, बाइक होगी तो अकेले थोड़ा चलाएंगे, बाइक पे तो कोई होगा भी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं बहुत डिस्कस करने से बचूंगा। फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले ही घर में कुछ समस्या आ गई, कोई ऐसा संकट आया कि उसके बाद जो समृद्ध परिवार था वो सड़क पे आ गया एकदम। तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम किसी तरह से दिया, सिर्फ इसलिए कि एग्ज़ाम दे दूँ। और क्राइसिस परिवार के जिंदा रहने पे भी उस समय था, कुछ ऐसे संकट थे। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरे 44.5% मार्क्स हैं, जो मेरे अब तक के सबसे खराब अंक वहीं थे, हिस्ट्री ऑनर्स में, वही हिस्ट्री ऑनर्स। तो उसके बाद फिर मुझे फर्स्ट ईयर ख़त्म होते ही, मैं 17.5 साल का था, मुझे नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। तो उस उम्र में नौकरी तो मिलना आसान नहीं होता, तो मैं सेल्समैन बना पहले, सबसे पहले कैलकुलेटर बेचता था। कालका जी शायद आपने देखा होगा, वहाँ तारा अपार्टमेंट नाम की जगह है, उस तारा अपार्टमेंट में ही एक कंपनी ऑपरेट होती थी कैलकुलेटर्स की। तो मैं उनका सेल्समैन था और घर घर जाके, दुकानों पे जाके उसको बेचना होता था, बिकते थे नहीं मुझसे, बड़ा मुश्किल काम था वो। तो फिर बड़ा उस समय एलियनेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा एलियनेशन, मतलब सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है वाला भाव ज़्यादा आता था। पर कोई चारा था नहीं, मैं भी, मेरे बड़े भाई भी, वो भी अमेरिका में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हम तीन भाई हैं, जो बीच वाले भाई हैं वो उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे चंडीगढ़ से, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, पैक से, वो भी CBI में DIG रैंक पे हैं, वो भी सिविल सर्वेंट हैं। तो वो क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे, तो हम दोनों भाइयों ने फिर मोर्चा संभाला, नौकरियाँ की सेल्समैन की, वो भी सेल्समैन थे, मैं भी सेल्समैन था। तो करीब 1-2 साल तक घर यूं ही चला। मंडल कमीशन की वजह से फर्स्ट ईयर में डिबेट्स DU में नहीं हो पाई थी, लेकिन सेकंड ईयर में डिबेट शुरू हो गई। डिबेटिंग मैं प्रोफेशनल डिबेटर था, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। प्रोफेशनल मतलब वो मेरा, मतलब धंधा पानी कह लीजिए, वही था। क्या कुछ उसमें कैश प्राइज मिलता था क्या? DU में कैश प्राइज मिलते थे, स्कूल के लेवल पर तो कैश नहीं मिलता था, कप मिलते थे, तो कप बहुत सारे थे लेकिन उसमें कुछ होता नहीं था उससे, मतलब सम्मान होता था लेकिन बाकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। तो DU में उस समय डिबेटिंग का मतलब था कि साल भर में 5 अच्छी डिबेट्स में 1,000 रुपये का प्राइज होता था लगभग, हाईएस्ट। आजकल तो लाखों में हो गया है, कुछ डिबेट्स में 700 रुपये, कुछ में 500 रुपये, लेकिन उस समय एक महीने का खर्चा 600 रुपये होता था हॉस्टल का हमारा। अच्छा, तो मैं एक साल में डिबेटिंग में करीब 40-50 डिबेट्स जीत लेता था साल भर में, और करीब 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता था साल भर में। ये इकोनॉमी का डिबेटिंग मॉडल है। अब मतलब मेरी मजबूरी भी थी, कोई रास्ता मिली था मेरे पास। लेकिन उसमें क्राइसिस ये था कि सारी डिबेट्स दिसंबर से फरवरी के बीच में होती थी और खर्चा साल भर करना होता था। तो हॉस्टल हमारा प्राइवेट हॉस्टल ही था, तो उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं हॉस्टल में भी ठीक ख्याति वाला व्यक्ति था, तो वहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं सारे पैसे दिसंबर में दूंगा। डिबेट आएंगी, तेरा भाई जाएगा, जीत के आएगा, भुगतान हो जाएगा। तो उधारे चलते थे दिसंबर से फरवरी तक में, पहले का बैलेंस भी, कभी कभी अगले 6 महीने का एडवांस भी देता था। तो मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में डिबेटिंग प्लस सेल्समैनशिप, लेकिन जब मैं डिबेटिंग में थोड़ा सफल हुआ तो सेल्समैन की जॉब छोड़ दी मैंने। फिर मैंने और मेरे बड़े भैया ने मिलकर एक कंपनी शुरू की, सबसे पहला स्टार्टअप हमने वहीं किया, एक छोटी सी कंपनी जिसका काम प्रिंटिंग का था, प्रिंटिंग का, विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करना, लेटर हेड्स प्रिंट करना। क्योंकि हमारी फैमिली में एक दूर के रिश्ते के बड़े भैया वो काम करते थे, मैंने उनके पास 2 महीने जाके सीखा काम, अपने हाथ से प्रिंटिंग के सारे मतलब गुर सीखे, कैसे स्क्रीन प्रिंटिंग एक खास विधा है, पता नहीं आप जानते हैं नहीं, स्क्रीन प्रिंटिंग में हाथ से प्रिंटिंग होती है सारी के सारे। तो वो उस समय नया चलन था, तो विजिटिंग कार्ड उस समय उससे प्रिंट होते थे। और उस समय उसी के एकदम बाद फोटोग्राफिक प्रिंटिंग पहली बार आई थी, फोटोग्राफ्स वाली मशीन से विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करना, जिसमें कलर्स आते थे पूरे के पूरे, इमेजेस भी आती थी। तो मैंने उन दोनों कामों को कुछ दिन नौकरी करने के बाद, मतलब पहले नौकरी के सेल्समैन की, इसमें कैलकुलेटर्स में, फिर इसमें अपने बड़े भैया के पास नौकरी की, फिर एक इंडिपेंडेंट कंपनी में प्रिंटिंग की नौकरी की, फिर अपनी कंपनी शुरू की प्रिंटिंग की, हम दोनों भाइयों ने मिलकर।
और हम लोग मतलब सफल उद्यम कर पाए, काफ़ी सफल उद्यम कर पाए। ये ग्रेजुएशन के साथ साथ चल रहा था? ये ग्रेजुएशन के साथ चल रहा था, सेकेंड और थर्ड ईयर में चल रहा था, साथ में डिबेटिंग। तो डिबेट जब होती थी फिर मैं काम छोड़ के डिबेट में जाता था, जीत के वापस आता था, फिर कार्ड प्रिंट करता था, तो ऐसे काम चलता था। वो जो आपके मित्र हैं जो हमें दृष्टि के बहुत सारे वीडियोस में भी दिखते हैं, विजेंद्र जी। हाँ, वो मेरा फर्स्ट ईयर से ही दोस्त है, हम लोग जाकिर हुसैन कॉलेज में साथी थे, वो हिंदी ऑनर्स में, मैं हिस्ट्री ऑनर्स में। पर फर्स्ट ईयर में क्योंकि मंडल कमीशन रहा तो हमारा मिलना नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में हम लोग डिबेटिंग पार्टनर्स हुए और हम लोग डी यू में उस समय मतलब काफ़ी धाक थी, मतलब हम लोगों की टीम कहीं जाए तो जनरली ट्रॉफी मिल जाती थी, 10 में से 9 बार ऐसा होता था। He's being modest. कि 10 में से 9 बार तो होता ही था और एक आध बार नहीं भी होता था, सही बात है। थर्ड ईयर में हम लोग साथ रहने लगे, नई दिल्ली स्टेशन के सामने थॉमसन रोड एक जगह है, वहाँ मेरे एक दोस्त के पिताजी ACP थे उस समय, उनको घर मिला हुआ था, तो उन्होंने हमें रहने की जगह दे दी वहाँ पर एक कमरे में। तो विजेंद्र में वहाँ साथ में रहे और वहीं रह के ग्रेजुएशन की फाइनल तैयारी की हमने। फाइनल फिर UPSC? वो उसके बाद की बात है, जब थर्ड ईयर में ये सब हो गया तब तक हमारे घर की स्थितियाँ थोड़ी सेटल हो गई थी, हम भिवानी छोड़ चुके थे, तब फरीदाबाद में सेटल हुए थे, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह थे जिसमें चीज़ें खराब हुई थी। पिताजी की नौकरी भी लगभग छूट गई थी उस समय, हालांकि बाद में उनको मिल गई शायद कोर्ट के इंटरवेंशन से, माँ की नौकरी छूट गई थी, तो हम दो भाइयों पर दारोमदार था पूरे परिवार का उस समय। थर्ड ईयर खत्म होते होते पेरेंट्स फिर सेटल हो गए थे, माँ को नई नौकरी मिल गई थी, पिताजी की नौकरी रीइंस्टेट हो गए थे वो नौकरी में। तो उन्होंने ये कहा कि अब तुम अपना सपना पूरा करो पॉलिटिक्स या जो भी, तब तक सिविल सर्विसेज भी दिमाग में आने लगा था, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में था वो संकल्प एक समूह है, आप जानते होंगे संघ का प्रकल्प, RSS का प्रकल्प था, मैं उसी में था संकल्प हॉस्टल में, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से उसी हॉस्टल में गया। उसको जो चलाते हैं वो मेरे लोकल गार्जियन हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आज भी पिता तुल्य हैं। तो फिर मैं दिल्ली वापस आया, इस बीच में 2 साल में फरीदाबाद से रोज़ दिल्ली अप डाउन कर रहा था, जो लोकल ट्रेन्स होती हैं उससे आता था, दिल्ली में काम करके रात को घर चला जाता था। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं आया तो विजेंद्र भी, मैं भी, दो और दोस्त थे हमारे उस समय, हम चारों ने पांडव नगर की जगह, आप शायद जानते होंगे मयूर विहार के पास ही है जी, वहाँ एक फ्लैट लिया, विनोद नगर, पांडव, विनोद नगर, एग्जैक्टली दद्दा वहीं रहते हैं। अच्छा 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 तो पांडव नगर में एक फ्लैट लिया, वहाँ पहली बार मैंने तैयारी शुरू की और मैंने MA की जब नौबत आई तो हिस्ट्री छोड़ के हिंदी साहित्य लिया। ये आसान नहीं था क्योंकि DU में एक नियम है कि आप MA करेंगे तो BA में पढ़ा होना चाहिए, और BA तो हिस्ट्री ऑनर्स था। तो MA के एडमिशन के 9 रूल्स थे, उसमें से जो 9वां रूल था, ये 9वां मतलब कह लीजिए एलिजिबिलिटी थी, वो ये थी कि आपने ग्रेजुएशन में एक पेपर हिंदी का पढ़ा हो, और हिस्ट्री ऑनर्स में एक पेपर सब्सिडरी हिंदी का था मेरे पास, उस रूल से एडमिशन हो सकता था। पर हो कैसे, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो मेरा DU में एडमिशन नहीं हो पाया। फिर जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, क्योंकि वहाँ डिमांड कम रहती थी, सप्लाई हो सकती थी। तो मैंने MA प्रीवियस जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से किया, ये बात 1993 से 1994 की है। और मैंने ग्रेजुएशन में तो मैं बहुत ही औसत विद्यार्थी था, कॉलेज में शायद मैं टॉपर था, लेकिन इसलिए कि सब मुझसे भी खराब विद्यार्थी थे, तो 51.5% मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर है कुल मिला के। वो भी पहला साल बहुत खराब था, इसलिए बाकी 2 में अच्छा करते करते वहाँ तक पहुँच पाया। MA प्रीवियस वो पहला साल था जब मैं सीरियस हुआ पढ़ने के लिए, ज़िंदगी में पहली बार सीरियस हुआ पढ़ने के लिए। स्कूल में मैं ठीक था, 7वीं 8वीं क्लास तक मैथ्स में 100 नंबर आते थे मेरे, इंग्लिश में फेल होता था। फेल होते थे? हाँ, 9वीं क्लास तक मैं इंग्लिश में लगभग हर साल फेल हुआ, मतलब एनुअल में पास हो जाता था, क्योंकि मेरी माँ स्कूल में टीचर थी, मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट मिलता होगा मुझे। मेरा मतलब ऐसा मुझे कभी बताया नहीं गया, पर मुझे मेरा अनुमान है कि इतना ध्यान तो टीचर से बच्चों को रखा ही जाता होगा। क्योंकि मैं अपने अंग्रेजी में पास हो जाऊं उसमें मेरे कर्म तो नहीं होते थे, क्योंकि मैं जो बच्चा हर साल के हर एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, एनुअल में हर साल पास हो जाता है, या तो स्कूल की अपनी पॉलिसी होगी जो भी रोकना नहीं है बेटे। हाँ, जो भी पॉलिसी हो। 10th क्लास में मेरी इंग्लिश ठीक हो गई, एक टीचर ने मुझे, हमारे यहाँ होता क्या था कि रटने की परंपरा थी इंग्लिश को भी, भाषा को भी,
तो पेरेंट्स हिंदी के थे तो हिंदी तो अपने आप अच्छी हो गई थी जी। इंग्लिश में हम स्कूल में जब जाते थे तो टीचर आंसर लिखवाते थे, रटना होता था, रोज़ टेस्ट होता था, जो टेस्ट में पास नहीं होगा मुर्गा बनता था रोज़, ये परंपरा थी। तो हम तो उस मतलब वर्ग वाले थे जो सीधे है कि बिना टेस्ट दिए मुर्गा बन जाते थे कि औपचारिकता क्यों करें जब परिणाम वो होना ही है तो फिर सीधे उसी पे चलते हैं। तो तीन चार लोग हमारे क्लास में थे इंक्लूडिंग में जो सीधे दूसरा स्टेप लेते थे। टेंथ में एक टीचर ने पहली बार समझाया कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा के कुछ एक तमीज़ होती है, कायदे होते हैं। तो जब ग्रामर पहली बार थोड़ी सी समझ में आई, इतना सा मतलब हंसी आएगी आपको, मुझे पहली बार दसवीं में यह समझ में आया कि भूतकाल बनाना हो तो सेकंड टेंस यूज़ करनी है, ये पहला टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने कहा कि राम वेंट, बोले वेरी गुड, इसका मतलब राम चला गया, गया। मुझे पहली बार समझ में आया कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो कुछ खास बात नहीं है। तो मैंने एक दो आंसर लिखे, निबंध लिखे, सारे भूतकाल में लिख दिए। तब उन टीचर ने, उनका नाम अजीत था, अजीत जी हम बोलते थे, और मतलब वो प्रसिद्ध थे, शीशम के डंडे से पीटा करते थे, पर मुझे उन्होंने पीटा नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा कभी। स्कूल में टीचर्स की पहचान डंडे से भी होती थी कि किसके पास छड़ी है गुलाब वाली, कांटे वाली है, किसके पास शीशम का डंडा है, किसके गुड़हल, गुड़हल की, गुड़हल हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ तो बहुत, हाँ हाँ, गुलाब शीशम ये सब होता था हमारे यहाँ। कुछ लोग चौक उंगली में दबा के दबाया करते थे, कुछ पीछे स्केल से मारा करते थे, डस्टर भी मारते थे, कुछ यहाँ पर चूटी काटते थे बगल में, हाँ, तो वो फॉर्म्स ऑफ टॉर्चर। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं है बिल्कुल भी, हमें लगता है कि हम जैसों के लिए बहुत ज़रूरी भी था उस समय वो, कोई अफसोस नहीं है उसको लेकर, तो नॉस्टैल्जिया फील करते हैं हम अब तो। मतलब हमें ये पता है कि उन टीचर्स की इंटेंशन हमारा अहित करना नहीं थी, उनको उनकी समझ थी कि बिना इसके ठीक नहीं होंगे, हो सकता कि उस माहौल में शायद उसके बिना ठीक होते भी नहीं, मुझे नहीं पता, माहौल का भी है ना। जैसे अमेरिका में मेरे बड़े भैया रहते हैं तो वहाँ बच्चों को नहीं मारा जाता, वहाँ बच्चे ठीक ही बिहेव करते हैं, यहाँ मारते हैं तो यहाँ भी ठीक बिहेव कर रहे हैं, तो कई बार उस माहौल में एक्सपेक्टेशन लोकल सॉल्यूशन। जैसे वहाँ पनिशमेंट क्या होती है कि आपको एक घंटे तक स्टाफ रूम में जाके बैठना है, ये पनिशमेंट है, और आपसे एक घंटे तक कोई बात नहीं करेगा, एक घंटा दीवार की तरफ खड़े होकर देखना है। अब ये पनिशमेंट हमारे यहाँ हो तो इसको तो मौज कहेंगे फिर, ये तो पनिशमेंट हुई नहीं है। तो जैसे हमें जब स्कूल में टीचर स्कूल से निकालते थे क्लास से बाहर कि जाओ क्लास से निकल जाओ, अब बाकी बच्चे जलने लगते थे, हमें खुशी हो रही है, अब क्लास में बैठना टॉर्चर है, क्लास के बाहर निकाल दिया तो वरदान हुआ। फिर उनको समझ में आया क्लास से निकालना ठीक नहीं है, क्लास के अंदर टॉर्चर करना ठीक है, तो बेंच पे खड़े हो जाओ, डेस्क पे खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, डंडे से पीटो, ये सब होता था, सबके साथ होता था, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ होता था, कुछ अच्छे बच्चों को छोड़ के बाकी सबके साथ होता था। तो ये स्कूलिंग में जब इंग्लिश पहली बार समझ में आई तो उन्होंने कहा कि बेटा सिर्फ पास्ट टेंस नहीं होता, फ्यूचर भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, इतना सा बताया कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फ्यूचर में विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इतना ही करना है। 7-8 दिन लगते लगते 12 टेंस समझ में आ गए, और समझ में आ गए तो बात ख़त्म हो गई। 9th क्लास में मेरे पेरेंट्स की राय ये थी कि मैं 10th में इंग्लिश में पास होऊंगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि उसमें स्कूल का नहीं चलता है कुछ भी, वो तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, लेकिन बाकी सभी में डिस्टिंक्शन आ जाएगी, डिस्टिंक्शन का मतलब 75, उस समय वो बहुत बड़ी बात थी 75, अब तो भंडारा चल रहा है CBSE में, लेकिन उस समय तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इंटरेस्टिंग बात है, मेरी 10th की मार्कशीट में मेरी डिस्टिंक्शन केवल इंग्लिश में है, सिर्फ इंग्लिश में है 77, हिंदी तक में नहीं आ पाई क्योंकि उस साल मार्किंग बहुत टफ हुई, 72 हिंदी में रहे। उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैंने 11th-12th इंग्लिश मीडियम से किया, हिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश मीडियम से किया, फिर मैंने बाद में MS सोशियोलॉजी, MA मास कॉम, LLB मैनेजमेंट सब इंग्लिश से पढ़ा। आज मुझे कुछ भी रिसर्च करनी हो मेरी पहली भाषा इंग्लिश होती है रिसर्च करने के लिए। तो तब से मुझे लगता है कि अंग्रेजी सीखना कोई रॉकेट साइंस थोड़ना है, बिल्कुल ऐसी चीज़ है, कोई भी सीख सकता है, भाषा ही तो है, ऐसा क्या है उसमें। तो MA हिंदी इसलिए लिया क्योंकि हिंदी पे मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय तक इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी थी, मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से कर चुका था, इंग्लिश में एक दो डिबेट्स भी बोल चुका था, एक आज डर लगता था, लेकिन एक दो बार लगा कि प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा, गए तो बाई चांस वहाँ भी एक प्राइज़ मिलेगा, चौथा तीसरा कोई, मैं थर्ड या
थर्ड के बाद कंसोलेशन प्राइज हुआ करता था, सांत्वना पुरस्कार, तो वैसा कुछ मिला है। सर सीसी में शायद डिबेट थी एक। एमए हिंदी इसलिए किया कि अब मुझे लग गया था कि मैं सेल्समैन तो नहीं बनना चाहता हूँ जिंदगी में, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अपना उद्यम कर चुका था, आजकल स्टार्टअप करके बड़ा हाइप मचा देते हैं, तो स्टार्टअप मेरा सक्सेसफुल चल रहा था उस समय, प्रिंटिंग वाला। हाँ, पर यह था कि इनकम अच्छी थी, शायद किसी भी क्लास वन जॉब से ज़्यादा इनकम उस समय उस स्टार्टअप से थी मुझे, मतलब हमें, हम दो भाइयों को। पर यह फीलिंग नहीं आ रही थी कि यही करने के लिए जन्म हुआ है, इससे कुछ बेहतर होना चाहिए। तो मुझे समझ में आया कि अब दो ऑप्शंस मेरे पास हैं। पॉलिटिक्स तब तक थोड़ा सा बैक स्टेज जाने लगा था कि वो उतना शायद आसान नहीं होगा, तो ये हुआ कि सिविल सर्विसेज और नहीं तो फिर हिंदी में प्रोफेसर। और हिस्ट्री में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, मुझे बहुत गहरी रुचि उसमें थी नहीं उस समय, अब है बहुत रुचि, उस समय नहीं थी। तो मैंने एमए हिंदी लिया जाकिर हुसैन इवनिंग में, और एमए हिंदी में मैं जो पहले साल में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सेकंड रैंक पे आया। अच्छा, यूनिवर्सिटी टॉपर। हाँ, सेकंड टॉपर, 62.5% मार्क्स है, जो कि मतलब ठीक थे, डीयू में काफ़ी अच्छे थे। उस कॉलेज में डॉक्टर सुधीश पचौरी पढ़ाया करते थे जाकिर हुसैन इवनिंग में, कमल किशोर गोयनका पढ़ाया करते थे, अच्छे प्रोफेसर से। हालांकि मैं क्लास में नहीं जाता था, लेकिन थे कॉलेज में वो भी, और मैं भी उस कॉलेज में था। मैं काम करता था, मैं मतलब सारे काम धंधे चल रहे थे, कैसे जाता, अपने आप पढ़ के नोट्स वगैरह मैनेज करके हुआ। फिर मैंने हिंदू कॉलेज में माइग्रेशन लिया सेकेंड ईयर में, एमए फाइनल मैंने हिंदू से किया है। एमए किसी कॉलेज से करना नहीं होता दरअसल, एमए में सिर्फ एफिलिएशन होता है डीयू में कि आपका अटेंडेंस वहाँ, अटेंडेंस क्या मतलब एडमिशन वहाँ है, फ़ी वहाँ डिपॉजिट होगी, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आप वहाँ जा सकते हैं ट्यूटोरियल्स के लिए। तो एमए फाइनल में मैं रह रहा था डीयू में ही, संकल्प के हॉस्टल में। एमए फाइनल में मैं लगभग गोल्ड मेडलिस्ट होते होते रह गया, क्योंकि वो रिवेल्यूएशन में मैं सेकंड पे हो गया था, वैसे 65% मार्क्स मेरे ओवरऑल एमए में रहे। और मैं सीरियस इतना हो गया था कि जब एमए फाइनल में था, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम आया, तो मैंने फॉर्म नहीं भरने का फैसला किया था। मेरी एक सीनियर थी, आप उनको जानते होंगे, प्रोफेसर रमेश उपाध्याय की बेटी प्रज्ञा उपाध्याय, वो मेरी एक साल सीनियर थी, अभी शायद केएमसी में पढ़ाती हैं वो। उन्होंने मुझे डांट के कहा कि एग्ज़ाम देना चाहिए यूजीसी का। मुझे लग रहा था कि मेरी पढ़ाई उतनी है नहीं अभी कि मैं कैसे निकाल पाऊँगा। तो जब उन्होंने डांटा और ये कहा कि, मैंने कहा दीदी फॉर्म भरने में 200 रुपये लगते हैं, मेरा ऐसे ना 10 दिन का खर्चा निकल जाता है हॉस्टल में। तो जब उन्होंने डांट के कहा कि ठीक है मैं फॉर्म भर देती हूँ, तो शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा इतना भी बेशर्म होना ठीक नहीं। तो फिर मैंने खुद ही फॉर्म भरा और मेरा जेआरएफ हो गया उसी समय, एमए फाइनल में ही हो गया। तो बड़ा रिलीफ था कि अब मुझे हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे, उस समय महीने का खर्चा 1000 रुपये के आसपास हो चुका था, उस समय तक 1000-1200 के आसपास। अब 2500 तो लगता था कि विजय माल्या हो गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो इतना पैसा आ गया। तो मुझे लगा कि अब मैं सुकून से तैयारी कर पाऊंगा आईएएस की। फैमिली कंडीशंस ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये तय था कि मैं जो पैसा आएगा वो घर पे भेजूंगा, अपना काम डिबेटिंग से चलाता रहूँगा। मेरी घर की जिम्मेदारी उस समय खत्म हो गई थी लगभग। तो एमए फाइनल हुआ, एमए फाइनल मेरा हो गया था, मतलब मैंने 16:30 में डीयू ज्वाइन किया, 17 से कम में अलाउड नहीं डीयू में, तो एक स्पेशल परमिशन वीसी से मिलती है जो एक साल तक की हो सकती है, उसके तहत एडमिशन हुआ था। 19:30 में ग्रेजुएशन हुआ, 21:30 में एमए हो गया। तो एमए के बाद मैंने सोचा कि अब आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो एमए 95 में हुआ, 96 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, जब मैं लगभग 22 साल का था। और ये था कि उस समय दो विषय होते थे, तय हुआ कि हिस्ट्री प्रीलिम्स में रखूँगा, हिस्ट्री और हिंदी मेंस में रखूँगा। हिंदी के लिए बल्कि मैंने कुछ क्लासेस की, हिंदू कॉलेज के हमारे टीचर हैं प्रोफेसर रामेश्वर राय, उनसे मैंने पढ़ा उस समय, वो बड़े बहुत चर्चित लेजेंडरी टीचर हैं, लेजेंडरी है। मतलब पहली बार मैंने ज़िंदगी में समझा कि अध्ययन का स्तर क्या होना चाहिए। मतलब मैं एमए टॉप कर चुका था, पर मुझे हिंदी उतनी नहीं आती थी, मतलब उतनी क्या ठीक से नहीं आती थी। उनसे पढ़ा तो मुझे पहली बार समझ में आया कि साहित्य का क्या स्तर होना चाहिए जी। फिर हिस्ट्री से फॉर्म भर दिया पहले अटेम्प्ट का। था मैं खिलाड़ी किस्म का व्यक्ति, मतलब बहुत प्रयोग करता था ज़िंदगी में।
फॉर्म भर चुका था, उसके बाद बाई चांस एक दिन सोशियोलॉजी की किताब हाथ लग गई किसी की, ऐसे ही पलट रहा था, मैंने कहा तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, फिर मैंने कहा इसी से एग्ज़ाम देंगे हम। तो मुझे कई लोगों ने समझाया कि इसी को शास्त्र में गधापन कहा गया है, लेकिन पर मैंने कहा नहीं, अब हिस्ट्री में पढ़ रहा था उस समय एग्ज़ाम के लिए, पर उतना आनंद नहीं आ रहा था पढ़ने में, तो मैंने दूसरा फॉर्म भरा UPSC में। तब फॉर्म भरने की मियाद थी उस समय एक महीने, अच्छा। उसी समय की बात है, तो 96 के अटेम्प्ट में मेरे दो फॉर्म भरे गए थे, दूसरा सोशियोलॉजी से भरा। और फॉर्म भरने और एग्ज़ाम के बीच में गैप मेरे ख्याल से 4-5 महीने का होता था उस समय, अब भी शायद इतना ही होता होगा। उसे मैंने ठीक से पढ़ा वो विषय, किसी ने बताया कि उसमें इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी बुक है हेरोलम्बस की, वो पढ़ो। वो पढ़ी तो मुझे लगा कि ये नहीं पढ़ता तो जिंदा होने का फ़ायदा क्या था, इतना अच्छा सब्जेक्ट लगा। अच्छा, हाँ। हिंदी की बुक्स पढ़ी, हिंदी में बुक्स उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में अच्छी बुक्स थी, पढ़ लिया सारा। उस समय जनरल स्टडीज़ बिना पढ़े भी काम चल सकता था यदि आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा हो प्रीलिम्स में, मैं उसी अप्रोच पे काम कर रहा था। प्रीलिम्स के दोनों मेरे रोल नंबर आ गए थे, क्योंकि UPSC उस समय मैनुअल काम करती थी, तो नियम यह था कि अगर आप दो फॉर्म भरेंगे तो बाद वाला फॉर्म ठीक माना जाएगा, लेकिन उतना कोई ध्यान देता नहीं था, और मेरा बाद वाला सोशियोलॉजी का था भी वैसे भी। तो फिर एग्ज़ाम से 7 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि इस साल छोड़ देता हूँ। तब तक मेरा अफेयर शुरू हो चुका था, वो भी साथ साथ चल रहा था। तो मेरी जो अब पत्नी है, उस समय हम लोग अफेयर में थे, हाँ, मुझसे ज़्यादा मेरे घर पे उनकी बात होती थी उस समय, आपके घर पे? हाँ, वो रोज़ बात करती थी। मैं तो लड़के कैसे करते हैं आपको पता ही है, हफ्ते में एक आध बार दुआ सलाम हो गया तो हो गया। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि ये ना तैयारी ठीक है, डर रहे हैं। तो फिर मेरे पिताजी ने, मेरे पिताजी बहुत ही लिबरल किस्म के आदमी रहे, इतने लिबरल कि जिस दिन मैंने कहा कि मैं रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, उन्होंने एक सेकंड में बोला कर दो, इतने लिबरल रहे हैं। जिस दिन मैंने पहली बार कहा कि मुझे किसी से प्रेम है, क्या करना चाहिए, मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी पहले हुई थी उनसे, तो इतने लिबरल हैं कि उन्होंने ये कहा कि बात कर लेते हैं, ना हो तो ले आना, देख लेंगे। उस तरह के आदमी हैं, मतलब उस तरह का सपोर्ट सिस्टम उनकी तरफ से हमेशा रहता था मुझे। ईश्वर सबको, हाँ, क्या कह रहे हैं विनोद जी? मैं कह रहा था कि ईश्वर सबको आपके जैसे पापा दे। मेरे जैसे नहीं, दर्शक पापा समझ गए होंगे कि अभिनव जी भी तमाम विघ्न बाधाओं से घिरे हैं। दर्द बाहर आया जी, इस पर आएंगे, क्योंकि सर के CV में जो तमाम चीज़ें हैं उसमें एक ये है कि ये मतलब लोगों ने हमसे, किसी ने मजाक में कहा कि अगर ये सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के टीचर और कोच और गाइड नहीं होते तो ये एक बहुत सफल मैरिज ब्यूरो चला रहे होते। प्रेम विवाह कराने में हर तरह के झंझटों से पार इनकी महारत हासिल है, ऐसा मुझे बताया गया जी। प्लीज़, तो तरुणा जी भी तैयारी कर रही थी, सहपाठी? हाँ, पर उनका वो, मेरे एक साल जूनियर थे DU में ही। अच्छा। डिबेटिंग सर्कल में मिलना हमारा हुआ था, तो वो तैयारी कर रही थी, लेकिन उतना सीरियस तैयारी को लेकर नहीं थी, उतना इंटरेस्ट नहीं था उनका। तो फिर पिताजी ने धमकाया फ़ोन पे, उन्होंने ये कहा कि मतलब मेरी इच्छा है कि तुम एग्ज़ाम दे दो। मैंने कहा मेरी तैयारी कम है। बोले क्या होगा, नहीं होगा, तब भी दे दो, ये मान लो कि मैं पहली बार कोई आदेश दे रहा हूँ, दे दो। तो फिर तो कुछ कहने को बचा नहीं था, एग्ज़ाम दिया, बाई चांस फिल्म्स हो गया। मेंस में मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया पहली बार में। कॉन्फिडेंस इतना चरम था कि इंटरव्यू और रिजल्ट के बीच में शादी भी कर ली हम लोगों ने। हाँ, 26 मई 1997 को शादी हुई हमारी, अभी 25 साल हुए हैं इसी साल 2022 में ही। तो 26 मई 1997 को शादी हुई, 4 जून 1998 को रिजल्ट आया, 384 रैंक आया। मुझे उम्मीद थी कि मैं पहले 20 में आ जाऊंगा। अच्छा, आपको लग रहा? कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से रहता था, अब ठीक हो गया। पहले थोड़ा ज़्यादा रहता था, ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए। कई बार क्या होता है, जब तक हमें पता नहीं होता कि दुनिया में और भी लोग हैं, तब तक आदमी उछलता ही है। जब दुनिया की समझ ठीक से होती है, फिर पता लगता है कि सबके कंपेरिजन में हम उतने ही हैं जितने बाकी लोग भी हैं। पर सिलेक्शन होना पहले अटैम्प्ट में DU में बड़ी बात थी उस समय, देश में भी बड़ी बात है। हाँ, पहले अटैम्प्ट में फोड़ना। हाँ,
384 रैंक, 384 रैंक था, क्योंकि बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका रोल नंबर भी आप बोल दीजिएगा, 97484 रोल नंबर था मेरा उस साल 1996, वो पहले अटेम्प्ट का रोल नंबर कैसे भूलेगा आज तक याद है मुझे। सो शोल पीपल गूगल अबाउट इट, मतलब जो हमारे पास ये पोथी रखी है रिसर्च की, उधर भी गूगल पर जो अधिकांश बातें हैं वो गलत हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ को लेकर गलत है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1973 है लेकिन किसी ने 1976 बता दिया, अब सिक्स बता दिया तो फिर लोग कहते हैं कि 1996 में हो कैसे गया, तो 20 साल के थे, एग्जाम कैसे देंगे। और मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है, दो नहीं होती है हमारे, एक ही इधर इधर नहीं, इनकी मिस्टेक नहीं होगी। हाँ नहीं नहीं इनकी नहीं, हमने इन्होंने जब हमको बताया तो हमने कहा आ रहे हैं, तुम जितने भी तरह की बातें सब लिख डालो कागज पे, सब पूछ लेंगे। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1973। मुझे नहीं पता क्यों ऐसी भ्रांति फैली, आपके प्रोफेसर बताया वो भी झूठ, वो भी झूठ। गुड जॉब, दरअसल इन्होंने ठीक किया क्योंकि वो वीडियो मेरे पास भी किसी ने भेजे, एक जैसे कुमार श्याम नाम से एक चैनल है, उन्होंने एक कुछ जीवनी पता नहीं क्या नाम से वीडियो बनाया था, राजस्थान का लड़का बायोग्राफी बनाता है, मतलब वो उस पे वीडियोस बनाते हैं अलग-अलग मीडिया पर्सन। हाँ, तो किसी ने मुझे भेजा, मैं अपने एक दोस्त की बिटिया को गोद लिए था, वो इंटरनेट पे बताता है कि वो मेरी बेटी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बच्ची गोद लिया तो बधाई आनी शुरू हो गई कि एक और, तो वो तो होता ही है। तो कई ऐसे वीडियोज हैं विकिपीडिया पर तो नहीं, शायद गूगल में कहीं कहीं सच में ऐसा लिखा है। अब मैं थोड़ा संकोची किस्म का, मैं पहली बार जिंदगी में पर्सनल लाइफ पे बात कर रहा हूँ इस तरह से। वी आर ग्रेटफुल सर, पहले दो तीन चैनल्स की तरफ से मुझे निवेदन आया था, पर मैं संकोच में, मैंने ये कहा कि देखो मैं ना जो प्राइवेट है पर्सनल बताना नहीं चाहता हूँ, बाकी मैं आपको रुचि नहीं होगी तो फिर कुछ मतलब है नहीं उसका, आपसे संबंध इतना अच्छा है कि मेरी इच्छा थी कि पहली बार कहीं बताऊँ तो यहीं बताऊँ, इसलिए थैंक यू। सौरभ और मैं पुराने परिचित हैं लेकिन ऐसे नहीं जैसे कल शायद किसी ने बोला कि आप कॉलेज लाइफ में आप दोनों कैसे थे बताइए, तो हम कभी कॉलेज फ्रेंड्स ही रहे हैं। हम लोग कभी, और मेरे ख्याल से हमारी ये जिंदगी में पांचवी मुलाकात है, चौथी पांचवी मुलाकात जी है, हम इतना ही। एक दफा शुभराष्टा और रजत की शादी में पहली मर्तबा मिले, दूसरी बार राजेंद्र पेंसिया की शादी में मिले, तीसरी बार एक बार जाकिर हुसैन कॉलेज में एक डिबेट कॉम्पिटिशन। अच्छा हाँ, वो मिला के छह हो जाएगा शायद, तीन हो गए। और हाँ। नहीं नहीं, तीन और एक बार घर पे मिले, चार, एक और ये पांचवी नहीं, एक और है। सबसे पहले हम मिले थे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में एक बुक लॉन्च पे, उसमें पहली बार मैं आपसे मिला उस दिन, और कई लोगों से मिला पहली बार, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर के कुएं में रहता हूँ, से बाहर बहुत कम निकलता हूँ, बहुत ही कम निकलता हूँ, तो मेरा सोशल सर्कल जीरो के आसपास रहता है, तो उस दिन पहली बार हमारा मिलना हुआ था। और उस दिन आपने एक बड़ी रोचक बात कही थी मुझे कि सर मैंने कल रात को सपना देखा कि आप मुझे मैथ्स पढ़ा रहे हैं सपने में। ये हमारी पहली मुलाकात, आप भूल गए हैं। लेकिन आप मैथ्स पढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे वो, जैसे आपको इंग्लिश का सपना आता होगा शायद कभी कभी, मुझे मैथ्स का सपना अभी भी आता है, और मेरी ये तमन्ना है कि मैं सबमिटकल लेके और आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल में बैठ के सॉल्व कर लूं। मेरी भी इच्छा है, मतलब मुझे मैथ्स एकेडमी के लिए उतना नहीं आता, लेकिन मैथ्स की इंट्यूशन और रीजनिंग मेरी अच्छी है, मतलब मैथ में बहुत जल्दी सीख सकता हूँ, तो मैंने एक टीचर से बात की हुई है कि जब भी मौका मिलेगा 2-3 महीने मैं सीखूंगा मैथ्स सारा, मुझे मैथ्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, आता नहीं है उतना अभी। मैं तो उस भय से मुक्त होना चाहता हूँ। नहीं, मुझे भय एकदम नहीं है, बहुत आसान लगता है, रोचक लगता है, बस जिस समय पढ़ना था उसमें पढ़ने का मन नहीं हुआ, इतनी बात है, इसलिए नहीं पढ़ा। तो फिर पहला अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हुआ। कौन सी? और जब लेट, उस समय क्या था कि मैं जनरल से था, 4 अटेम्प्ट होते थे उस समय जी। उस समय IAS IPS की सीट्स बहुत कम थी, IAS की कुल 56 सीटें थी, IPS की कुल 36 सीटें थी, रिजर्वेशन हटाने के बाद पहले 70-80 रैंक के बाद IAS IPS नहीं मिलता था, IRS बहुत कम था उस समय, क्योंकि GST वगैरह वो जो सर्विस टैक्स है उसके बाद पॉपुलर हुआ तो सीट्स बढ़ी। आजकल तो ये हालत है कि आप अगर जनरल में 220 रैंक पे तो IPS बन जाते हैं, उस समय तो 60 के बाद IPS भी नहीं बनते थे। उस समय एक सर्विस थी जो सिविल सर्विसेज में थी, जो अब सिविल सर्विस से अलग हो गई है, CISF में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट थी जी जी। मुझे वो ऑफर हुई थी, तो मुझे वो ऑफर हुई कि आप CISF में असिस्टेंट कमांडेंट
अच्छा, तब वो सीपीएफ अलग नहीं होता था, इसी में मर्ज रहता तब था। बाकी सीपीएफ अलग होता था, सिर्फ ये सीआईएसएफ सिविल सर्विसेज में था। अच्छा। सीआरपीएफ बीएसएफ वो सब अलग होता था एक साथ। लेकिन उसमें एक पेज था कि मैं मेडिकली उसके लिए अनफिट था, नोक नहीं और पार्शली फ्लैट फुट की बात उसमें थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल बोर्ड बैठे रिव्यू करने के लिए, तो आप 7 दिन में रिव्यू कर दीजिए, मेडिकल बोर्ड चेक करेगा, नहीं तो हम आपको केंद्रीय सचिवालय सेवा, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, वो भी अब सर्विस खत्म हो गई है, अब नहीं आती है, वो देंगे। नोक नहीं, मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम मुझे उतनी नहीं थी, गलती ये हुई कि जब मेडिकल हुआ मुझे किसी ने बता दिया कि घुटने मिलेंगे तो ही पास हो गए, तो मैं बहुत जोर से मिलाने में लगा रहा, तो मुझे मतलब टच होते हैं लेकिन ऐसा पूरी नहीं ताकत लगा के एकदम कोई मतलब मुझे लगा फेल ना हो जो मैंने और जोर से भिड़ा दिए घुटने। उन्होंने एक दो बार पूछा भी कितना टच होता है, मैंने कहा मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मैं तो और कॉन्फिडेंस में था कि देखो एकदम टच हो रहा है। तो फिर मैंने एक डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आप मेडिकल बोर्ड बिठाएंगे तो 50% चांसेस हैं कि आप फ्री हो जाएंगे इससे, तो कुछ दिनों तक दोनों पैरों के बीच में तकिया रख के सो और कुछ और उपाय बताए जिससे थोड़ा सा गैप हो जाएगा। फिर मैंने सबसे पूछा कि मेरी रुचि सीएएसएफ में थी नहीं उतनी, तो जब फिर से एग्ज़ाम देना ही है प्रॉपर आईएएस बनने के लिए, तो फिर ज़्यादा अच्छा है कि मैं वो सर्विस चुनूँ जो मुझे पढ़ाई का मौका दे। तो पता लगा कि सीएएसएफ में जॉइनिंग 6 महीने से 12 महीने बाद होती है केंद्रीय सचिवालय से। हाँ, एक साल तो एक्सटेंशन वैसे ही मिल जाता था, आजकल भी मिल जाता है, उसमें और चांस मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि 1 या 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो मैं उसके बाद ज्वाइन कर लूँगा, तो पढ़ाई कर लेता हूँ। तो मैंने मेडिकल बोर्ड के लिए अप्लाई नहीं किया और सीएसएस, उससे मुझे होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मिला, मैं होम मिनिस्ट्री में रहा हूँ कुछ महीने। ये बात 97 के रिजल्ट की है, 97 में शादी भी हो गई थी और मतलब आर्थिक जिम्मेदारियाँ भी होती ही हैं हम लोगों पे ही। JRF मिल रहा था, लेकिन JRF भी उस समय शायद ब्रेक हुआ था, MPhil पूरा हो गया था, PhD का प्रोसेस चल रहा था रजिस्ट्रेशन का उस समय। तो फिर वो अटेम्प्ट ने फरीदाबाद में घर पे रह के ही दिया। दूसरा मेरा अकेला अटेम्प्ट है जिस साल मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, वो सेकेंड अटेम्प्ट से, मैं उस साल मेंस में कुछ नंबर से रह गया। और दोनों साल मेरे रिजल्ट ख़राब होने का, मतलब पहले साल अच्छा रैंक ना आने की बजाय और दूसरे साल मेंस ना होने की बजाय, दूसरा विषय सोशियोलॉजी था, उसमें नंबर काफ़ी कम थे, जबकि मेरी समझ है कि मैं उसमें हिंदी साहित्य से ज़्यादा अच्छी पकड़ रखता हूँ और उससे अच्छी फिलोसफी में, मेरा वो पहली मोहब्बत फिलोसफी है, वो मैंने बाद में पढ़ा उसके बाद। पर नंबर नहीं आया UPSC में, पता नहीं क्यों नहीं आए, तो हो सकता कोई कमी मुझ में हो, कोई विषय में हो। एग्जामिनर्स, क्योंकि सोशियोलॉजी हिंदी माध्यम में उस समय बहुत पॉपुलर नहीं था, इंग्लिश में तो था, हिंदी में बहुत कम लोग लिखते थे, तो हो सकता वो फैक्टर रहा हो। जब दूसरी बार नहीं हुआ तो वो बड़ा दिल टूटने वाली बात होगी, पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए तो हर जगह आप जहाँ जा रहे हैं लोग ऑटोग्राफ लेने के मूड में आ जाते थे। सेकंड में मेंस ना हो तो फिर लोग बात करने से बचते थे कि ये तो सब बर्बाद हो गया। फिर हम लोगों ने दिल्ली शिफ्ट किया, DU के पास एक फ्लैट रेंट पे लिया, उस फ्लैट का रेंट था 2800 रुपये और JRF उस समय SRF हो गया था तो 3450 रुपये मिलते थे, तो 650 रुपये बचते थे, गृहस्थी उसी में चलती थी हमारी। तो फिर बड़े भैया केंद्रीय सचिवालय की नौकरी आपने छोड़ी दी थी, अभी ज्वाइन नहीं किया था, अच्छा, उसकी ज्वाइनिंग बाद में होनी थी ना। इस बीच में मैं DU में महाराजा अग्रसेन कॉलेज में 3 महीने पढ़ा चुका था, सेकेंड अटेम्प्ट जब मैं दे रहा था उस समय जॉब भी कर रहा था साथ में, फरीदाबाद से रोज़ मयूर विहार आता था कॉलेज में, पढ़ाता था फिर घर जाके पढ़ता था, तो ये उस समय चल रहा था। थर्ड अटेम्प्ट के समय फिर मैं दिल्ली आया, यहाँ रहना शुरू किया, PhD चल रही थी साथ में तैयारी, PhD DU से, DU से ही मैंने सब कुछ DU से ही किया, मतलब 1990 से 2000 तक हिंदी विभाग DU में, प्रोफेसर रमेश गौतम मेरे गाइड थे MPhil में भी PhD में भी। PhD मेरा पोस्ट मॉडर्निज्म पे था, उस समय नया कंसेप्ट था। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिलोसफी विषय चुन लिया था क्योंकि सोशियोलॉजी से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, चुन तो लिया लेकिन पढ़ाई करने का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, मतलब फेलोशिप भी है PhD भी, हालांकि मेरे गाइड बहुत कोऑपरेटिव थे, तब भी शादी भी थी तो फैमिली से भी कभी कोई आ गया, कभी हमें जाना हुआ, जबकि पूरी सपोर्ट मिलती थी मुझे हर तरह से।
तो तीसरी बार में भी मैं इंटरव्यू दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर डीएवी कॉलेज में पढ़ाया 4 महीने, पीजी डीएवी में आश्रम पे जो है, तब तक इस नौकरी की ज्वाइनिंग का समय आ गया। 99 में ज्वाइनिंग का समय आया। मैं मन बना चुका था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, ये वाली सिविल सर्विसेज वाली। मेरी बात से मेरे घर में सब सहमत भी थे, पत्नी भी पिता भी, जबकि मैं सब बेरोजगार था, ऐसा कुछ नहीं था मेरे हाथ में, लेकिन तब भी वो सब सहमत थे कि वही करो जो करने का मन हो, ज़बरदस्ती क्यों नौकरी करो। और मैं सिविल सर्विसेज को लेकर ऐसा आग्रह था भी नहीं, हरियाणा में मैं जहाँ था वहाँ कोई ऐसा शौक भी नहीं था, मतलब बिहार उत्तर प्रदेश में जो एक शौक होता है सिविल सेवाओं का वो हमारे राज्य में नहीं था। तो मैं तो समझाना पड़ता था आधे घंटे में कि मैंने क्या कर लिया है, लोग समझते ही नहीं थे क्या कर लिया, बड़ी मुश्किल से समझाते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने सबको मना लिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, सब मान गया ठीक है ज्वाइन मत करो। जिस दिन ज्वाइन करना था उस दिन मैं नहीं गया ज्वाइन करने के लिए। ये बात मेरे ख्याल से 1 जून 1999 की है। सब सहमति थी, मैं पीएचडी पे काम कर रहा था, थीसिस लिख रहा था अपना उस समय, क्योंकि पीएचडी मेरा 97 में शुरू हुआ था, जिस दिन 2 साल हुए मैंने उसी दिन सबमिट कर दिया था, ठीक 2 साल होते ही। तो मैं उस समय पीएचडी थीसिस पे काम कर रहा था अपना। मेरा एक दोस्त है आईआरटीएस है, उसी साल सेलेक्ट हुआ था, मतलब मेरे से अगले साल, और उसने ज्वाइन किया था। आईआरटीएस रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, रेलवे की काफ़ी अच्छी सर्विस है। अब शाम को वो घर पे आया बधाई देने के लिए कि उसको लगा मैंने ज्वाइन कर लिया होगा, मैंने नहीं किया था। तो उसने मेरे घर में सबको, पत्नी को, मेरे पिताजी को, मेरी मदर इन लॉ थी, उनको सबको ये समझा दिया कि ये गधा है, आपको पता नहीं है इसने क्या छोड़ दिया है, आप तो समझदार लोग लग रहे हो, सब लोग कुछ तो सोचा होता। तो शाम को जब मैं घर आया तो घर में कोहराम मचा हुआ था, और उन सबको लगा कि इतना बड़ा फैसला कर लिया पागलों की तरह। तो जब मुझे लगा कि वो सब बहुत दबाव में है, अरे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ जिंदगी में कर लूंगा, ऐसी चिंता मुझे थी नहीं, ये था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, इतना भरोसा था। और एक अटेम्प्ट बचा ही हुआ था, अटेम्प्ट तो है ही कम से कम, उसी में कुछ शायद हो जाए। पर घर वाले भी देख रहे थे कि 3 हो गए हैं, पहले में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, सीट्स कम होती जा रही थी। वाजपेयी जी की सरकार जब आई थी सीट 700 से कम होते होते अंत में 300-285 पे आ गई थी कुल। That's it. Yes, और अभी कितनी होती है? इस साल 1000 है, 2022 में 1000 है, 21 में 800 कुछ थी, तो 800-900 इस साल 1000 आई हैं सीटें बहुत दिन बाद। अभी तो क्या है ना कि आईएएस की सीटें 180 हैं, आईपीएस की 200 हैं, आईआरएस की आमतौर पे दोनों मिला के 200 हो जाती हैं। तो 600 सर्विसेज हैं जो आईएएस आईपीएस आईआरएस की हैं। उस समय कुल 300 सीटें थीं, जिनमें से आईएएस की जनरल की 28 सीटें थीं, आईपीएस की 18 थी। तो पहले 60 रैंक में सब खत्म हो जाता था उस समय, जनरल में स्पेशली, मैं जनरल से था उस समय, मतलब अभी भी हूँ। तो पहले 50 रैंक में नहीं आए तो फिर कोई मतलब था भी नहीं हमारे लिए उस चीज़ का। तो 98 आ गया, तो 98 में तीसरा अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ। इस बीच में डीएवी कॉलेज में पढ़ाया था 4 महीने एडहॉक बेसिस पे। अब गृहस्थी भी चल रही है, खर्चे भी ज़्यादा हैं, इनकम है नहीं। तब मैंने अपने उस दोस्त पंकज दुबे, आप शायद जानते हैं उसको, पेंगुइन में उसने अच्छे नॉवल लिखे हैं 8-10, अभी फिल्म भी बना रहा है अपनी, वो उसके दबाव में, उसके कहने पे, आग्रह पे, वो डिबेटिंग में मेरा जूनियर था, उसके आग्रह पर हिंदी साहित्य पढ़ाया पहली बार 12 बच्चों को। 98 की बात है, अटेम्प्ट के एकदम बाद। अच्छा, पंकज भी तैयारी कर रहे थे? हाँ, उनका आपसे पढ़ेंगे, तैयारी कर रहे थे। डिबेटिंग मेरी चलती थी, लेकिन एमफिल में आने के बाद डिबेटिंग बंद हो गई, क्योंकि मतलब उस समय कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं जाता था प्राइज़ मिल जाते थे। तो एक प्रसिद्ध कॉलेज ने एक रूल बना दिया कि एमफिल वाले अलाउड नहीं है, तो मतलब वो हमारी रोजी रोटी पे लात मारने वाली बात थी पूरी तरह से। तो उसके बाद वो भी चारा खत्म हो गया। तो JRF था, जो जनरली मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, फैमिली को देता था, खुद डिबेटिंग में बेटिंग कुछ ना कुछ करके मैनेज हो जाता था। तो हिंदी साहित्य पढ़ाया, 12 बच्चे थे, 12.5 मान लीजिए, एक बच्चा आधे बैच के बाद आ गया था। 2000 रुपये फीस थी, कुल फीस 25,000 रुपये आई, और मेरी कुल उधारें उस समय करीब 40,000 की थी, तो मैंने 25,000 तो चुका दिया।
फिर एक बैच और पढ़ाया, उस बैच में करीब 35 बच्चे आ गए, तो मेरी सारी उधारें चुक गई उससे, इतना ही चुकाना था मुझे, कोई खास शौक था नहीं उसके अलावा। और कहाँ पढ़ाते थे, किसी घर? संकल्प में ही, संकल्प में पढ़ा, क्रिश्चियन कॉलोनी डीयू में जो है हॉस्टल, सबसे पहला हॉस्टल यहाँ पर बना था, पहले पीतमपुरा में संकल्प हॉस्टल में ही था 90 में, भिवानी में मैं जिस स्कूल में था वहीं से संकल्प शुरू हुआ था, उसी स्कूल से शुरू। अच्छा। हुआ था। हाँ। फिर वो हॉस्टल पीतमपुरा से मॉडल टाउन गया, मॉडल टाउन से डीयू में आया, मैं हर हॉस्टल में साथ साथ गया बीच में। तो वहाँ अलाउ करते हैं क्या संकल्प में कि आप ऐसे? पहली बार, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज के लिए होता ही, तो मैंने परमिशन मांगी थी तो मुझे परमिशन मिल गई थी, एक हॉल था मैं वहीं पढ़ाता था बच्चों को। अब तो क्लासेस होती हैं उनकी, उसके बाद कई विषयों की क्लासेस होती हैं, वो पहली बार शायद तभी शुरू हुआ था, कुछ लोग जीएस पढ़ा रहे थे, मैं हिंदी पढ़ा रहा था। तो 98 में हिंदी पढ़ाया, 99 के शुरुआत में दूसरा बैच हो गया, तो 99 में ही जून में ज्वाइनिंग आई, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया सर्विस को। ये दो तारीख को ज्वाइन किया, एक को नहीं ज्वाइन किया, ये कह के ज्वाइन किया मैं 6 महीने में इस्तीफा दूंगा, आप लोगों से हाँ बुलवा के इस्तीफा दूंगा, आज आप लोगों ने दगा दे दिया लेकिन 6 महीने में आप कन्विंस हो जाएंगे मुझसे। तो फिर होम मिनिस्ट्री फ़ोन किया मैंने उसी रात को, जो हमारे अंडर सेक्रेटरी थे जिनका लेटर आया था मेरे पास ज्वाइनिंग के लिए, उनको बताया, मेरी पत्नी ने बताया कि बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, आज आ नहीं पाए, तो कुछ रास्ता है? तो बोले कहते कहते कल आ जाइए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या होगा, सीनियरिटी एक दिन कम हो जाएगी। इतना ही है कि मैं अपने बैच में सबसे यंग था, तो मैं अपने बैच में शायद सबसे जूनियर हो गया उस वजह से, लेकिन ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी। तो नेक्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया, फिर उस दिन ट्रेनिंग हुई, उसकी ट्रेनिंग दिल्ली में ही होती है, मसूरी में नहीं होती, दिल्ली में ही ट्रेनिंग हुई हमारी। ISTM एक इंस्टीट्यूशन है IIT और JNU के बीच में, शायद आपने देखा होगा, JNU ओल्ड कैंपस के एकदम जी जी बेसरा एग्जाम। हाँ, वहाँ ट्रेनिंग हुई करीब 3-4 महीने की, फिर होम मिनिस्ट्री मुझे मिला। होम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी ने पहली मीटिंग में पूछा कि आप लोग क्या सोचते हैं, तो मैंने कहा सर अगर संभव तो राजभाषा विभाग दे दीजिए मुझे, मैं हिंदी में PhD कर रहा हूँ, तो हिंदी भाषा को लेकर जो काम है हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ये कहने के दो पर्पज़ थे बहुत ईमानदार से, एक तो ये था कि हिंदी भाषा तो सुकून रहेगा, दूसरा ये भी कि वहाँ मैं शायद पढ़ने के लिए समय निकाल पाऊँ, क्योंकि एक अटैम्प्ट बचा हुआ था मेरा, और अगर इंटरनल सिक्योरिटी में चला जाता है किसी और विंग में जाता, मान लीजिए नक्सलवाद वाला विंग मिल जाता, उसमें फिर मूवमेंट और 24 घंटे की चौकसी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। उस समय आडवाणी जी होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो मान गए क्योंकि क्रेडेंशियल्स देख के कि भाई PhD हिंदी साहित्य मैप कर रहे हैं, तो राजभाषा विभाग हमारे अंडर आता ही है, तो उन्हें ठीक लगा, तो मुझे वहाँ दिया। मैंने राजभाषा विभाग में डेस्क ऑफिसर के पद पर, जो कि सेक्शन ऑफिसर डेस्क ऑफिसर एक ही बात होती है, हम उस सर्विस में फर्स्ट प्रमोशन अंडर सेक्रेटरी की होती है। IAS से हम लगभग 5-6 साल पीछे चलते हैं, क्योंकि मैं 23-24 में ज्वाइन कर चुका था, तो मैं आज होता तो डायरेक्टर रैंक पे होता और फिर जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी तक ज़रूर जाता। CISF में होता तो आज मैं शायद DIG या IG रैंक पे होता, और उसमें शायद ADG रैंक तक जा पाता इस सर्विस में रहते हुए, या IG पे ख़त्म हो जाता। तो नौकरी की 4-5 महीने 6 महीने फिर रिज़ाइन कर दिया सबको सहमत करके, रिज़ाइन भी किस दिन किया, शिवाजी कॉलेज में एक वैकेंसी निकली हिंदी के अध्यापक की, मुझे लगा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं जब होम मिनिस्ट्री गया ना, 1-2 महीने काम करते करते मैं इतना परेशान हो गया, दिन भर टेबल पर बैठ के, मेरी वो प्रकृति है नहीं कि टेबल पर बैठ के दिन भर कलम चला सकूँ, कमर में दर्द होने लगा, पहली बार स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम फील होने लगी, जो 2-3 साल मुझे रही उस समय। उसके बाद एक देसी इलाज ऐसा हुआ कि तब से मैं ठीक हुई, तो 20 साल देसी इलाज, हाँ एकदम ठीक हूँ, सिर्फ 3 दिन 2-2 मिनट के इलाज से, सोहना में एक बार ऐसा हुआ था, बताऊंगा मैं उसके बारे में, 20 साल से एकदम ठीक हूँ उसके बाद से। उस समय इतनी प्रॉब्लम हुई कि पेन किलर्स खाने पड़ते थे, तो मैंने होम मिनिस्ट्री जाना बंद कर दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया कि मैं स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, नहीं कर पाऊँगा। उनको भी क्या फ़र्क पड़ता था मेरे ना होने से, तो चिट्ठी आती थी कि छुट्टी अभी सेंक्शन नहीं हो पाएगी, EL वगैरह ये सब वो सब। फिर एक दिन पता लगा कि अब वो लोग भी नाराज़ हैं, निकाल देंगे मुझे। इधर शिवाजी कॉलेज में एक इंटरव्यू था, मुझे भी लगा कि सही संयोग बन रहा है, तो मैं गया सीधा जॉइंट सेक्रेटरी के पास, इस्तीफा दे के आ गया उनको कि सर मैं रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। उन्होंने समझाया कि बेटा पहली बार मैं ज़िंदगी में देख रहा हूँ ऐसा कोई कर रहा है इस सर्विस में, समझाना मेरा फ़र्ज है, मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ। तो मैंने कहा सर मैंने काफ़ी सोच लिया है,
मैं ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहा था, वो तो गलती से मैं आ गया था, झेल नहीं पाऊंगा इस चीज़ को। बोले कि देखो जॉइंट सेक्रेटरी बनोगे, एडिशनल सेक्रेटरी बनोगे, पता है क्या चीज़ होती है? मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में उस समय रहता था। मैंने कहा सर होम मिनिस्टर में आऊँगा ना तो होम मिनिस्टर बन के ही आऊँगा, अब उससे कम मैं नहीं आऊँगा। ऐसे ही कह दिया, मतलब पॉलिटिक्स का बहुत थोड़ा सा था ही उस समय मेरे मन में, हल्का हल्का बचा ही हुआ था। तो फिर वो मुस्कुराए, बोले ठीक है फिर चले जाओ भाई, ऐसा है तो फिर मंत्री जी ही बन के आना। अच्छा मैं इतना जड़ बुद्धि था, मुझे लगा कि इस्तीफा दिया तो काम खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट डे यू पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू में एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर, जिनकी वजह से मेरा एडमिशन एम फिल में डी यू में, उन्होंने डी यू का रूल चेंज करवाया था मेरे लिए कि वो एडमिशन हो सके, क्योंकि एम फिल का रूल था कि ग्रेजुएशन में भी कम से कम दो पेपर पढ़े होने चाहिए, मैंने तो एक ही पढ़ा हुआ था। एम ए में रूल था कि एक से भी हो सकता है। अब मैंने कहा ये अजीब तबाही है, एम ए हो गया अब एम फिल में रूल ही नहीं है। तो उस समय जो एच ओ डी थे प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी, बहुत प्रसिद्ध अध्यापक हैं वो, मतलब मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने मुझे डिबेटिंग में देखा था एक दो बार, जज किया था डिबेटिंग में के एम सी मैंने, प्रधान डिबेट में। तो जब मैंने उनके सामने जाके बात रखी, मैंने तो इस भाव से रखा कि मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता था कि ये इतना मतलब मैनेजेबल हो सकता है। उन्होंने वी सी के पास जाके रूल चेंज करवाया ताकि मैं डी यू में आ सकूं। अब शिवाजी कॉलेज में गया इंटरव्यू देने, 5 लोगों का पैनल था, वो भी थे। सिलेक्शन तो होता नहीं होता मुझे नहीं पता, डी यू में सिलेक्शन आपको पता है कि वो कैसे होते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मुझे लेके ये ज़रूर था कि लेफ़्ट और राइट विंग दोनों पसंद करते थे, था मैं राइट विंग में, मुझे राइट विंग का मानते थे उस समय, हालांकि मैं अंदर से काफ़ी लेफ्ट उस समय तो होने लग गया था, पर ठप्पा मेरे ऊपर राइट विंग का था उस समय। लेकिन समहाउ वहाँ सिलेक्शन हुआ नहीं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने की एक बड़ी वजह ये थी कि बोले कि आपने जो रेजिग्नेशन दिया है रिलीविंग हुई कि नहीं हुई। तो मुझे पता लगा कि ये भी कुछ होता है रिलीविंग, मैंने कहा अभी तो पता नहीं। सरकार ने रिलीव किया मुझे लगभग 18-20 महीने बाद, 2001 में रिलीव किया, 2001 के भी एंड में दिसंबर में रिलीव किया। तो वो जो 20 महीने की बेरोजगारी थी उसका रिजल्ट दृष्टि है, कुछ आ रहा ही नहीं था। एक नौकरी से आप इस्तीफा दे के आ गए, यहाँ ज्वाइन ही नहीं कर सकते, अब करें क्या? अनुभव एक ही बचा हुआ था कि दो बार पढ़ा चुका था, तो उसी पूंजी के भरोसे मुझे लगा प्रयोग करके देखते। घर में सब में दबाव भी उस समय था कि रिज़ाइन भी कर दिया और यहाँ हो नहीं सकता अभी। तो फिर हमने कुर्सियाँ वर्सी किराए पे ली, पैसे थे ही नहीं, स्टार्टअप कैसे करें, पूंजी तो हो। तो कुल खर्चा हमने उस समय शायद 15-20 हज़ार रुपये किया, उधार लेके सबसे दोस्तों से। कुर्सियाँ किराए पे मंगवाई गई, एक फ्लैट किराए पे लिया, वहाँ क्लासरूम बनाया गया, ये भरोसा मुझे था कि मैं मैनेज कर लूँगा। हिंदी पढ़ा रहे थे? हिंदी, शुरुआत हिंदी से ही की। हिंदी पढ़ाया, ठीक पढ़ाया, 12-13 बच्चे आ गए थे पहले बैच में उसमें। और इसी बीच में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया 2000 में। सिलेबस चेंज होना एक बड़ा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, मेहनत कोई करना चाहे तो। तो मैंने फिर 3-4 महीने तपस्या की ठीक से नए पाठ्यक्रम पर, फिर वो पढ़ाया, तो फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। फिर फिलॉसफी शुरू किया, फिलॉसफी मैंने यूपीएससी में 2 अटैम्प्ट दिए थे। मेरा जो प्रिय सेगमेंट था उसमें सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का था, बाकी जो 3 खंड थे इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न और रिलीजियस फिलॉसफी, फिलॉसफी रिलीजन, वो 3 बहुत नामी टीचर्स हमारे आते थे। उन सबकी एज ज़्यादा थी, सीनियर थे, तो धीरे धीरे संभव नहीं था कि वो लगातार पढ़ाएं। तो धीरे धीरे मैं एक और सेगमेंट अपने हाथ में लेता गया और 2-3 साल बाद पूरा फिलॉसफी मैंने अपने हाथ में ले लिया। और करीब 2011 तक मैंने पढ़ाया फिलॉसफी, 8-10 साल लगभग। बीच बीच में आप पढ़ाना बंद भी कर देते हैं ऐसा? नहीं नहीं, 2011 तक मैंने कभी बंद नहीं किया, लगातार पढ़ाया। उसके 11 के बाद बंद कर दिया? 11 में मैंने घोषणा की कि मैं फिलॉसफी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं थक गया हूँ। मेरा एक मन ये भी था कि मैं फिल्म बनाऊँ। मैं बहुत दिनों से परेशान, गृह मंत्री जी फिल्म बनाएंगे जी। मेरा बहुत दिनों से मन था कि फिल्म मेकिंग करूँ कभी, डायरेक्शन। आपका आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में PhD करने का भी मन था JNU से? JNU मैंने बात भी की थी एक बार, आपको कैसे पता है? बात बताया था मैंने, रिसर्च।
मैंने एक बार मतलब जे एन यू में पता किया था, वहाँ की एक प्रोफेसर थी, नाम भूल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से थी, उनसे बात भी की थी कि मैं फिल्मों में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो मेरा मन ये भी था कि एकेडमिक्स में अगर जाऊँ किसी यूनिवर्सिटी में तो हिंदी साहित्य में उतना मन नहीं होता था, क्योंकि उसमें जो बच्चे जनरली आते हैं बहुत एनलाइटनमेंट की फीलिंग वहाँ नहीं आती क्लास में। सोशियोलॉजी में, अच्छा सोशियोलॉजी जैसे फिलोसफी पहली मोहब्बत है पर उसमें कोई डिग्री मेरे पास है ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस से बहुत प्यार है, कोई डिग्री नहीं है। सोशियोलॉजी में डिग्री बाद में ले ली मैंने, एमए कर लिया, नेट कर लिया उसमें, लेकिन मतलब कोई ऐसा स्कोप था नहीं। तो सोचा कि फिल्म स्टडीज़ में अगर पीएचडी कर लूँ तो शायद कभी जेएनयू में पढ़ाने का मौका। जेएनयू मतलब मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूशन है। एमफिल के लिए मैंने एडमिशन के लिए ट्राई किया था वहाँ, पर हुआ नहीं था, उन्होंने मुझे खारिज कर दिया था। मतलब मैंने एमए में डीयू से लगभग गोल्ड मेडलिस्ट था, जेआरएफ भी था, लेकिन वो एंट्रेंस भी मेरा हो गया था जो रिटर्न होता है। उस समय तो ऐसे ही होता था, रिटर्न था, इंटरव्यू होता था। हम लोगों के टाइम थे कोई रहा। इंटरव्यू में केदारनाथ सिंह और तीन दो और मेंबर से मैं नहीं जानता कौन थे, लेकिन सिलेक्शन हुआ नहीं था मेरा उसमें। फर्क तो पड़ता है केदार। जहाँ लिखा है सड़क। तो लेकिन तभी फिर नित्यानंद जी ने रूल चेंज करवा के मुझे दे दिया था एमफिल में, वरना दिक्कत हो जाती, फिर मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ता। अब हम लोग एक यात्रा पे आ गए हैं, बेसिक बेसिक। अब मैं दृष्टि के बारे में ज्यादा, अच्छा एक बात मैं और स्पष्ट करूं, 98 के बाद एक अटेम्प्ट बचा हुआ था। आएंगे आएंगे, अरुंधति घोष पर भी आएंगे। वो 2003 में दिया मैंने। अरुंधति घोष उस बोर्ड की मुखिया थी। मुखिया थी। मैंने 5 साल ब्रेक लिया, दृष्टि को सेट किया, और 2003 में जब लास्ट अटेम्प्ट आया तो मैंने अपने दोस्तों से जो ISIPS थे उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना मैं यहाँ सफल हूँ, और जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, उससे अच्छा समय कोई नहीं होता मेरे लिए जीवन में। सच में ISIPS में कुछ ऐसा दम हो कि ट्राई करना चाहिए तो बताओ, वरना मैं यहाँ खुश हूँ। तो एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त, अभी वो ADG रैंक पे है, पुलिस में है, बहुत शानदार ऑफिसर है, आनंद नाम है उसका, आनंद सोमानी, उसने कहा कि सारी बातों के बाद भी कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम दीजिए, और अगर प्रॉपर IAS मिले तो आप जितना चेंज यहाँ ला पाएंगे उतना शायद वहाँ नहीं ला पाएंगे। और भी कई लोगों से सलाह ली, सब ने ये सलाह दी, पर उसकी सलाह मेरे लिए निर्णायक थी। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस समय सिचुएशन क्या थी मैं बता नहीं सकता था कि एग्ज़ाम दे रहा हूँ, स्टूडेंट से कौन पढ़ेगा, अगर मैं खुद भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो कोई मुझसे क्यों पढ़ेगा। अब अजीब हाल, एग्जामिनेशन सेंटर में कौन नहीं, उसका मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला, हालत ये हो गई उस साल, पॉपुलैरिटी ठीक ठाक थी उस समय तक, मेरे कुछ स्टूडेंट्स 5वें रैंक पे IAS में, 8वें रैंक पे, 10वें रैंक पे भी आ चुके थे, 15वें हिंदी मीडियम से 5वें रैंक पे, 5वां 8वां 10वां 15वां चारों पे आ चुके थे उस समय तक। एक अजय करके कोई, अजय ही तो 5वें रैंक। अच्छा वो आपके स्टूडेंट थे? मतलब इंटरव्यू में था, मैं तो प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ा, ध्यान आ गया पता नहीं क्या। इंटरव्यू में मेरे साथ था, उसे 5वां रैंक था, उसी साल लोकेश 10वां रैंक था, 2002 अटेम्प्ट की बात है, और 15वां रैंक उससे पिछले साल कृष्णकांत पाठक इंटरव्यू के स्टूडेंट थे, वो राजस्थान का, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत ही शानदार, मतलब फिलोसफी में डूबे हुए व्यक्ति। ये दर्शकों को अगर अचरज हो रहा हो तो बता दें कि हिंदी माध्यम से या दूसरी भारतीय भाषाओं के माध्यम से सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में टॉप 20 में भी आ जाना बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। वहाँ पर अंग्रेज़ी मीडियम के छात्र छात्राओं का वर्चस्व था, है, और अगर सरकार ने ज़रूरी किस्म के बदलाव नहीं किए, जिस पर अभी हम आएंगे भी, तो आगे भी रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई पर्सनल खींच नहीं, मैंने तो कभी फॉर्म भी नहीं भरा, पर भाषा की अपनी एक हेजमनी है, इसलिए मुझे दिक्कत है उससे। सही बात है। तो मैं क्या करता था कि दिन में 11 से रात 9 तक क्लास होती थी, GS भी पढ़ा रहा था, SA भी, हिंदी भी, फिलोसफी भी, तो सब तैयारी तो हो रही थी सारी। हाँ, लेकिन पढ़ाने की तैयारी और अपने एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग वगैरह, उसमें थोड़ा अंतर तो है ही। तो उन दिनों मेरा शेड्यूल ये था कि सुबह 12 से क्लास लगी थी, मैंने 12 से 9 तक क्लास लेता था, घर आके 10 से सुबह 5 तक पढ़ता था, 5 से 11 सोता था, फिर क्लास में जाता था। तो ये शेड्यूल मैंने करीब 3-4 महीने रखा उस समय। एग्ज़ाम मेरे बहुत कम लोगों को पता था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। सेंटर मैंने प्रीलिम्स का मुंबई में रखा उस साल। अरे मासा भी यही बैठे हैं सीट पे, ऐसे करके कोई खड़ा ना हो जाए दिल्ली में। हाँ, इसीलिए तो मुंबई में प्रीलिम्स का सेंटर रखा। मेंस मैंने बेंगलोर से दिया उस साल, और बेंगलोर से भी इस तरह से दिया कि यहाँ किसी को पता ना चले कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, जैसे आज एग्ज़ाम है, रात की फ्लाइट से जाता था,
एग्जाम दोनों दिए, 5 बजे खत्म हुआ, 6:30 की फ्लाइट से 9:30 बजे दिल्ली, क्योंकि सब वो पर्चा भी चेक कराने आएंगे, और दिल्ली की सड़कों पर घूमता था जानबूझ के कि देखे मैं यही हूँ मुखर्जी नगर में घूमता रहता था ताकि सबको आइडिया रहे कि तो यही है, कहीं दिखा भी नहीं। तो मैं उस समय बेंगलोर अपने एग्जाम के लिए 3 बार अप डाउन किया बेंगलोर में। तब एयरपोर्ट अलग था तो 5 बजे अभी जो एयरपोर्ट है वो वाला। अच्छा, मुझे अच्छा मुझे नहीं पता तबको एचएएल वाला एयरपोर्ट था, मैं तो एक ही जानता हूँ जिससे मैं तब गया था। जब ये कहते कि 5 बजे एग्जाम खत्म किया, 7 बजे की फ्लाइट ले ली, आज आप नहीं कर सकते, तब भी मुश्किल था, इतना दूर है, तब भी मुश्किल था। और मैं उस समय एक अप्रोच ये भी रखता था कि एग्जाम खत्म होने से करीब 15-20 मिनट पहले एग्जाम पूरा करके निकल जाता था ताकि फ्लाइट ना छूटे। और वो कॉफी बोर्ड एक जगह है, उसके एकदम सामने सेंटर था मेरा, वहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फ्लाइट छूटी नहीं कभी भी, मिल जाती थी हमेशा। तो ऐसे दिया, पर इंटरव्यू के समय 250 बच्चे इंटरव्यू मुझसे पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, मैं उनका मॉक इंटरव्यू ले रहा था, मेरा भी इंटरव्यू कैसे उनको भी नहीं बताया था मैंने, मैं क्यों, तो आप कैसे तैयारी कर रहे थे अपने इंटरव्यू की? मैं नहीं कर रहा था तैयारी, तो मैंने अंत में एक मॉक इंटरव्यू दिया सिर्फ, उसमें 5 लोग बैठे पैनल में, वो 2.5 घंटे का मॉक इंटरव्यू हुआ। मैंने उनसे कहा, मेरे सीनियर थे, मेरे ब्रदर इन लॉ प्रोफेसर इंडियो में वो थे, मेरे रियल ब्रदर जो CBI में वो थे, 3 लोग और थे, 5 लोग थे, उनसे मैंने कहा कि एक ही मॉक इंटरव्यू है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे ले लीजिए, जो कमियाँ दिखे बता दीजिए। 2.5 घंटे मॉक इंटरव्यू हुआ और वो अंत में संतुष्ट थे कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो छोटे मोटे सुझाव दिए। तो पर अब संयोग कहें दुर्भाग्य कहें, मेरा सिलेक्शन 2003 में नहीं हो पाया, मतलब जनरल स्टडीज हैं आए नहीं नाम नहीं, जनरल स्टडीज में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 321 मार्क्स आए, जो कि 600 में से बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे। लास्ट अटेम्प्ट में जब मैं GS पढ़ा चुका था कई सेगमेंट्स, मैंने साइंस तक भी पढ़ाया था, पॉलिटी पढ़ाया और एक दो सेगमेंट्स और थोड़े थोड़े पढ़ाए थे, उस साल मेरे मार्क्स जो GS में आए मेरे ख्याल से वो 219 के आसपास आए, 102 नंबर कम हो गए, इंटरव्यू में अच्छे नंबर थे। अच्छा, इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं हुआ, 204 नंबर थे, तो बहुत अच्छे नंबर हैं। हाँ, बहुत अच्छे थे, स्पेशली उस बोर्ड में जिनका नाम आपने बोला, अरुंधति घोष का बोर्ड, उस बोर्ड के हिसाब से बहुत कुख्यात बोर्ड था, वो हिंदी वाले बच्चों के लिए कुख्यात था, मतलब उसमें ये होता था कि 60-70 रहते थे नंबर उस बोर्ड में 300 में से, तो मुझे 204 मिले थे उसमें। लेकिन मेंस में GS, मेंस में मैं एग्जैक्ट कट ऑफ के आसपास था, 970 था और 204 ये 1174 मेरा स्कोर था, मैं शायद कट ऑफ से मेरे ख्याल से 10 नंबर पीछे था, लेकिन उसका फायदा नहीं था ना, कट ऑफ पे आता तो भी वही सब सर्विस मिलती। किस तरह का और था मेरे लिए एक ही मतलब था उस समय, प्रॉपर IAS मिलेगा अच्छे कैडर के साथ, तो ही मतलब था, वरना मैं वेल सेटल्ड था, खुश भी था यहाँ पर। पर वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बच्चे आ रहे हैं, सर मेरा हो गया, आप उनको बधाई दे रहे हैं मतलब उस साल क्या था, मतलब वो दिन, मतलब उस साल मुझे ठीक ठाक उम्मीद थी, और हवाई उम्मीद भी नहीं कहूँगा मैं, मेंस बहुत अच्छा हुआ था मेरा, बेंगलोर में था, सेंट्रल साउथ का था, मीडियम हिंदी था, हो सकता है ऐसा कोई एंगल काम कर गया जो आपने बोला था, हाँ, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वो मेरी समझ से परे था रिजल्ट। मतलब उस साल इतना कॉन्फिडेंट था, मैं जब इंटरव्यू देख निकला, मेरे फादर साथ में थे उस दिन, उन्होंने पूछा क्या लगता बेटा, मैंने ये कहा कि मैंने पिताजी उतना अच्छा नहीं हुआ कि 240 आए, लेकिन हाँ 240 हाईएस्ट हुआ करता था, मेरा सपना था कि 225-240 के आसपास कहीं आ जाए। मैंने उनसे छूटते ही कहा कि 200 से 210 के बीच में आएंगे तो जस्टिफाइड है, और 204 आए तो मुझे कोई ज़रा भी गलत शिकवा उनसे नहीं। और ये बहुत अच्छे नंबर हैं UPSC के इंटरव्यू में, 200 के ऊपर नंबर, हाँ 200 के ऊपर अच्छे नंबर होते हैं। तो मुझे नहीं पता उस साल मेंस में ऐसा क्या हुआ, मतलब उस साल अच्छा इंटरव्यू जब मैंने दिया तो इंटरव्यू तो यही UPSC में होता है, मैंने दिया 6 लोग थे, 5 मेरे स्टूडेंट थे, 6ठा में था। वाह वाह भाई, हिंदी मीडियम के इंटरव्यू एक साथ होते हैं, और हिंदी मीडियम में जितने बच्चे इंटरव्यू दे रहे थे उनमें से 80-90% दृष्टि से ही आते थे इंटरव्यू में उस समय। ऐसा था क्या कि आप लोग बैठे हैं वो कह रहे अच्छा गुरुजी मैं जा रहा हूं? नहीं नहीं, ये तो नहीं, पर सारे स्टूडेंट्स ही थे लगभग वहां पर उस समय जी। अब बात तो छिपा नहीं सकते थे, तो बात फैली गई थी। तो उस साल बहुत लोगों को इंक्लूडिंग मी ये उम्मीद थी कि कुछ बढ़िया रैंक आ जाएगा, उससे पिछले साल अजय मिश्रा का 5वां रैंक था, तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि इस बार कहीं पहला रैंक ना आ जाए, तो पहला तो संयोग से होता है,
पर मेरे मन में ये था कि प्रॉपर आईएएस तो हो जाना चाहिए, मतलब पहले 20-25-30 में तो आ जाना चाहिए, पर नहीं हुआ। ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं ऐसा सुलझा नहीं पाया। और फेल होने के बाद ये कहना कि सिस्टम में गलती है वो बहुत फूहड़ और भद्दी बात होती है, उससे बेहतर है ये मान लेना कि कमी हमें रही होगी, जो भी रहा लेकिन नहीं हुआ। पर यह है कि मैं मुक्त हो गया उसके बाद। अटेम्प्ट्स खत्म होना एक बहुत बड़ी मुक्ति होती है, जब तक अटेम्प्ट्स में आप फ्री नहीं हो सकते, अगर आप उस प्रोसेस में हैं तो। अटेम्प्ट्स खत्म हो गए तो कम से कम अब ये है कि अब बाकी रास्ते हैं। जैसे फिल्म मेकिंग एक ड्रीम था, मैंने एक कोर्स दिल्ली में उसके लिए किया था, फिल्म एप्रिसिएशन का, जो पुणे FTTI कोर्स है वो किया था एक बार। मुंबई NCPA जाके एक दिन, मतलब एक बार कोर्स किया 3 दिनों का फिल्म स्टडीज़ का ही। न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में एक बार गया, न्यूयॉर्क गया हुआ था एक बार, किसी 7 दिन के लिए अमेरिका गया हूँ आज तक। तो उसी समय न्यूयॉर्क में था, मेरे बड़े भैया ने बुलाया था, वो वहाँ सेटल थे उस समय। हमारी बचपन की एक डील थी, तो उस डील को निभाने के लिए उन्होंने बुलाया था US ओपन फाइनल दिखाने के लिए मुझे। अच्छा। हाँ, तो US ओपन फाइनल भिवानी में डील तय हुई थी, दिल्ली में ही, दिल्ली की शुरुआत में, जब कि हम अमेरिका जाएंगे और US ओपन, जब वो अमेरिका जा रहे थे तब हुई थी कि जब मैं वहाँ चला जाऊँगा, सेटल होऊंगा तो उसे बुलाऊंगा और हम साथ में US ओपन देखेंगे। तो US ओपन मैंने 2000, ये बात है शायद 2012 की है शायद, हाँ, क्योंकि 10 साल का वीज़ा होता है, अब ख़त्म होने वाला है, 2012 की बात है। तो न्यूयॉर्क में जब थे तो उन्होंने US ओपन विमेंस फाइनल और मेंस सेमीफाइनल दिखाया। एक दिन फ्री मिल गया मुझे, अगले दिन स्काई डाइविंग मैंने वहाँ पर की अमेरिका में, बहुत शौक था मुझे करने का। तभी नई फिल्म आई थी उन दिनों जिसमें वो 3 लोग कूदे थे, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ, तो वो देखी थी तो मुझे लगा 3 लोग कूदे तो फिर मैं भी वहाँ कूदा, 14,000 feet से जंप किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। और लैला आई थी, लैला कौन, जैसे वो इंस्ट्रक्टर आती है कटरीना कैफ जैसी बीच में, हाँ, वो एक होता है, एक टेंडम होता है, हाँ। टेंडम जंप होता है, साथ में एक व्यक्ति बंधा होता है, ट्रेनर, हाँ। अकेले नहीं कूदना होता पहली बार में, लेकिन जो कैमरे वाला व्यक्ति होता है उसके माथे पे एक वो पट्टी है, उस पर कैमरा लगा होता है, हाँ। वो हमसे 1 सेकंड पहले जंप करता है और रिवर्स जंप करता है, हम बाद में जंप करते हैं, तो उसके कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है, पूरी रिकॉर्डिंग है उसके मेरे पास। और वो लोग तो इतने एक्सपर्ट है, वो रास्ते में आके हाथ भी मिलाते हैं, 14,000 feet से आया है और पी लो, 14,000 feet से 5,000 feet तक फ्री जंप होता है जिसमें पैराशूट नहीं होता है, पहले बंद होता है, तो उसमें 6 सेकंड में 1,000 feet की स्पीड से हम गिरते हैं। वो टफ भी होता है लेकिन मतलब जो रोमांच है उसी का है। उसी बीच में मेरे ख्याल से वो उसने आके हाथ मिलाया हमसे उड़ते हुए ही, जो रिकॉर्डिंग कर रहा था। भयानक एडनल रश होता होगा मतलब। फिर जब 5,000 पे आते हैं फिर पैराशूट खोलना होता है, हमें खोलना होता है, नहीं तो वो टेंडम खोल देता है। तो पैराशूट खोलते, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, फिर ये पूरा प्रोसेस 2 मिनट का होता है सिर्फ, मतलब जंप लगाने के बाद का, सिर्फ 2 मिनट में नीचे आ जाते हैं, बस 2 मिनट मैक्सिमम। आप सोच रहे 14,000 से 5,000, 9:54 सेकंड में इतना हो गया, पैराशूट खुला 1.5 मिनट में पैराशूट से नीचे, मतलब मैक्सिमम 3 मिनट का होगा। बहुत मौज आती होगी। हाँ, मौज बहुत आती है। तो मैं उसके बाद ऐसी हरकतें 5-6 बार कर चुका हूँ, मतलब स्काई डाइविंग तो एक ही बार किया, लेकिन वो पैराग्लाइडिंग कई बार कर चुका हूँ, 5-6-7,000 feet तक कर चुका हूँ। वो तो नहीं किया आपने, वो जो पैराग्लाइडिंग का वीडियो था ना, वो किया मैंने, वो 3 बार किया है। नहीं नहीं, वो वीडियो वायरल हुआ, वो नहीं किया क्या? वो मतलब वैसा हुआ नहीं मेरे साथ, वैसा नहीं हुआ, लैंड करा दो वाला। मतलब अगर आपके साथ टेंडम अच्छा है तो फिर डरने की बात नहीं होती। लेकिन मनाली में एक बार करने गया तो वहाँ रिस्की था, मेरे सामने एक आदमी उड़ा और सीधे पेड़ में टकरा गया, तो बड़ा रिस्की होता है। लेकिन अगर आप ठीक जगह कर रहे हैं, जैसे मैंने आमतौर पे बहुत सुरक्षित जगहों पे गया, संयोग से भारत में भी नहीं किया है मैंने एक बार संयोग से या बाई प्लानिंग की भैया यहाँ टकरा, मतलब इंडिया में मनाली में करने गया था, वहाँ एक को पेड़ पर टकराते हुए देखा तो फिर मैं आ गया, वो ज़्यादा रिस्की हो गया था। तो घर में सब लोग साथ में थे, उन्होंने सबने मना कर दिया, क्योंकि जब सामने ही आप देख लेंगे किसी को तो कैसे करेंगे लास्ट अटेम्प्ट। अच्छा, मैं तो मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं पर ऑडियो, हाँ जी पूछे सर। आप अपने आप को फेमिनिस्ट लेबल करोगे, वुड यू कॉल योरसेल्फ दैट? और आपने ये क्यों डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया आई वांट टू बी अ फेमिनिस्ट? बहुत सारे लोगों ने लिखा कमेंट बॉक्स में, और बहुत सारे हमने आपके पढ़ाए स्टूडेंट से बात की जो ऑफिसर्स हैं,
एंड दे सेड कि ही इज अ वेरी ही इज अ फेमिनिस्ट इन अ वेरी ट्रू सेंस. तो मैंने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो द वे ही ट्रीट्स हिज स्टूडेंट्स, जिस तरह से उनकी सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से उनकी केयर करते हैं, हंसी मजाक करेंगे लंबी क्लास में लेकिन कोई भी फूहड़ किस्म का या जेंडर बायस्ड किस्म का मजाक नहीं होगा. तो उन्होंने बहुत मांझी है अपनी सेंसिबिलिटी. मैन डोंट अनलर्न स्टेटस को सर्व्स यू. नहीं ऐसा नहीं, दिस इज बट योर स्टेटस को सर्व्स यू, सो व्हाई विल यू चैलेंज दैट, बट व्हाई डिड यू. नहीं नहीं, पर आप, मैं देवी जी, यूजुअली मैन डोंट अनलर्न कहो तो समझ में आता है. आप सबको अगर ऐसे हर लेवल कहीं ना कहीं हर लेवल पर है तो आप इसको फिलोसफी में एक फैलेसी बोलते हैं, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, इलिसिट जनरलाइजेशन. सो वी कैन नॉट पुट ऑल द मैन इन वन कैटेगरी. सो यू कैन से मोस्ट ऑफ द मैन डोंट चेंज, डोंट अनलर्न, बट कैन बी सेड फॉर ऑल द मैन. मैंने किया नहीं दरअसल. मैं ईमानदारी से बताऊँ, हुआ अपने आप हुआ ये कि मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस का संघी व्यक्ति था, कोई दुविधा नहीं थी. बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस, आर्य समाज, मेरे पेरेंट्स उसको मानते हैं. तो मैं उतना नहीं मानता था क्योंकि हवन करना, पूजा पाठ करना बोरिंग लगता था उस उम्र में, तो नहीं करता था. पर मैं ठीक हरियाणा का जो देहाती लड़का जैसा होता, मैं था शहर में लेकिन दिमाग वैसा ही था एकदम. लड़कियों को लेके कुछ गलत बात बोल देना भी मुझे लगता था नॉर्मल बात है, इसमें क्या खास बात है. मतलब ऐसी बदतमीजी मैंने कभी नहीं की, लेकिन कोई अगर बोल रहा है मेरे आसपास या कभी मेरे मुंह से भी निकल गया तो नॉर्मल लगता था हमें. ये सारा खेल हुआ पढ़ाई के साथ. जब सीरियसली पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले DU में जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मेरे कैसे होते हैं. हमारे पूरे स्कूल में 2000 बच्चों में एक मुस्लिम बच्चा था, वो भी तब आया जब मैं 11वीं क्लास में था. इतना अच्छा लड़का था, उससे मिलके मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त बना. उसके पहले मेरे मन में छवि थी कि मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं. उससे मिला, मैंने कहा अगर ऐसे होते हैं फिर तो ठीक है भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. पूरा एक्सपोजर एक ही व्यक्ति का था. आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आप वैसे माहौल से निकले नहीं है ना. सो यू बिकम व्हाट यू लिव अराउंड. जाकिर हुसैन में एक अच्छी बात यह हुई कि बहुत सारे मुसलमान लड़के लड़कियां दोस्त बने. अब आज तक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बने. तो गलत फहमियाँ तो इंटरेक्शन से ही ख़त्म होती हैं. जैसे ही आपका परिचय होता है तो गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं. उन्हें भी हमारे बारे में होती होंगी, हमें भी उनके बारे में होती थी. और मैं जाकिर हुसैन में 90 से 93 तक था और 92 में अयोध्या वाला मामला था, मंडल, अगले साल अयोध्या. और मैं RSS की लॉबी से था, मैं मंदिर का समर्थक था बहुत बड़ा. मैं कार सेवा में जाने वाला था, जा नहीं पाया था. हम 3-4 दोस्त जाने वाले थे, बाई चांस नहीं जा पाए थे क्योंकि दुविधा थी नहीं उस समय तक हमें. हम एकदम क्लियर थे कि मंदिर बनना ही चाहिए, वहीं बनना चाहिए और हमको ही बनाना है. कोई दुविधा थी नहीं उस तरह की. ये सारी दिक्कत हुई पढ़ाई शुरू करने के बाद. पढ़ाई ना करो तो कोई दिक्कत है ही नहीं जीवन में. एकदम दिमाग ठिकाने रहता है, एक रास्ते पर चलता है. इससे जब मुझे कोई कहता ना कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, इसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ा दो बस. और पढ़ाई थोड़ी JNU टाइप की. इस JNU का मतलब आज के लोग समझते हैं राष्ट्र विरोध, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ. मेरे लिए JNU का मतलब है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आपको कई तरह से सोचने की आँख देता है, नज़रिया देता है. और जहाँ आपको नज़रिया 3-4 मिल जाए तो आप इंसान बेहतर बन ही जाते हो. तो मेरे दिमाग में पहली बार छेद जिसने किया उसका नाम है ओशो रजनीश. मैं DU में था, शौक में रजनीश की एक किताब बहुत पॉपुलर थी उस समय युवाओं में, हम भी उठा ले कि देखें क्या लिखा है. संभोग से समाधि वाला. मेरा एक दोस्त बहुत गीत गाता था उस किताब के बारे में कि वो पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी एक चीज़ होती है. हमने कहा ठीक है, पढ़ के देखते हैं. तो बहुत समझ नहीं आई, लेकिन ये समझ में आया कि ये आदमी तर्क अच्छे देता है. फिर मैं उनकी 8-10 किताबें खरीद के ले आया कहीं से, बुक फेयर से. तब बुक फेयर लगना शुरू हुआ था शायद. तो पहले बुक फेयर में मैं बोरी भर के किताब लाया था खरीद के, जिसमें ओशो की ज़्यादा बुक्स थी. जितना पढ़ा ओशो को, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, 5-7 किताबें पढ़ी होंगी मुश्किल से. पर जैसे जैसे पढ़ा समझ में आया कि तर्क से सोचना उसका मज़ा ही अलग है, रूढ़ियों पर चलने का उतना मज़ा नहीं है. तो मैं हॉस्टल में था, मेरे सब मित्र RSS के थे, मैं भी था. लेकिन जब ये सब बातें होने लगती थी थोड़ा सा गैप आने लगता था.
एक मन कहता था कि यही रास्ता ठीक है, एक बोलता था कि नहीं, ये भी समझने की बात है। फिर जब मैंने सोशियोलॉजी लिया, सोशियोलॉजी में मार्क्स पाठ्यक्रम में था, कार्ल मार्क्स, डीयू में डिबेटिंग सर्कल में एक मेरे मित्र थे वो मार्क्सिस्ट थे, पर तब तक मेरी नज़र में कम्युनिस्ट और कॉमनिस्ट एक ही बात थी। हमने स्कूल में ही सीख लिया था कि डीयू में मिलेंगे कम्युनिस्ट, वो कौन होते हैं, कॉमनिस्ट होते हैं, तो मेरे मन में एकदम क्लियर था। जब पहली बार एक व्यक्ति मिला, किसी ने मुझे कान में बताया कि ये कम्युनिस्ट है, ध्यान रखना। मैंने कहा आदमी तो ठीक ही लग रहा है, तो मैंने उससे पूछा कि आप कम्युनिस्ट हो क्या? तो उसने बोला कि कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, जानना चाह रहा हूँ, बहुत जिज्ञासा है मुझे। बोला हाँ हूँ। तो मैं बड़े शक के साथ उससे बात करने लगा कि ये कुछ गड़बड़ करेगा ज़रूर। तो धीरे धीरे फिर समझ में आया कि वो भी बढ़िया इंसान है, बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो हमारे कॉलेज में तो बड़ा मज़ेदार माहौल था इलेक्शन के टाइम पे, कम्युनिस्ट विंग के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, एबीवीपी भी बिना नाम के लड़ती थी, एबीवीपी के लोग कम्युनिस्ट ऑफिस में सोते थे रात को, खाना वहाँ आता था उनका, ये हमारे खाना खाते थे, दिन में झगड़ा करते थे, शाम के साथ बैठते थे, और ऐसी दोस्ती थी उनके साथ हमारी। सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया उतनी सरल, एक आयामी, एक तरफा नहीं है जितना हम सोचते हैं। फिर सोशियोलॉजी में ही जब फैमिली मैरिज के सिस्टम्स को समझा, दुनिया भर का स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण, उसमें इंडियन कास्ट सिस्टम, बाकी जगह जो क्लास सिस्टम या स्टेटस ग्रुप सिस्टम है वो सब समझा, तो लगने लगा कि दुनिया सीखने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में। तो मैं जब भारत से बाहर जाता हूँ, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल बिल्डिंग्स या उन चीज़ों में नहीं होता है। जैसे वियना में गया तो मुख्य रूप से उस कैफे में 3 घंटे बैठ गया जहाँ सिगमंड फ्रॉयड कॉफ़ी पीता था जी, उस टेबल पे मैं 3 घंटे आराम से बैठा, तो वहाँ बैठना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऐसा लगता है। कार्ल मार्क्स के घर में स्पेशली गया जर्मनी में, वो बहुत दूर पड़ता है, फ्रैंकफर्ट से करीब 200 किलोमीटर दूर है ट्रायर में, मैं घर में सबको साथ ले जाता हूँ कि चलो तुम भी देखो, सब सब इन्जॉय भी करते हैं फाइनली। तो ट्रायर शहर में गए जहाँ वो पैदा हुआ, उस घर में मैं 5-6 घंटे रहा। ये सब ज़्यादा, अब जैसे इलाहाबाद जाता हूँ तो रात को 2-3 बजे कभी कभी निराला गली में जाके उस घर के सामने बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मतलब मेरे टूरिज्म का मतलब है कि प्लेटो, अरस्तु, निराला, शंकर, नालंदा विश्वविद्यालय गया तो वहाँ मुझे 3-4 घंटे लगे वापस आने में। मतलब जब आपने नागार्जुन को, असंग वसुबंधु को पढ़ा हो ठीक से और पता लगे कि सब यहाँ एक साथ पढ़ाते थे, कितना अद्भुत रहता होगा। मतलब वो JNU गुणा JNU समझ लीजिए। जी जी बिल्कुल, कुछ कुछ वैसा माहौल रहा होगा एक जमाने में। तो ये पढ़ाई जब होने लगी तो चीजें बदली। ये स्फोटवाद वाले नागार्जुन ना, कौन स्फोटवाद का जिनका सिद्धांत था, स्फोटवाद बौद्धों में ही आता है, नागार्जुन बौद्ध ही है, लेकिन नागार्जुन का मुख्य दर्शन माध्यमिक शून्यवाद है जी, ठीक वही जो आगे चल के शंकराचार्य दे रहे हैं। शंकर और नागार्जुन का दर्शन इतना समान है कि लोग शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं, डिस्गाइज्ड बुद्धा, इसी संदर्भ में कहते हैं। इतना कमाल का दर्शन है शंकर और नागार्जुन को। ये जो मेटावर्स वगैरह है ये सब, जब सर शंकर बोल रहे हैं तो उनका तात्पर्य शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। हाँ, आदि शंकराचार्य, आचार्य शंकर जी, अद्वैत वेदांत फिलोसफी का नाम है। तो उनको पढ़ने के बाद, या पश्चिम में हीगल जिस लेवल पे बात करता है, बर्कले लगभग वही बात करते हैं वो लोग भी, ये मेटावर्स जो आज है उस मेटावर्स को कितना पहले वो लोग सोच चुके थे। अरे शंकर के दर्शन को पढ़ के जो अब रियलाइज होता है सार, कितने साल के बाद समझ में आता है, वो ये कि अगर मैं सपना देखूं और यही सिचुएशन देखूं, मेरे सपने में आप सब और मेरे सपने में आप और ये दोनों हैं और बात भी कर रहे हैं, आप दोनों की रियलिटी क्या है? आप तो मेरे सपने में हैं, आपको लग रहा है कि आप दोनों रियल हैं, मुझे भी लग रहा है उस समय, पर कुछ नहीं रियल। नेक्स्ट लेवल ब्रह्म के सपने में हम सब हैं, एकदम हो सकता है। हीगल की भाषा में एब्सोल्यूट आइडिया के थॉट प्रोसेस में हम सब हैं, हम उसके थॉट्स हैं, जैसे हमारे सपने में हमारी थॉट्स हैं, वो रियल लगते हैं। नेक्स्ट लेवल की रियलिटी के लिए हम वही हैं, और मेटावर्स क्या है? यही है, एक वर्चुअल दुनिया। क्या पता ये दुनिया ही वर्चुअल हो, और वर्चुअल दुनिया के पार्टिसिपेंट को कभी नहीं पता लगेगा कि वर्चुअल दुनिया में है।
शंकर जैसा कहते हैं कि आप जिस स्तर से बाहर निकलेंगे तभी समझ में आएगा कि वो स्तर दूसरा था। एक लेवल की रियलिटी में रहते हुए आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। वीडियो गेम का करेक्टर कभी नहीं समझ पाएगा कि वो वीडियो गेम का करेक्टर है, वो भी एकदम वैसे ही बोल रहा है, उछल भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या पता हम भी वैसे ही हों। फिलोसफी का यही तो मजा है, फिलोसफी आपको सोचने के इतने हजार एंगल्स देगा कि दिमाग खराब हो जाता है। मैंने देखा है, मैं इंग्लिश में बहुत कम देखता हूँ फिल्में और मुझे बहुत कम आइडिया है। हाँ हो सकता है। हाँ मैंने कुछ दिन पहले वो फिल्म देखी है जो किसी ने कई बार मुझे लोगों ने कहा कि वो मैट्रिक्स। हाँ तो मैट्रिक्स वही शंकराचार्य की फिलोसफी है बेसिकली। नहीं नहीं सच में है। हाँ वही तो है, मैट्रिक्स तो वही है। तो फिर जब मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा उसमें जेंडर को लेके पहली बार एक चैप्टर पढ़ा, सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, पैट्रियार्की क्या है, वो सब पढ़ा। कुछ लोग पढ़ते हुए एक गैप बना पाते हैं कि क्या पढ़ना है, लिखना है और क्या जीना है। मेरे साथ वो हो नहीं पाता। अज्ञे ने कहा ना कि एक दीवार है बीच में, शब्द और अर्थ के बीच में, उसको कैसे मैं विस्फोटक भर के उड़ा दूं, तो वो दीवार एग्जिस्ट कर नहीं पाती। अगर मैं कुछ नया पढ़ता हूं तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ना हो, ये हो नहीं सकता, हो जाता है इम्पैक्ट। तो जेंडर पढ़ा, अम्बेडकर को पढ़ा तो मैं अम्बेडकराइट भी कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि तर्क है ना। अब डॉक्टर अम्बेडकर को आप सीधे खारिज कर दें, उतना पढ़ा लिखा आदमी पूरे संविधान सभा में नहीं मिलता हमें। जिस आदमी के पास पीएचडी भी, दो तीन पीएचडी की हो जिस आदमी ने, हम तो एक में इतना मतलब फूल जाते हैं। जो आदमी इकोनॉमिक्स में दो पीएचडी कर चुका हो, लॉ में पीएचडी कर चुका हो, उस आदमी के और वो भी पीएचडी ऐसे नहीं कि ठेके पे करवाई हो, यहाँ तो ठेके पे हो जाती है पीएचडी, कोलंबिया से की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया है, कोई मजाक तो है नहीं। जब वो आदमी आर्गूमेंट्स करेगा, सवाल पूछेगा, आप सवाल का जवाब गाली से थोड़ा ना दे सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। ट्रू। और जवाब नहीं है तो मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानेंगे। तो मैं संयोग से सवर्ण हूँ लेकिन पुरुष भी हूँ, पर इससे अगर किसी फेमिनिस्ट के आर्गूमेंट्स ठीक हैं तो वो गलत तो हो नहीं जाएंगे। ऐसी अम्बेडकराइट के, मार्क्सिस्ट के आर्गूमेंट ठीक है तो कैसे गलत हो जाएंगे, जब तक मेरे पास प्रतितर्क ना हो। और मेरी समझ हमेशा से ये है कि अध्ययन करते हुए मुझे किसी का वकील नहीं बनना है। अगर मैं तुलसीदास जी को पढ़ूं और ढोल गंवार की पंक्ति है तो मैं वकील बन के उनकी सुरक्षा नहीं करूंगा, मैं सारे परस्पेक्टिव समझना चाहूंगा कि वो पंक्ति क्यों है। जहां वो अच्छी बात कह रहे हैं मैं बहुत दूर तक जाके समर्थन करूंगा उनका, लेकिन यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो मैं कहूंगा कि कम से कम इस मामले में तुलसीदास या कबीर कोई भी अपने समय से आगे नहीं निकल पाए, हम ही निकल पाते। हम लोग एनिमल राइट्स को लेकर बहुत सजग नहीं होते हैं। आज से 100 साल बाद हो सकता है कि हमें प्रिमिटिव कहा जाए, कि उस जमाने के लोग एनिमल्स राइट्स की बात करते हुए हंसते थे, कुत्तों को पत्थर मारते थे, कितने नीच किस्म के लोग थे। हमारे बारे में कहा जाएगा, 100 साल बाद कहेंगे लोग। तो मैं कैसे मान लूँ कि कबीर और तुलसी और ये लोग इतने समझदार होने चाहिए थे कि ये 500 साल बाद का देख लें, फेमिनिज्म को भी देख लें। हम भी कहाँ देख पा रहे हैं, हम डेमोक्रेसी के आगे नहीं सोच पाते। अब बायोक्रेसी की बातें चल रही हैं कि वाई डेमोक्रेसी ओनली इन द ह्यूमन बींग्स, वाई नॉट इन ऑल द स्पीशीज, वाई शुड द एनिमल्स हैव लेस राइट्स देन द ह्यूमन बींग्स जस्ट बिकॉज वी हैव द पावर, दैट इज नॉट डन। ये भी सवाल उठेंगे ना। इसी प्रोसेस में जब मैंने जेंडर को पढ़ा पहली बार तो मुझे लगा कि मेरा सोचने का तरीका बहुत गलत है। ये ज़रूर है कि मैं बीच में एक दौर आया जब मैं डीयू में था, नया नया मार्क्स पढ़ा था, आपको पता है नया नया आदमी थोड़ा उछलता ज़्यादा है, तो मार्क्स पढ़ के मैं अंदर से मार्क्सवादी हो गया था, बाहर से नहीं हुआ कभी, ठप्पा वही था दक्षिण पंथ का, अंदर से मार्क्सवादी हो गया था। अब बड़ी मज़ेदार स्थिति थी, मार्क्सवादी मुझसे झगड़ा करते थे और अंदर से मैं भी वही सोच रहा होता था। धीरे धीरे 4-5 साल मैं घोर नास्तिक बन के रहा, एकदम घोर नास्तिक, घोर मार्क्सवादी अंदर से, घोर फेमिनिस्ट। लेकिन बाद में समझ में आया था कि एक अति का जवाब दूसरी अति नहीं है, एक्सट्रीम का जवाब एक्सट्रीम तो नहीं हो सकता है। JNU इस मामले में थोड़ा कमज़ोर मुझे लगता है कि वो आपको अति तक पहुंचा तो देगा, अति से वापसी के रास्ते बहुत नहीं, मध्य मार्ग पर नहीं लाता था। जबकि अंतिम रास्ता मध्य मार्ग है, वो बुद्ध और अरस्तु ना भी कहें तो भी मध्य मार्ग ही अंतिम रास्ता है।
इसलिए जेंडर सेंसिटिव होने के लिए आपको जेंडर के लिए जिहादी होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। सहज मतलब सार है सहज, सहज रहते हुए जीवन को कैसे बेहतर बना लें, वही सार है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरी हदों में है, मतलब मेरे आसपास जो महिलाएं हैं उनको कभी इस बात का एहसास ना हो कि मैं एक पुरुष हूँ, इतना ही एहसास हो कि एक व्यक्ति साथ में है। और मेरा ख्याल है कि ऐसा होता भी है जी। इसलिए जेंडर सेंसिटिव होने के लिए आपको जेंडर के लिए जिहादी होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। सहज मतलब सार है सहज, सहज रहते हुए जीवन को कैसे बेहतर बना लें, वही सार है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरी हदों में है, मतलब मेरे आसपास जो महिलाएं हैं उनको कभी इस बात का एहसास ना हो कि मैं एक पुरुष हूँ, इतना ही एहसास हो कि एक व्यक्ति साथ में है। सर हम जब हमारा तुम वो सवाल पूछो जो पूछना चाहते हो। ये एक लड़की से विवाह करना चाहते हैं? नहीं, नहीं, नहीं विवाह करना चाहते हो? विवाह करना चाहते हो? पहले तो हर कोई करना चाहता है। नहीं ये जरूरी नहीं, हाउ कैन यू अज्यूम एज अ जर्नलिस्ट, दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू, यू कैन नॉट अज्यूम। हर कोई जरूरी नहीं शादी करना चाहते, तुम विवाह करना चाहते हो? ये बड़े स्टार हैं ट्विटर के, इनकी लाखों की फैन फॉलोइंग है। अरे मैं ट्विटर पे हूं नहीं तो मुझे बहुत आईडिया है। लेकिन हम हमारे लिए सर आप स्टार हैं, हम आपको थैंक यू देखते सुनते हैं। तुम टिप मांग लो विवाह की, बाकी सब बाद में। अच्छा सर जो हमने ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कार्ड डाले तो सबसे ज़्यादा सवाल जिस पे आया वो आरक्षण के इशू पे आया। आपका वो वीडियो 3 घंटे का आई थिंक है, वो मैंने पूरा देखा हुआ है, तो उसमें मुझे लगभग सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। लेकिन जो दो तीन तरीके के सवाल थे, एक तो आप कहते हैं कि आरक्षण का जो ये स्वरूप है इस स्वरूप में बदलाव होना चाहिए, और दूसरा ये जो दूसरा पक्ष है वो पूछता है कि डॉक्टर दिव्यकीर्ति आरक्षण जातिगत आरक्षण का समर्थन क्यों करते हैं, और तीसरा भी एक है कि वो पूछता है कि दिव्यकीर्ति सर अपना आरक्षण पे दूसरा वीडियो कब लाएंगे जो उन्होंने वादा किया था। ये आपके अब जिक्र चला है तो मैं पूछ लूँ, ये आपके देनदारियों का हिसाब बड़ा लंबा है गुरुजी। मतलब लोग तगादा कर रहे हैं कि इन्होंने कहा था गांधी जयंती पर एक वीडियो लाएंगे, वो अभी तक नहीं आया, फिर कोई और आपने सीरीज का कॉल भरा था वो नहीं आया, तो ऐसे बड़े तगादे चल रहे हैं। किसी का होगा आरक्षण का ही होगा। है किताब लिखने का सवाल भी लोग पूछ रहे हैं, 2012 कहा था कि किताब लिखेंगे, कहाँ है किताब? मैंने 2012 में एक किताब लिखनी शुरू की थी भारतीय संविधान पे, कुल 22 चैप्टर में से 20 लिख लिए थे, 5 साल लगे थे, 17 में हो गए थे पूरे, 1000 पेज की किताब तैयार है, टाइप भी हो चुकी है, 2 चैप्टर्स बचे हुए, 5 साल से मेरा मन हो ही नहीं रहा लिखने का उसको। और अब वो इतना देर हो गई है कि अब उसको फिर से पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स हो गए, कई चीज़ें हो गई, तो हिम्मत नहीं है इस समय किताब लिखने की, मतलब रुका हुआ है काम, कभी हो पाएगा तो होगा, लेकिन ऐसे हॉन्ट नहीं करता कि अच्छा इतना नहीं, अब नहीं करता, अब नहीं करता, पहले 1-2 साल तक होता रहा, मैं सहज हूँ उसके साथ। लिखेंगे कभी आप किताब? कह नहीं सकता, अब मतलब वो एहसास शुरू हो गया कि समय अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो वो करूँ जो फिल्म भी बनानी है, मंत्री भी बनना है। फिल्म तो नहीं बनानी अब, नहीं नहीं अब मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं बचा मेरा। मंत्री से इनकार नहीं किया पत्रकार महोदय कर? नहीं नहीं मंत्री में भी रुचि नहीं, नहीं नहीं अब रुचि नहीं, अब ऐसी रुचि नहीं है पॉलिटिक्स। अच्छा कई लोग इस बात से भी बहुत उत्साहित थे, तरुणा मैम मिथिला से हैं क्या? हाँ वो मिथिला। अरे बड़ा एकदम मिथिला वाले लोग आ गए एकदम से अतिरिक्त उत्साह के साथ कि हमारे भोजपुरी बोल पाते हैं क्या? मैं मिथिला का मैथिली से संबंध है, बिहार के लोग। अच्छा हाँ मतलब मैं मैथिली समझ लेता हूँ और वहाँ के बूढ़े लोगों से काम चलाऊ तरीके से बात कर लेता हूँ, उसमें छ लगाना है वर्तमान काल में। भूतकाल में ल लगाना होता है, बस उसी से काम चला लेता हूँ। वो भाषा वाला आदमी तो मैं फार्मूला निकाल लेता हूँ भाषा के, उसी से काम चला। करीछी करीछी जाइछी गलल गैल छी, गैल का मतलब है कि भूतकाल हो गया, राम वेंट। हाँ तो राम राम गैल ऐसे काम चल जाता है। मतलब वहाँ के बड़े बूढ़ों को शक तो होता है कि हमारा आदमी नहीं है, लेकिन फिर काम चल जाता है, उनसे बात हो जाती है। आरक्षण का प्रश्न, आरक्षण पे मतलब एक तो ये कि सीरीज कब होगी, तो मैं पिछले जब से कोविड खत्म हुआ, बीच में तो मुझे कोविड हुआ, मैं 3 महीने मतलब बोलने की स्थिति में नहीं था, खांसी बहुत। 3 महीने ठीक तो मैं हो गया था 12 दिन में लगभग, लेकिन लंग्स पे शायद कोई थोड़ा सा इम्पैक्ट आया,
तो खांसी इतनी थी मुझे, मतलब वैसे नहीं थी, जैसे बोलता था खांसी होने लगती थी। तो मैं करीब 2.5 महीने, मतलब 15 दिन वो, 2.5 महीने वो क्लास ले नहीं पाया कोई भी। फिर क्लासेस शुरू हो गई तो मैं पीछे के वायदे निभाने में लगा हूँ। 1 महीने बाद मैं काफ़ी फ्री होने वाला हूँ, फिर वो सब वायदे निभाऊंगा यूट्यूब वाले। तो 1 महीने बाद शायद करूँगा काम उस पर। पॉलिटिक्स, अच्छा पहले आरक्षण की दूसरी बात तो हो गई। आरक्षण में मैं समर्थक हूँ आरक्षण का, मैं जेंडर बेस्ड आरक्षण का भी समर्थक हूँ, और मेरे लिए फेमिनिज्म अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस क्या है, हम कह दें कि फेमिनिज्म होना चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, एकदम ठीक बात है। हम थर्ड जेंडर की बात बहुत कम करते हैं, जबकि उसकी हालत महिलाओं से कई गुना ख़राब है। इसलिए जेंडर डिबेट शुड नॉट बी बाइनरी डिबेट जो मेल फीमेल तक ही रह जाए। थर्ड जेंडर जब बातें नहीं करेंगे तो फिर फेमिनिज्म का भी क्या फ़ायदा होगा, है ना? अगर ये पार्टिसिपेशन का मामला है तो उनका भी होना चाहिए, तीनों का ही होना चाहिए। तो आरक्षण मैं जाति की बात इसलिए करता हूँ कि देखिए एक सैद्धांतिक बात है, सैद्धांतिक बात ये एकदम ठीक है कि आरक्षण जब हम जाति को देंगे तो उसका मिसयूज़ कई लोग करेंगे, करते भी हैं, सही बात है एकदम। पर जब आप व्यावहारिक स्तर पर जाएंगे, सरकार में काम करेंगे, आपके सामने सवाल है किस बेस पे दें। आमतौर पर सब लोग बोलते हैं आर्थिक आधार पर दो आरक्षण, और आर्थिक आधार पर जब आरक्षण हम देते हैं, हमने EWS शुरू किया भी है कुछ दिन पहले, संविधान में संशोधन भी कर दिया। प्रैक्टिकल रियलिटी हमारे समाज की क्या है, पूरे देश में मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। EWS में लिमिट है 8 लाख रुपए की, और साथ में प्रॉपर्टीज़ की लिमिट है। जब से EWS आया है मैंने पाया कि लगभग हर व्यक्ति जो पहले जनरल में था वो EWS हो गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण में समस्या क्या आती है कि आप अभी ठीक स्थिति में हैं, आपको आरक्षण चाहिए, आप गरीब हो गए, एक साल फसल नहीं हुई, एक साल बरसात नहीं हुई, तो आप गरीब हो गए। टैक्स बहुत कम लोग भरते हैं, रिटर्न बहुत कम लोग भरते हैं, वाइट में ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं, हर व्यक्ति गरीब हो गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में ये खतरा हमेशा ज़्यादा है कि जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी फ़ायदा लेंगे, जो हो भी रहा है इस समय। और दूसरी बात यह कि भारतीय समाज में जो डिप्राइवेशन है, वंचन है, उसकी प्रकृति केवल आर्थिक नहीं है। एक गांव में रहने वाला दलित व्यक्ति, स्पेशली दलित औरत की जो हालत है, वो आप केवल पैसा दे के कैसे उसको बराबर कर सकते हैं। जाति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति की पहचान ना तो आप छिपा सकते हैं ना बदल सकते हैं। इसलिए आरक्षण देने में बेनिफिशियरीज को ढूंढना, सुनिश्चित करना ऑब्जेक्टिवली संभव होता है। इसलिए बेस्ट तरीका आरक्षण का एक ही हो सकता है कि अब जाति, जनजाति, लिंग, शारीरिक विकलांगता, ये वो बेसिस हैं जो चेंज नहीं हो सकते, इनको प्राइमरी बेस बनाएं, आर्थिक आधार को क्रीमी लेयर बना के बाहर निकालें और तब आरक्षण दें, ये अकेला सही रास्ता हो सकता है। लेकिन अभी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट OBC में है, SC में नहीं है, ST में नहीं है। अब SC ST में अगर आप ये बात करेंगे तो बहुत विरोध होगा, क्योंकि वहाँ जो एक प्रेशर ग्रुप है वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला पॉलिटिकल लोगों के हाथ में तय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना सकते जो आरक्षण के प्रश्नों पर विचार करे। दोनों बातें हैं, जो हज़ार साल से पीछे रहे जैसे महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर है, उन्हें आप मौका नहीं देंगे आगे आने का तो समतरीकरण नहीं होगा, ये भी सच है। उनको मौका देने के चक्कर में ऐसे लोगों को मौका देते रहे जिनको नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक अन्याय है। इनके बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त होकर एक बॉडी काम करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के स्तर की बॉडी हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन हो, उसके रिकमेंडेशंस के बेस पे ही आरक्षण किसी का हो या आरक्षण से बाहर हो तो बात बनेगी। भाई अमेरिका में आरक्षण है, आरक्षण जैसी व्यवस्था है जो प्रेफरेंस बोलते हैं, वहाँ हम आमतौर पर ये नहीं सुनते कि उसका मिसयूज़ हो रहा है। हम भी ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि मिसयूज़ ना हो उसका, और जैसे मिसयूज़ हुआ इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को सच में ऊपर उठाना था वहाँ तक बात पहुँची नहीं। तो जब एक समाज एक उपाय कर रहा है, कम से कम उसको मिले तो सही जिसको मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी के लोग भी, अगर उनको ये फील हो जाए कि आरक्षण सही व्यक्ति को मिल रहा है, तो उनकी नाराज़गी बहुत कम हो जाएगी। उनकी नाराज़गी का असली कारण अपने आसपास जब वो देखते हैं कि इसको मिल गया जबकि ये हमसे अच्छी स्थितियों में है, तो नाराज़गी ज़्यादा होती है। तो
तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत नाराज इससे लोग होंगे। अमेरिका ने इस मामले में ठीक काम किया है। अमेरिका में अश्वेतों की आबादी 15% है सिर्फ, और तब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने वहां पर। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा उदाहरण है, 15% की आबादी वाला राष्ट्रपति बन जाए। वहाँ राष्ट्रपति ऑलमोस्ट डायरेक्ट इलेक्शन से बनता है, यहाँ उसका मतलब पीएम से होगा। तो भारत में पीएम बनना किसी ऐसे समुदाय के लिए जो 15% हो बहुत आसान नहीं है, फिलहाल तो आसान नहीं है। मतलब तुक्के से बन जाए, जैसे मनमोहन सिंह जी बन गए तुक्के से, वो अलग बात है। अपनी वजह बनी गए थे लगभग अपनी वजह से बने, अपने दम पे बने, ये बड़ी बात है। सर अभी आपने एक बात कही कि हम सिर्फ यूनी डायरेक्शनल सोचते हैं, बहुत सारे लोग सारे पर्सपेक्टिव्स को एक साथ नहीं लेते, और लोग जिस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं उसी पर बोलते रहते हैं, उसी पर डिबेट करते हैं, उसी के साथ रहते हैं, यू नो आई डोंट नो कहने में बहुत दिक्कत होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? करेज चाहिए ये मानने के लिए कि मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ाई का अकेला उद्देश्य यही समझना है कि आप समझ जाएं कि आपको बहुत कम पता है। सोक्रेटिस, जिसको हम सुकरात कहते हैं, उससे बड़ा ज्ञानी वेस्ट में मुझे नज़र नहीं आता, और उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसे लोगों ने कहा कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उसने कहा कि अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, पर एक खास संदर्भ में मानूंगा। आई नो दैट आई डोंट नो एनी थिंग, बट अदर्स हु बिलीव दे नो, दे डोंट नो दैट दे डोंट नो। ये जान लेना कि मैं कुछ नहीं जानता, यही जानना है। और यही बात ह्यूम, एक बड़ा अच्छा फिलोसफर, डेविड ह्यूम, स्केप्टिकल फिलोसफर है, उसने कहा कि जिनको भरोसा है कि वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, और जिनके बारे में उनको भरोसा है कि वो कुछ भी नहीं जानते, सच बात है कि उनके बीच से बहुत थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। ये मूर्खता विज्ञान के लोग भी करते हैं, वैज्ञानिक भी करते हैं कई बार। अभी तक विज्ञान इस ब्रह्मांड का 0.5% भी नहीं जान पाया है। डेसिमल के बाद कम से कम 6-7 0 आएंगे, फिर 1% आएगा, इतना जान पाया है। इतना सा जानने के बाद ये दावा करने लगना कि भगवान नहीं है, ये भी एक मूर्खता है। इतना ही ठीक है कि अभी तक जो प्रयोग हुए उससे कुछ ऐसा ठोस हाथ नहीं लगा है। लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता। और मेरा सबसे प्रिय दार्शनिक इस मामले में पश्चिम में कांट है, जिसने पहली बार ईमानदारी से कहा कि मुझे नहीं पता, एग्नोस्टिसिज्म। उससे कई सवाल पूछे गए, उसने कहा कि मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें भी नहीं पता। अंतर ये है कि मैं खुल के कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, और आप लोग बिना जाने दावा कर रहे हैं कि आपको पता है। नहीं पता तो नहीं पता, इसमें क्या दिक्कत है? तो मेरी फिलोसफी एग्नोस्टिसिज्म है इस मामले में। आप ये जवाब दे रहे थे और दिव्यांशी का मैं सवाल सुन रहा था। पोलैंड की एक कवित्री हुई है विश्वास शिम्बोश्का, उन्होंने जब साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीकार किया तो उनके भाषण की, छोटा सा भाषण है 2.5-3 पन्ने का, जो मेन थीम है वो यही है, दुनिया का सबसे ताकतवर वाक्य है मैं नहीं जानती, क्योंकि वो संभावनाओं के दरवाजे खोलती है, आपका संशय आपको खोज की तरफ लेके जाता है। एक और एक जैन दर्शन में स्यादवाद एक विचार है, बहुत ही सुंदर विचार है जी। स्यादवाद कहता है कि हम सबकी नॉलेज रिलेटिव और लिमिटेड है, और सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो अपनी हर बात के साथ ये कहे कि सापेक्षतः मैं ये जानता हूँ, रिलेटिवली आई नो दिस, एंड माई ऑल नॉलेज इज रिलेटिव टू सर्टेन लिमिटेशंस। बहुत लोगों ने इस बात को समझा है। एक पायरो पश्चिम में हुआ, वो बोलता था कि हर सेंटेंस के पहले शायद लगाओ तब बोलो, कुछ भी बोलो शायद लगा के बोलो, क्योंकि आप कन्फर्म हो ही नहीं सकते। पर वो तो चलिए एक आगे की बात हो गई, लेकिन जी क्या ऐसी बात तो लोग फिर बोलते हैं कन्विक्शन नहीं है आपकी बात में। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है। बट इन फिलोसफी व्हेन यू टेक द पाथ ऑफ एम्पायरिसिज्म, टेक्निकली यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग स्केप्टिसिज्म। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इफ यू गो न्यूट्रली एंड ऑब्जेक्टिवली, दैट इज द ओनली वे आउट। ये अभी मैं कहीं सर पढ़ रहा था, आंखों देखी फिल्म इसी थीम पे बनी थी। कौन सी आंखों देखी? हाँ, पर वो उस लेवल तक नहीं लेके गया। मैं कैसे मान लूं कि वो गुर्राता होगा, मुझे जाके देख। हाँ, पर वो उस लेवल तक नहीं लेके गया उस प्रॉब्लम को। ये फिलोसफी की बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि
बोले साहब कौए काले होते हैं, तो उनको कैसे पता, हो सकता है किसी दिन एक सफ़ेद कौआ आ जाए। बर्टेंड रसेल ने इस पर यही एग्जाम्पल दिया, उसने कहा कि मैंने 10,000 काले कौए देखे, भारत में देखे, अमेरिका में देखे, इंग्लैंड में देखे, 10,000 काले कौओं से भी कौआ काला होता है साबित नहीं हो रहा, लेकिन एक सफ़ेद कौए से ये खारिज हो जाएगा पूरा। वन एक्सेप्शन इज सफिशियंट टू रिजेक्ट द थियरी एंड एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट्स और द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट सफिशियंट। इंडक्टिव लॉजिक की यही लिमिट है, आप इंडक्शन के भरोसे 100% ऑब्जेक्टिविटी पे कभी नहीं जा सकते। विवाह संस्था पर आपके विचारों पर बड़ी तीखी बहस होती है। मेरे विचारों पर? जी, जो आप पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय आप बताते हैं कल्चरल एक्टिविज्म और इन संस्थाओं को, जैसे मनुष्य स्त्री की सुंदरता और सुंदरता में इस इंस्टीट्यूशन ने कैसे उसको प्रेशराइज किया, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इन सब पे। एक मैं आपको और बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले एक बड़ा आरोप मुझ पर लगा कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, शायद आपकी लिस्ट में होगा भी। हाँ, रिसर्च में हमारी है। अब वो होता क्या है कि जैसे हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है, प्रेमचंद की कहानियाँ हैं पाठ्यक्रम में, और प्रेमचंद की जो 18 कहानियाँ पाठ्यक्रम में, उनमें से एक का नाम है सदगति, एक का नाम है निमंत्रण, एक का नाम है कफन। अब ये पहली दोनों कहानियाँ जो हैं ये सीधे सीधे एक, जैसे निमंत्रण पुरोहितों पर व्यंग्य है, सदगति भी एक तरह से एक पुरोहित के जाति को लेकर असंवेदनशील होने पर व्यंग्य है। अब मैं जब वो कहानी पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ एक बात है कि जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं क्लास में बोलता हूँ कि देखो अब मैं मार्क्स पढ़ा रहा हूँ, अगले 3 घंटे में कार्ल मार्क्स हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से सारा समझाऊंगा आपको, फिर क्रिटिसिज्म देखेंगे। गांधी पढ़ाने का मतलब मैं गांधी बन के पूरी बात समझाऊंगा पहले कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। अब उतने वीडियो क्लिप काट के यूट्यूब पर चला दी कुछ लोगों ने, क्योंकि वो लीक हो ही जाता, किसी ने कोर्स से निकाल लिया उसको। और शरारत ये कि जानबूझ के वो संदर्भ बढ़ा दिया कि प्रेमचंद की कहानी पर बात चल रही है, एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जबकि पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है निमंत्रण या सदगति लिखा है बोर्ड पर। अब एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने लीगल नोटिस भिजवा दिया, FIR की कॉपी भिजवा दी, कुछ कुछ ऐसा भी हुआ। एक बार आंदोलन मेरे खिलाफ हुआ, 300-500 फोन आ गए गुस्से में बहुत ज़्यादा। पर वो बेसिकली होता इसलिए कि पूरी बात नहीं आती है, कॉन्टेक्स्ट से बात कट के आती है। ऐसे विवाह को लेकर है, एक रचना है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ आपने पढ़ा ही होगा, आप तो हिंदी साहित्य के व्यक्ति हैं। आषाढ़ का एक दिन के अंत में मल्लिका का एक कैरेक्टर है, लोग उस नाटक को पढ़ के ये मान लेते हैं कि मल्लिका विलोम की पत्नी बन गई है, जबकि उसमें एक बड़ा स्पष्ट शब्द है वारांगणा है वो, और वारांगणा का मतलब वेश्या होता है, प्रोस्टिट्यूट होता है। अब लोग अपने संस्कारों से एज्यूम कर लेते हैं कि वो पत्नी है, तो मोहन राकेश ने उसके दूसरे संस्करण की भूमिका में लिखा कि बहुत लोगों ने ये मान लिया कि मल्लिका विलोम की पत्नी है, मैं स्पष्ट कर दूं कि वह वेश्या है, और नाटक में स्पष्ट रूप से बात लिखी भी हुई है। ठीक यही कालिदास की प्रेमिका का जिक्र स्कंदगुप्त नाटक में है, उससे करीब 30 साल पहले, और उस नाटक में जो मातृगुप्त है यानी कालिदास है, मातृगुप्त एक मालिनी नाम के कैरेक्टर को लेके ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसे संकेत मिलता है कुछ ऐसा ही मामला है। शायद मोहन राकेश ने वहाँ से वो थीम ली होगी। अब क्लास में बच्चे पूछते हैं, और एक बार सवाल भी शायद UPSC में ऐसा कुछ आ गया था कि भाई मल्लिका ने पत्नी होना क्यों नहीं चुना, वेश्या होना क्यों चुना। अब ये संदर्भ है, उस पर मैं कुछ बातें कह रहा हूँ कि वेश्यावृत्ति और विवाह व्यवस्था को लेकर जैसे रसेल ने और कई लोगों ने इस पर लिखा ही है, काफ़ी सारा लिखा है। जैसे एक तुलना आती है कि वेश्यावृत्ति में महिला के पास ये आज़ादी है कि वो चुने या न चुने, या केवल देह का सौदा करे, मन का सौदा ना करे। विवाह अगर अच्छा ना हो तो मन का सौदा भी करना पड़ता है, और ऐसे विवाह जो अच्छे नहीं चल रहे, जहाँ कोई महिला केवल सुरक्षा की वजह से जिंदा है, उस सिस्टम में है, तो वहाँ तो इतना ही मामला है कि भाई उसको आर्थिक सुरक्षा चाहिए इसलिए वो सब झेल रही है। जो दूसरा व्यक्ति है वो भी आर्थिक ज़रूरतों की वजह से इस चीज़ को झेल रहा है। अंतर ये है कि उसको रोज़ ऐसे समझौते करने पड़ रहे हैं बारी बारी अलग व्यक्तियों के साथ, इसको एक ही बार करना पड़ रहा है। अब ये तुलना कोई समझदार व्यक्ति को इससे क्यों दिक्कत होनी चाहिए।
लेकिन जब बात कॉन्टेक्स्ट से कट के आती है तो लगता है कि विवाह व्यवस्था का विरोध, भाई विवाह व्यवस्था का विरोधी कैसे, मतलब मैं तो नहीं हूँ कम से कम, बाकी जो लोग हैं सो। हाँ, लोगों ने ये भी कमेंट लिखा कि अपने वीडियो में तो बड़ा लिव इन की वकालत करते हैं, खुद शादी कर ली। नहीं, तो मैं लिव इन की वकालत करता हूँ, मेरा ख्याल है कि विवाह से कम एक दो ब्रेकअप होना ज़रूरी है, होने चाहिए, उससे मैच्योरिटी आती है और मैच्योर व्यक्ति विवाह करे तो समझदारी की बात है। विवाह कम टूटेंगे अगर मैच्योरिटी के बाद विवाह होंगे तो। जी, अगला सवाल। सिविल सर्विसेज की जब हम तैयारी करते हैं तो एक सब्जेक्ट एथिक्स और मोरालिटी का पढ़ते हैं, तो लेकिन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के पास मतलब ये दुविधा रहती है कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स माने या एथिकल वैल्यूज़ को माने, तो वो अपनी ड्यूटी के दौरान इसको कैसे कोप अप कर सकता है कि वो अपने एथिकल वैल्यूज़ भी कर ले और ऑर्डर्स भी रहें। इसमें मैं कुछ क्लब कर देता हूँ, एक दो जो सवाल हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत हैं आपका कल अभी, तक अभी क्या टाइम हुआ, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का। तो कई लोगों ने दो तीन इसी से जुड़े सवाल पूछे कि विकास दिव्यकीर्ति को कैसा लगता है जब उनके पढ़ाए किसी स्टूडेंट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कि कोई सिविल सर्वेंट हो गया और बजला साहब इसने तो इसके यहाँ छापे में मात्र 50 करोड़ निकले या 100 करोड़ निकले, इस तरह का, या इन जनरल कि आप इतने लोगों को पढ़ाते हैं, कितने एस्पिरेशंस के साथ, महत्वाकांक्षा उत्साह के साथ लोग आते हैं, एक ये। और दूसरा, लोगों ने कहा कि छोटे छोटे भ्रष्टाचार पर सबकी नज़र जाती है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो ऊपर ब्यूरोक्रेसी करती है, तो वो लोग फिर एथिक्स की बात किस मुँह से करते हैं। तो कई सवाल हैं जो इस गुच्छे से जुड़े हैं। एथिक्स की बात तो इसलिए पाठ्यक्रम में लाई ही गई है कि कुछ बेहतर लोग सिलेक्ट हो सके, मतलब इसी समस्या को देखते हुए कि करप्शन ज़्यादा है, एथिक्स का पेपर लाया गया है। एथिक्स जैसी चीज़ें पढ़ के ये गारंटी देना कि अब लोग ठीक हो जाएंगे, कोई दे नहीं सकता गारंटी इस चीज़ की, मतलब इंटेंशन सी गारंटी कहाँ से मिलेगी, कोई ऑब्जेक्टिविटी है नहीं उसमें, लेकिन एक कोशिश होती है उस पेपर में कि लोग कम से कम मॉरल इमोरल चीज़ों को समझते हों, ना समझे में गलतियाँ ना कर बैठे, कम से कम समझदार हो जाएं। बाकी मेरे स्टूडेंट्स मतलब हर तरह के हैं, और वैसे जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो मेरी अपनी जो अप्रोच है वो ये कि मैं उसके बाद अपनी ओर से बात करने से बचता हूँ। मुझे ध्यान नहीं है कि किसी का सिलेक्शन होने के बाद मैंने एक बार भी फ़ोन किया हो, बधाई देने के लिए भी फ़ोन किया हो, मैं बचता हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत हुआ तो एक मैसेज बधाई का, इतना ही। उसकी वजह है कि कई बार सिलेक्शन के बाद किसी किसी का मतलब भाव बदलने लगता है, तो मैं फिर उन सब चीज़ों से बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहता है, मतलब जैसे कई ऐसे लोग 10-20 साल से सर्विसेज में बहुत बहुत ऊंचे रैंक पे हैं, पर अगर वो अपने रैंक के साथ हमारे घर आते हैं तो हम बचते हैं, रैंक भूल के हैं तो फिर हमारे साथ रहते हैं, दोस्त हैं हमारे। मैंने इसका उलट देखा, मतलब क्या? मैं आपके पढ़ाए जिन स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादातर, सभी आपको बहुत प्रेम पूर्वक याद करते हैं। नहीं, वो ठीक बात है, याद करते हैं, मेरी बात भी होती है। सिलेक्शन के एकदम बाद मैं उनको बात करने से बचता हूँ, क्योंकि मैं जिस व्यवसाय में हूँ वहाँ से फ़ोन जाने का मतलब कुछ और भी हो सकता है, कि मैं कोई फेवर चाह रहा हूँ, तो मैं उससे बचता हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद फिर कम्युनिकेशन होता है, तो फिर हम बात करते हैं बढ़िया से। मतलब ऐसे कम से कम 50 लोग हैं जो सिविल सर्वेंट से सीनियर, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत ही अच्छी दोस्ती है, लेकिन वो फिर इस भाव से नहीं होती कि मैं टीचर हूँ और वो सिविल सर्वेंट है, दोस्त हैं तो हम दोस्त हैं। एक एपी उपाध्याय का सवाल आया है कि क्या आपको बैच के शुरुआती दौर में पता चल जाता है कि यार इसका सिलेक्शन तो पक्का होगा, इस लड़का या लड़की का, कुछ ऐसा आभास? हाँ, आइडिया हो जाता है। एंड देन यू पे एक्स्ट्रा अटेंशन? अभी हमने शुरू किया है, पिछले 1-1.5 साल से। कई आपके स्टूडेंट्स ने जो अब सिविल सर्वेंट हैं बताया कि आप पर्सनल इंटरेस्ट भी लेते हैं, फिर फोन करके उनको मोटिवेट करेंगे, मेंस में कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, सिलेक्शन होने तक मैं सब कुछ करता हूँ, सिलेक्शन होने के बाद फ़ोन बंद कर देता हूँ। जब तक सिलेक्शन ना हो तो मैं जहाँ तक संभव है, अभी जैसे हमने इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब चल रहा है, आपको पता ही है। हाँ, तो पिछले साल हमने 3 प्रयास किए इस मामले में। एक अस्मिता स्कीम शुरू की हमने, पूरे भारत से हमने उन बच्चों को जो कहीं किसी स्टेट का प्रीलिम्स कम से कम निकाल चुके, एक बार एक एग्ज़ाम लिया, 1000 लोगों ने फॉर्म भरा लगभग, फाइनली 31 बच्चों को सेलेक्ट किया। अब वो 31 लोग दिल्ली में आ चुके हैं, उनका रहना खाना सब हम कर रहे हैं, पढ़ाई भी हम करवा रहे हैं 2 साल तक, और मुझे उम्मीद है कि उन 31 में से कम 15-20 का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हमने एक मेंटरशिप प्रोजेक्ट शुरू किया हिंदी के बच्चों के लिए, जो
वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसमें बच्चों को हम पर्सनल अटेंडेंस के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ 12 लोगों की टीम रात दिन उन पर काम करती है कि वो सफल हों। तीसरा अभी ये भी किया है 4 दिन पहले कि जो बच्चे पिछली बार इंटरव्यू दे चुके हैं फिर से मेंस दे रहे हैं, ऐसे 20-30 बच्चों को हमने फेलोशिप दी है, उनका भी रहना दिल्ली में पढ़ना सब हमने निःशुल्क किया है। तो कोशिश करते हैं कि वो सफल हों जिन बच्चों में ऐसी फायर होती है। ये अवनीश का सवाल है और बहुतों का सवाल है, बहुत मिलते जुलते सवाल हैं, तो मैं एक बकेट बना देता हूँ। पढ़ने में मन नहीं लगता कैसे लगाएं? ये एक बड़ा सवाल है। किताबें पढ़ने में मन नहीं लगता, मोबाइल देखने में बहुत मन करता है, हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई, बस एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, तैयारी करें कि ना करें, और याद कैसे रखें, सर को इतना कैसे याद रहता है, सर इतने धीर गंभीर ढंग से आराम आराम से कैसे बात कर लेते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन। हाँ, ये तो मतलब ऐसा लग रहा था कि एक हम अपनी यूपीएससी कोचिंग शुरू कर रहे हैं, लल्लन टॉप वाले एक्सपर्ट सेमिनार को बुलाया, तो उसमें बहुत सारे सवाल सर से पूछना, सोशियोलॉजी ले लें कि ना ले, इन सब के जवाब तो मैं देता ही रहता हूँ यूट्यूब पे जी। तो हाँ जी, अगला सवाल। अरे बड़े जोश में। हाँ, मैंने आपका एक रील देखा था सर, उसमें आप महिलाओं को या लड़कियों को कह रहे थे कि जब भी आप शादी के पर्पस से किसी लड़के से मिलें तो उसमें उससे सिर्फ एक सवाल करिएगा, रोया कब था। हाँ, ये आप यहाँ बता दीजिए यार, रोया कब था, रोया कब था, और ये आप यहाँ बता दीजिए। तो फिर तुमने ये पूछा शादी करने से पहले? अभी तो तय नहीं हुई है सर, होगी तो पूछूंगी। और बाकी आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी है, आप चाहते हैं आप फिल्म बनाना? सिनेमा टीम से हैं। मेरी हिंदी, इंग्लिश तो मैंने बहुत कम फिल्में देखी हैं तो ज़्यादा आइडिया है नहीं। हिंदी में सबसे अच्छी अगर 3-4 फिल्में चुनी तो नंबर 1 पे द लंच बॉक्स है, वो मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है। सेकंड मैंने अभी एक फिल्म देखी, हमारे मित्र हैं, इनके भी मित्र हैं, उन्हीं की बनाई हुई फिल्म है एकलव्य, विधु विनोद चोपड़ा, वो हम एक कॉमन फ्रेंड है हमारे। तीसरी फिल्म चुनी तो गुलाल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही अच्छी, और मैं बहुत ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे फिल्म आजकल मैं कम टाइम दे पा रहा हूँ, पहले मैं सारी फिल्में देखता था, एक भी नहीं छोड़ता था, लिखता भी था फेसबुक पे उन फिल्मों के बारे में। रामगोपाल वर्मा की आग टाइप की भी देख लेते थे, सब बुरी भी? वो तो शायद नहीं देखी होगी, लेकिन मैं एक ज़माने में लगभग सारी फिल्में देखता था। मसान जैसे मुझे बड़ी अच्छी लगी थी फिल्म। लेकिन अगर मैं बनाऊँगा तो मेरा जो जॉनर मुझे पसंद है वो 3 इडियट्स जैसा है, जो एंटरटेनमेंट प्लस एक मैसेज वाली फिल्में हों उस तरह। जैसे वेब सीरीज में पंचायत का जो स्टाइल है वैसा वो पसंद है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों के अंदर ना उनके भाव मर जाएं, ये कोशिश पूरा समाज करता है। तो कोई अगर पुरुष कभी नहीं रोया है या पिछले कई साल से नहीं रोया, जिसमें मैं भी फेल हो जाता हूँ अगर ये प्रश्न मुझसे पूछ लिया जाता तो, मैं वही सोच रहा था। लेकिन तब भी अब जो मुझे समझ में आता है वो ये कि बहुत ज़रूरी है कि वो पुरुष सहज हो, रोने की क्षमता रखता हो, और अगर वो रो सकता है तो रुलाएगा कम। आप अपने बेटे से बात करते हैं समाज? हाँ, प्रेम ज़्यादा नहीं, अभी वो छोटा है, 10वीं क्लास, अभी उसकी शायद पास हो जाएगा, मेरे ख्याल से रिजल्ट आने वाला है उसका जल्दी ही, शायद। हाँ शायद, मेरा ही बेटा है तो मैं अपने ही हिसाब से सोच रहा हूँ। नहीं यार, फिर वो दर्शन वाली भी बात है, शायद जोड़ दो बाकी के आगे। नहीं, वो ठीक है, मतलब पास तो हो जाएगा। अभी उसका नया नया शौक शेर व शायरी का है आजकल, तो अपने तो बहुत कच्चे शेर लिखता है लेकिन ढूंढ ढूंढ के सुनाता है, फिर मैं उसको एक शेर से जवाब देता हूँ, तो चलती है शेर व शायरी, बैतबाजी चलती है। हाँ, बैतबाजी चलती रहती है। लेकिन अभी वो, लेकिन मुझे स्कूल में है, आजकल के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन स्कूल्स में सेंसिटिविटी पहले ही उनको ज़्यादा सिखा देते हैं, जो हमें नहीं मिली थी, तो सेंसिटिव है इन मामलों में। सर एक्चुअली मुझे एक चीज़ ये पूछनी है, वाइल ग्रोइंग अप मैंने ऐसे बहुत लोगों को अपने आसपास देखा जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते थे, बहुत मेहनत की उन्होंने, सारे अटेम्प्ट्स दिए बट वो क्रैक नहीं कर पाए, एंड देन आई सॉ देम फॉलिंग अपार्ट, और उनको देख के मुझे इतना डर लग गया था, मुझे था कि मुझे यूपीएससी कभी नहीं करनी है, हालांकि मेरे पापा चाहते थे, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं फेल हो गई वैसे तो आई विल ब्रेक। तो आपके आसपास तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं पर वो नहीं क्रैक कर पाते, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देते हैं कि हाउ दे डील विद इट? पिछले दिनों ही मुझे एक इस तरह के मैसेजेस, मतलब हम लोगों को भी आते रहते हैं कि बहुत पढ़ाई की, बहुत तैयारी की, नहीं हुआ। और हमारे जेएनयू के कई बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने पहले अटैम्प्ट में इंटरव्यू दिया, हमें लग रहा था पहले में ही हो जाएगा,
अभी वो प्रोफेसर हैं और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम तो उनकी बड़ी बुरी स्थिति थी। पर दो तीन बातें हैं। पहली बात तो हम जिस देश में हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हर फील्ड में, पॉलिटिक्स हो, फिल्म हो। मैं अभी मुंबई गया तो मैंने वहाँ जो एक्टर्स स्ट्रगल करते हैं उनमें से कुछ से मिला, किसी खास प्रसंग में था वहाँ एक्टर्स से कुछ से मिलना था, तो उनकी स्ट्रगल सुन के मुझे लगा कि यूपीएससी की स्ट्रगल तो बहुत कम है। है क्या कि हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो विफलता की दर ज़्यादा होनी ही है। क्रिकेट का सपना तो लाखों लोग देखते हैं, पर आईपीएल में और इंडियन टीम में कितने लोग पहुंच पाते हैं, वहाँ भी ऐसी स्थिति है। इसलिए तैयारी आप आईएएस की करें या क्रिकेट की करें या फिल्मों की करें, उस तैयारी से पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर ना हो तो क्या होगा। मतलब मेरी अपनी फिलॉसफी तो ये है कि सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आईएएस में या कहीं नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। और आईएएस की तैयारी की अच्छी बात है कि मेरे अनुभव में जितने भी लोगों ने तैयारी की है, सीरियस प्रिपरेशन जिन लोगों ने की है, अगर आईएएस में नहीं भी हुए तो पीसीएस में हो गए सब लोग। पीसीएस इज ए सिमिलर एग्जाम विच इज टेकन बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस विच पुट यू वन रैंक बिलो द यूपीएससी रैंक्स, सो यू बिकम डीएम और कलेक्टर फ्रॉम द यूपीएससी इन फोर ईयर्स, बट फ्रॉम द पीसीएस यू बिकम एसडीएम विच इज अगेन ए वेरी गुड रैंक। मेरे एक्सपीरियंस में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो शानदार हो, खूब मेहनती हो और आईएएस और पीसीएस कहीं भी ना हुआ हो। कभी कभी टाइम लगता है 2-3 साल, लेकिन हो जाते हैं। एंड इवन अदरवाइज यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद एकेडमिक्स में भी आप जाएंगे तो नॉर्मल एकेडमिक्स के लोगों से अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। पढ़ाई बेकार नहीं जाती, पढ़ाई बेकार नहीं जाती, कभी नहीं जाती पढ़ाई बेकार। मतलब कभी कभी तो ऐसा सरप्राइजिंगली काम आती है। एक आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलूँगा अभी, फिलोसफी विषय से उसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, उसका नहीं हुआ, लॉ भी किया हुआ था, वो वकील बन गया। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन होनी थी, क्योंकि वो फिलॉसफी का था, उसने न्याय और मीमांसा फिलॉसफी के रेफरेंसेस दे के बात को प्रूव किया और बात प्रूव हो गई। और तब उसने फ़ोन करके बताया कि हमारी पूरी टीम में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये भी आर्गूमेंट हो सकता है, क्योंकि मीमांसा और न्याय फिलॉसफी लिंग्विस्टिक मामले में इंडिया की बेस्ट फिलॉसफीज मानी जाती है और एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जिसने मीमांसा और न्याय को ठीक से पढ़ लिया और उसको अप्लाई कर दिया लॉजिक में, अपने जुडिशियल लॉजिक में, तो वहाँ भी कमाल हो जाता है। नॉलेज कोई बेकार थोड़ा ना जाती है, आप कहाँ यूज़ करेंगे। और मैं क्लास में ना अक्सर एक शेर बच्चों को बोलता हूँ तैयारी शुरू करने से पहले कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, इतनी गारंटी है कि एक बेहतर इंसान बन जाओगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे अगर मेहनत की तो। तो क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं भी, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई यूपीएससी को इस भाव से तैयारी करे कि नहीं होगा तो मर जाऊँगा। इससे बढ़िया मत करो तैयारी भाई, किसी भी चीज़ की तैयारी। आप मीडिया में ही हैं, मान लीजिए मीडिया में इतना अच्छा आपको ना मिल पाती, प्लेसमेंट नहीं मिल पाती, ये कोई मरने की बात थोड़ा ना है, स्ट्रगल करने की बात है। आज नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ जितनी आज की जनरेशन के पास हैं उतनी पहले तो नहीं थी। हमारे समय में क्या था, आईएएस बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या बैंक में चले जाओ या क्लर्क बन जाओ, कोई पांचवा ऑप्शन ही नहीं था। अब तो मतलब ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन इतना ज़्यादा है कि आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए स्मार्ट व्यक्तियों के लिए इस दुनिया में कोई कमी नहीं है अवसरों की, बहुत अवसर हैं। राज टॉक का सवाल है कि अगर विकास सर एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे तो क्या सुधार करेंगे? मुझे कोई क्यों बनाएगा, पहली बात तो ये है ना। मतलब पॉलिटिक्स को लेके मेरी समझ ये है कि अगर मैं कभी पॉलिटिक्स में गया किसी वजह से, सूरज वर्मा ने भी पूछा कि कहाँ से लड़ेंगे लोकसभा, भी सौरभ भी पूछ रहे थे यहाँ। मतलब पहली बात तो मैं जाऊँगा नहीं पॉलिटिक्स में। मैंने 2015 में एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था इस चीज़ के लिए, ये देखने के लिए कि पॉलिटिक्स ठीक है या नहीं मेरे लिए। तो मैंने अपने मोहल्ले का इलेक्शन लड़ा, जीता RWA का, हाँ, 1.5 साल सरकार चलाई वहाँ, और उसके बाद फिर मैंने इस्तीफा दिया जब मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी प्रकृति, मेरे स्वधर्म का मामला है नहीं। मैंने काम ठीक किया, मुझे ऐसा आज भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो मेरे बस की बात है नहीं। तो कभी अगर ऐसा संयोग बना, जो मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ, तो मेरा काम करने का स्टाइल कुछ कुछ वैसा जो नितिन गडकरी जो मंत्री हैं वैसा स्टाइल है। तो और लोकसभा नहीं, मेरा तो अगर होगा तो शांति वाला मामला होगा,
मुझसे ये संभव नहीं कि मैं सड़क पे जाके नारे लगा सकूं, वो मेरे बस की बात है नहीं। पॉलिसी इश्यूज़, पॉलिसी इश्यूज़ पे हो, इम्प्लीमेंटेशन पे हो, मैं अब 22 साल से अपना उद्यम कर रहा हूं तो मुझे उस चीज़ का अनुभव ठीक ठाक है, मैनेजमेंट का अनुभव अच्छा खासा है। अच्छा, एक सवाल ये पूछा गया है कि अलग अलग तरीकों के धार्मिक कर्मकांडों का आप तार्किक विरोध करते हैं, अनिकेत ने पूछा है, परंतु धर्म जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष भी है। हम जानना चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार के धर्म या अध्यात्म को फॉलो करते हैं। मेरे पिताजी आर्य समाज को मानते हैं, माँ जब तक थी वही मानती थी, तो वो रोज़ घर में यज्ञ हवन होता है। मुझे बचपन से ही बहुत आस्था नहीं है, बाद में तो और कम हो गई, तो फिर एक समय तक वो कोशिश करते रहे कि मैं रोज़ बैठूँ उनके साथ, धीरे धीरे कोशिश करनी बंद कर दी, अब वो कोशिश भी नहीं करते, मैं बैठता भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी सनातनी परंपरा से है, तो उन्होंने अपने घर में, मतलब हमारे घर में एक मंदिर बना रखा है और उस मंदिर में सभी देवी देवता हैं। हाँ, मैंने देखे। आप तो देख चुके हैं ना, तो बल्कि पिछली बार तो उनका धार्मिक भाव और आगे बढ़ा, गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी को घर में स्थापित किया गया और कई दिन पूजा पाठ हुई, फिर विसर्जन हुआ। मैं इन सारी चीज़ों में एक मूक सहयोगी के रूप में साथ रहता हूँ। मैं अपने घर के मंदिर में कभी अपमान नहीं करता हूँ भूल के भी, तो मैं जाऊँगा तो चप्पल हटा के जाऊँगा, किसी और की भी रखी हुई तो हटा दूँगा, उतना ध्यान रखता हूँ। हवन भी अगर हो, जैसे जन्मदिन पे होता है, एनिवर्सरी पे होता है, तो उसमें बैठता हूँ, शालीनता से बैठता हूँ। मुझे बहुत आस्था नहीं, अनास्था भी नहीं। मैं मानता हूँ कि धर्म समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभी हमारा समाज धर्म के बिना चलने की स्थिति में नहीं है। ईश्वर है या नहीं ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, और मेरे नहीं जानने से तय नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। इससे नास्तिकता उतनी बड़ी मूर्खता है जितना ये दावा कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। तो डाइसी हूँ इस मामले में, मैं मतलब कन्फ्यूज़न में रहता हूँ। लेकिन दो लोगों ने ना, एक जो पास्कल लैंग्वेज आप पढ़ते कंप्यूटर में, ब्लेस पास्कल मैथमेटिशियन थे उन्होंने, और विलियम जेम्स 20th सेंचुरी के बड़े अच्छे दार्शनिक हुए, इन दोनों ने इस प्रश्न का बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब ये तय है नहीं कि ईश्वर है या नहीं, तो ज़्यादा ठीक क्या है। आर्गूमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का निष्कर्ष ये है कि मान लेना ज़्यादा फायदे में है। तो मैं तो उस बिंदु पे हूँ जहाँ मेरे चाहने से मैं मान नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं, सांप्रदायिक नहीं है, कर्मकांडी ज़्यादा नहीं है, कट्टर नहीं है, पर विश्वास रखते हैं, वो ज़्यादा फायदे में है। द इंडियन ने पूछा है कि राष्ट्रवादी से सर को क्या दिक्कत है, जब राष्ट्रवादी की बात आती है तो इनका भाव बदल जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा का अंतर हो सकता है। अगर राष्ट्रवाद को हम धर्म विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष से जोड़ें, तो फिर हम पूरे राष्ट्र को साथ लेकर नहीं चल पाते। तो मैं तो राष्ट्रवादी व्यक्तियों में एक हूँ, कोई दुविधा का सवाल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के विरोध में एकदम नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहाँ पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। राष्ट्र हैं, सबके संबंध अच्छे हों, क्यों हम किसी के लिए खराब काम ना करें। अगर वहाँ की सेना गड़बड़ करती है तो हमारी सेना उससे लड़ेगी, सीधी सी बात है, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं बिना बात के ये काम ना करूँ कि सारे पाकिस्तानी मर जाएं, क्यों ऐसी काम ना करूँ। एक सवाल बहुत आया है, और आप बहुत मुखर भी रहे हैं 2011 ऑनवर्ड्स, कि ये जो नया सी सेट और ये सब बदलाव आए, हिंदी माध्यम और दूसरी भारतीय भाषाओं से जो एग्ज़ाम देते हैं, और इस पर भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट साथ जो एग्ज़ाम देते हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है, इसको लेकर आपके बहुत सारे तर्क हैं, किस तरह के सुधार होने चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, यूपीएससी का तर्क है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ही चेंजेस किए गए हैं। पहले प्रीलिम्स में विषय अलग अलग होते थे तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को बेनिफिट मिलता था, अब एक ही पेपर है जीएस का, एक ही सी सेट का है, तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। पर जिस लेवल का सी सेट है उसमें कई एमबीए के लोग भी फेल हो जाते हैं, और ये हर साल मैं देखता हूँ। तो ये एकदम सही बात है कि ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए बहुत आसान नहीं है यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, आज के समय में बहुत मुश्किल है। फिर मेंस में
भी लैंग्वेज का रोल ठीक ठाक रहता है और बहुत सारे बच्चे वहाँ फेल होते हैं। मुझे बहुत दुविधाएं इस मामले में नहीं है। जैसे संख्या में बात करनी हो तो आज से 10 साल पहले अगर 1000 सीट होती थी तो 1000 सीट का मतलब करीब 15000 लोग प्रीलिम्स पास करेंगे, जिनमें से लगभग 6000 हिंदी माध्यम के होते थे। आज उनकी संख्या 500 है। ये अंतर तथ्य 6000 से 500 है, अगर 1000 सीटें मान लें हम। फाइनल सिलेक्शन में आप मान के चलें कि 1000 सीटों में पहले करीब 80 से 100 होते थे, आज करीब 30 के आसपास होते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन में उतना गुणा अंतर नहीं है जितना गुणा अंतर प्रीलिम्स के रिजल्ट में है। हिंदी को या तमिल को, बांग्ला को, तेलुगु को, इन सब का प्रश्न है। उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और मैं केवल एक बात यूपीएससी से कहना चाहता हूँ, मेरी तो वहाँ तक पहुँच नहीं है, मेरी पहुँच प्रधानमंत्री या गृहमंत्री तक भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे कभी उनसे मिलने का मौका मिले, मैं उनसे केवल एक निवेदन करूँगा, और कोई भेदभाव का आरोप नहीं, केवल एक निवेदन कि मेंस में जो टॉपर हैं दोनों भाषाओं के और बाकी भाषाओं के भी, एक बार केवल उनकी कॉपीज को री इवेल्युएट करवाएं किसी ऐसे व्यक्ति से जो दोनों भाषाएं जानता हो, और केवल ये चेक कर लें कि न्याय हुआ या नहीं हुआ। मेरी समझ है कि जितना गैप जस्टिफाइड हो सकता है उससे ज्यादा गैप दिखता है, और ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल है। एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों भाषाओं पारंगत हो, अंग्रेजी और हिंदी में, दोनों भाषाओं के टॉपर्स की कॉपीज चेक कर ले, अगर वो कह दे कि जितना गैप है जस्टिफाइड है तो बात ही खत्म हो जाएगी, कहे कि नहीं है तो फिर उस अनुपात में सुधार हो जाना चाहिए। तो बहुत छोटी सी बात है, आपकी शायद पहुँच हो तो आप कह के देखिएगा। मैं तो मुखर्जी नगर से बहुत कम बाहर निकल पाता हूँ, तो मुझे कोई नहीं जानता, बड़े आदमी तो एकदम नहीं जानते मुझे, मतलब आप ही सबसे बड़े आदमी जिनको मैं जानता हूँ। तो आप अगर आपकी वहाँ पहुँच हो तो कह के देख लीजिए एक बार, क्योंकि जब ये बदलाव हुए थे तब बहुत आंदोलन भी चले थे, आंदोलन हुए थे उसमें, मैं मतलब सीरियस पार्टिसिपेंट भी था उसमें, कुछ डिबेट्स में भी गया था। एक सवाल ये भी पूछा गया कि जब जैसे अग्निवीर में बदलाव हुआ फौज की भर्ती में, तो जो कोचिंग संचालक थे उन्होंने जो जायज़ मांगे थी उनका समर्थन किया, प्रोटेस्ट के तरीकों को लेकर विरोध किया, तो विकास दिव्यकीर्ति या जो दूसरे टीचर हैं वो हमारी इस मांग का कि हमें यूपीएससी का एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले कोविड काल का, क्यों मुखर सपोर्ट नहीं करते? मतलब पहला सवाल ये है कि उस डिमांड को मैं कितना जस्टिफाइड मानूं। हर साल बहुत सारे बच्चे अलग अलग डिमांड लेके आते हैं कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, फिर कई बार वो लीगल केस फाइट करते हैं, तो जब कोई केस फाइट करते हैं तो हम उसकी हेल्प करते भी हैं, जो मतलब जिस तरह की हेल्प वो चाहते हैं, लीगल या फिनेंशियल। लेकिन मेरा 2014 के आंदोलन के बाद अनुभव ये है कि मुझे सड़क का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, अगर रास्ता चुनना ही है तो कोर्ट का, या जैसे आपके थ्रू या किसी मंत्री से मिल के बात हो तो वो ज़्यादा ठीक है, और सड़क का रास्ता चुनना है तो फिर विद्यार्थियों को अपने स्तर पर करना चाहिए। और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जो डिमांड आप बता रहे हैं वो इतनी जायज़ है कि उसके लिए ऐसा रास्ता चुना जाए। सर, ये आपका दृष्टि आईएएस का ही डाला हुआ एक वीडियो है, कोई कट नहीं है, इसमें आपने प्रेम की बात करी है और आपने कहा कि प्रेम में अधिकार एक निश्चित मात्रा में होता है, श्रद्धा में नहीं होता। ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, श्रद्धा भक्ति क्या कोशेंट है, कितना होना चाहिए हमारा प्रेम? नहीं नहीं, ये पर्सपेक्टिव रामचंद्र शुक्ल जी का है, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। ये सेइंग कि वो उस ऐसे को एक्सप्लेन कर रहे थे, उनके पास कोई वो पोशन नहीं है कि 27% या 29%। दूसरा सा सवाल है, हमारा प्रेम में अधिकार तो होता ही है थोड़ा बहुत, और यदि अधिकार बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब प्रेम खत्म हो चुका है। अच्छा, होता क्या है कि मैं बता, कि आपने जैसे कोई प्रसंग लिया, कोई निबंध लिया, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उतना वो उतना काट दिया कि हाँ, और फिर एक थंबनेल पे देखो ये दरिंदा क्या कहता है, ऐसे करके चला दिया भाव। दृष्टि आईएएस का ही वीडियो है वो। अरे नहीं नहीं, आप वो कह रहे हैं कि गलत फहमी में हैं। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस काट के चलाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस चैनल पे, आप ध्यान से चैनल देखिएगा, चैनल कौन सा है भाई, वो कुछ और कह रहे हैं। समझ गया, नहीं समझे हो तुम, अभी तुम्हारी शक्ल बता रही, तुम नहीं समझो। नहीं नहीं, वो तो मेरे मैं पार पोजीशन में, इसलिए तुम सर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जब वो किसी विषय को पढ़ा रहे होते हैं तो उस विषय के टेक्स्ट के संदर्भ में उनकी टिप्पणी होती है, वो ऐसा नहीं कि वो उनका अर्जित सार्वभौम सत्य है जी। ये समझ गया सर,
लेकिन ये चैनल पे आपके ही चैनल हो सकता है, नहीं काट हो सकता है कोई दूसरी कोई क्लिप हो करेगी। सवाल है, वो तो पूरा 3 घंटे का वीडियो है, मैंने उसको पूरा देखा है। आप आत्महत्या की बात कर रहे हैं, उसके कई प्रकार आत्महत्या की नहीं क्या बात है, वो डिप्रेशन वाले वीडियो की बात कर रहे हैं। डिप्रेशन उसमें आत्महत्या के प्रकार की बात, तो उसमें सर एक चीज है, आपने उस पे उसको अच्छे से एलैबोरेट किया है कि जो संघर्ष करके बच्चे आते हैं, गांव से आते हैं, वो जो डिफेंस मैकेनिज्म उनकी अच्छी होती है, बाहर वाली चीज़ों को बुली करना, शेमिंग किसी तरीके की, सब झेल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे मौके नहीं आते। आपके जीवन में भी एक बार आया, आपने ये भी बोला उसमें। मेरा सवाल ये है कि सर डेटा भी कहता है और भी है कि, और मैंने देखा है, मेरे अपने अनुभव है, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, बहुत ज़्यादा सुइसाइड हुए हैं सर, और वो किसी एक लंबे वजह से नहीं, एक अचानक एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिस्ट्रेस की वजह से हुए हैं। यार ये तुमने सवाल एक बार पहले भी किसी से पूछा था क्या? और उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था। किससे पूछा तुमने? सर कोई साइको एनालिस्ट आए, वो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी जी। गुरु जी नहीं कर रहे हैं साइकोलॉजी की प्रैक्टिस? नहीं नहीं ठीक है, सामान्य है। हमने देखा कि माइक माइक इधर आ गया, थोड़ा जवाब तो दे रहे थे। देखो सुसाइड कोई व्यक्ति क्यों करता है? एक तो जो बाहर से फैक्टर्स उसको परेशान कर रहे हैं, दूसरा उसका इंटरनल मैकेनिज्म कितना उससे लड़ने को तैयार है। आप देखेंगे कि कई ऐसे बच्चे कि आप कितनी भी गालियां दे लीजिए उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ ऐसे हैं जिनको हल्का सा भी कहो तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये रहा कि जो ज़्यादा सोशल एक्सपोजर में रहेगा उसका डिफेंस मैकेनिज़्म बेहतर होगा, और ये संभावना गाँव के बच्चों में, कस्बों के बच्चों में ज़्यादा है, जो दिल्ली के माहौल में बहुत प्रोटेक्शन में रहते हैं बच्चे। एसी स्कूल बस में स्कूल जाना, एसी स्कूल में बैठना, जरा सा झगड़ा हुआ प्रिंसिपल बीच में आ जाती हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों से जूझने की क्षमताएं उतनी डेवलप हो नहीं पाती हैं। और गांव के बच्चे, कस्बे के बच्चे जनरली इस मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मैं भाई 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 थोड़ा समय हो सकता है, अनुपात थोड़ा समय, जनसंख्या का अनुपात और आत्महत्या करने वालों के अनुपात को देखिए, शायद तब बात समझ में। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ और मेरा बेटा जिस स्कूल से पढ़ रहा है, मेरा ख्याल है कि उनकी एक क्षमता हम लोगों से कम होगी कि वो बुलिंग झेल सके। और वहाँ शीशम का डंडा भी नहीं होगा अजीत सिंह का, क्योंकि वो माहौल वैसा नहीं मिला उनको। सर बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि आप बोलते हैं कि मेरे जो प्रिय दार्शनिक हैं उनमें से एक ओशो है, और आप मतलब बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ पाई। पर सर कई बार बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी इंसान को पढ़ रहे हैं, उसका तर्क तो बहुत अपील करता है, वो लॉजिक बहुत अपीलिंग होता है, पर उसकी एक और साइड है, जैसे उन्हीं के बारे में कि उनके आश्रम में जो लोग रहते थे वो शायद सबसिस्टेंस लेवल पर रहते थे, वो खुद रोल्स रॉयस में घूमते थे। मैं केवल एक एग्जांपल के तौर पे, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके बाद बहुत सारे सवाल मशरूम करने लगते हैं आपके। वो क्या प्रीच कर रहा है और खुद कैसा? नहीं, व्यक्ति और विचार का द्वैत। लेकिन कोई दार्शनिक रोल्स रॉयस में घूमे तो उसमें क्या दिक्कत है? सर मैं वही यही इसी के बाद ये कि मुझे इस पे आपत्ति क्यों है, ये भी एक सवाल है। हाँ बताइए, ऐसा सवाल है ना। हाँ ये इसके क्योंकि क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि जो दार्शनिक व्यक्ति है उसको मतलब भगवा वस्त्र पहन के पैदल घूमना चाहिए। क्यों घूमना चाहिए? अगर विज्ञान तकनीक है, रोल्स रॉयस एक शानदार कार है, तो क्यों वो खिलाड़ी को ही मिलनी चाहिए, क्यों पॉलिटिशियन को ही मिलनी चाहिए? दार्शनिक क्यों कम एलिजिबल है उस चीज़ के लिए? हाय सर, मेरा सवाल ये है कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हर तबके के लोग होते हैं, चाहे वो गरीब से हो या बीच के हों या ज़्यादा हों, लेकिन कई लोग जो कोचिंग की फीस होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को कैसे तैयारी करनी? और दृष्टि के लिए भी ये बहुत सारे सवाल आए हैं कि भाई फीस बहुत ज्यादा है और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। सच में फीस ज्यादा है और उसके बहुत ऑब्जेक्टिव रीजंस हैं। फीस किससे ज्यादा है तो वो तुलना करते हैं जो एडटेक कंपनी है उनसे तुलना करते हैं, लेकिन एडटेक कंपनियों के पास बहुत बड़ी पूंजी फंडिंग से आती है जो हमारे पास नहीं है। हम वैसे नहीं हो सकते कि 100 करोड़ के रेवेन्यू पर 600 करोड़ का नुकसान झेल सकें। मैं उन्हीं कंपनियों की बात कर रहा हूँ, 1:5, 1:6 के रेशो पे काम करते हैं, मतलब अर्निंग 100, खर्चा 600, नुकसान 500, उस लेवल पे काम होता है। हमारे पास तो एक पैसा भी ना बाहर का आया है, ना एक पैसे का उधार हमने लिया हुआ है, ना लेने की नीयत है। हम तो पारंपरिक तरीके से काम करते हैं, जो कमाया उसी में खर्चा किया, काम चलाया अपना। दूसरा ये कि ऑनलाइन में चीज़ें बड़ी आसान है, आसान इस सेंस में कि आपको केवल एक कैमरा, एक टीवी चाहिए, क्लासरूम, उसमें एयर कंडीशनर और उसमें दुनिया भर का तामझाम, बहुत बड़ा स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये वो सब नहीं चाहिए। ऑफलाइन में खर्चे बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल होता है, और उसमें भी 2 साल बीच में सब बंद भी रहा। उस समय 600 लोगों की टीम थी और हमारी कोशिश थी कि उनमें से एक भी व्यक्ति को ना नौकरी से निकाला जाए,
ना उसको सैलरी बहुत कम, मतलब हमने थोड़ा कम किया सर्वाइव करने के लिए, लेकिन इतना कि गरिमापूर्ण जीवन किसी का भी कंप्रोमाइज ना हो। और वो तब था जब हमारा रेवेन्यू लेवल ज़ीरो था उस समय। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बाहर से केवल देखते हैं फीस कितनी है, अंदर से ये चैलेंज होता है कि अगले महीने सबका घर कैसे चलेगा। अब हमारी टीम हज़ार लोगों की है, हमने कुछ और वेंचर्स किए हैं, लेकिन तरीके हैं उस चीज़ के। जैसे ऑनलाइन में कोई बच्चा अगर करना चाहे तो हम साल में 3-4 बार ऐसे स्कीम्स निकालते हैं, जैसे 15 अगस्त को होती है तो काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स होते हैं उस समय, कई बच्चे उस समय लेते हैं। फिर हमने ऑनलाइन में पहले एक लिमिट थी कि आप 2 या 3 बार देख सकते हैं, हमने लिमिट हटा दी है कि आप 3 साल तक जितनी बार देखना हो देखें। तो मैं खुद कई बच्चों को बोलता हूँ कि भैया तुम ना 3-4 बच्चे मिलके एक खरीद लो, एक टैब ले लो, 3-3 घंटे यूज़ करो दिन भर में, सब पढ़ो उससे, मतलब अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तीसरा एक सोल्यूशन और भी है, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में होती हैं ऑनलाइन में हम भेज देते हैं, और वो टीचर्स स्टार टीचर्स हैं, इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध टीचर्स सब हैं। उन टीचर्स को हमें पे करना होता है, और नहीं तो कोई भी उनको किसी भी दिन लेके चला जाएगा। ये आपकी इंडस्ट्री में भी होता है, हर जगह होता है, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेस्ट पे नहीं करेंगे तो आपके साथ कब तक साथ देंगे इमोशंस के भरोसे? कुछ महीने दे देंगे, उसके बाद कहाँ देंगे? तो वो एक संकट भी तो है, सबसे कॉम्पीट भी तो करना है। एक तरीका ये कि हमारे जो प्योर ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जैसे UPPCS का है सिलेबस, UPSC UPPCS सेम ही होता है, वो बहुत सस्ता होता है, वो खरीदें वो पढ़ें, सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। लेकिन UPSC वाले में जो ऑफलाइन क्लासेस हम ऑनलाइन दे रहे हैं वो मेरे बस में नहीं है कि मैं उसमें कुछ कर सकूं। अच्छा, ये 2 सवाल बचे हैं। एक तो प्रेमी जोड़ों की शादी करवाने का जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। नहीं ऐसा, ये किसने कहा? आप इनकार कर रहे हैं भाई? इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं ही व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूँ जिनके विवाह में आप सहयोगी रहे, हर तरह से आपने मदद की। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कैमरे पे? मदद तो कर नहीं, कैमरे पे क्या दिक्कत है, कैमरे पे स्वीकार करेंगे। मतलब ऐसे कुछ केसेस हुए, और जनरली उन केसेस में पेरेंट्स की भी सहमति थी, शुरू में नहीं थी बाद में हो गई। एक आध केस में एक बच्चा बेरोजगार था, बड़ा अच्छा था, लड़की के परिवार वाले नहीं मान रहे थे, तो उसने कहा कि आप मुझे दृष्टि में नौकरी पर रख लीजिए। उसको मैंने नौकरी पर रख लिया, उस नौकरी के बेस पर बात बन गई उसकी, हालांकि शादी नहीं हुई उसके बाद। और बाद में वो लड़का IPS बन गया। अब वो दूसरा परिवार दुखी है कि आपने और ज़ोर से नहीं बोला था उस समय। अच्छा, वो आपके ऊपर डाल दिया? मतलब एक दो बार ऐसा हुआ। एक आध केस ऐसा हुआ जब दोनों परिवारों में असहमति थी और दोनों लोग बहुत मतलब अड़े हुए थे, तो उनको सपोर्ट किया। हालांकि वो लोग भी गवाह भी बनते हैं शादियों में। हाँ, हालांकि वो लोग आजकल बहुत ऊंचे पदों पे हैं, जिनकी बात कर रहा हूँ, काफ़ी ऊंचे पदों पे हैं। और फिर क्लास में आप जब आषाढ़ का एक दिन पढ़ाते हैं तब कालिदास और मल्लिका का जिक्र भी वैसे ही आता है। कैसे? एक आपके स्टूडेंट ने बताया कि सर ये सब बताते हैं और फिर कहते हैं यहाँ भी कुछ कालिदास बैठे होंगे। वो तो हंसी मजाक तो क्लास में होता ही है, मतलब बिना मजाक के मैं रह नहीं पाता हूँ क्लास में, वो स्टाइल का पार्ट है। यस इट इज, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन ऑफ योर पॉपुलैरिटी। यू जो हमारे यहीं पे गेस्ट इन द न्यूज रूम के पहले गेस्ट थे, नासा के साइंटिस्ट, वो आपके वीडियो खूब देखते हैं, हमारे न्यूज रूम में लोग बहुत देखते हैं। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत धैर्यपूर्वक हम लोगों को समय दिया और नितांत निजी प्रसंगों पर बात की, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ व्यक्तिगत रूप से। किताबों पर जितना मैं चाह रहा था, मैं ईमानदारी से बताऊं तो हमने जितनी चीज़ें सोची थी कि यार इन पे बात करेंगे, इन पे हम उसका 10% ही बात कर पाए हैं, है ना, वो समय की कमी है और सब। फिर कभी किताबें, खासतौर पे आप हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, दर्शन भी पढ़ाते हैं, फॉर बिगिनर्स जिनको UPSC नहीं देना है, मैं अगर भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन को समझना चाहूँ आसान और रोचक ढंग से, तो मुझे डॉक्टर विकास देवीकीर्ति के वीडियोस के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए? एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है सोफीज़ वर्ल्ड, सोफी का संसार हिंदी में भी आती है। उसमें एक फादर अपनी छोटी सी बेटी को फिलॉसफी समझाने के लिए चिट्ठियाँ लिख रहा है, चिट्ठियों से फिलॉसफी पढ़ा रहा है। तो मैंने अपनी फैमिली में एक्सपेरिमेंट किया, कई लोगों को किताब सजेस्ट की और वो लोग पढ़ के बहुत खुश हुए। सोफीज़ वर्ल्ड, हाँ सोफीज़ वर्ल्ड, हिंदी में राजकमल से आती है सोफी का संसार। तो मेरे ख्याल से फिलॉसफी शुरू करने के लिए उससे अच्छी कोई किताब नहीं है, पर उसमें इंडियन फिलॉसफी का जिक्र नहीं है,
वेस्टर्न तो उसमें अच्छे समझ में आता है, फिलोसफी भी, थोड़ा साइंस भी। इंडियन के लिए कोई ऐसी किताब जो कहानियों में समझा दे, वो मेरे अनुभव में नहीं है। तब तो आपको लिखनी ही चाहिए। मतलब मेरे जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स बहुत सारे, उनमें से एक ये है कि मैं इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी को मिला के एक नॉवल के फॉर्म में कुछ लिखूं, रोचक ढंग से, कि उपन्यास पढ़ते पढ़ते पूरी फिलोसफी समझ में आ जाए। मतलब ऐसा एक ड्रीम है, कई ड्रीम्स हैं तो पता नहीं कितने पूरे होंगे, लेकिन एक ड्रीम ये भी है। एक वो ज़रूर बताइए जिस कव्वाली से आपके दिन की शुरुआत होती है। ये किसने बताया आपको? ये भी रिसर्च कहीं की। एक कव्वाली है जो रोज सुनते हैं, रोज सुबह सुनते हैं, रोज बिला नागा। मैं सुबह उठते ही म्यूजिक ऑन करता हूँ और वो कव्वाली इंदु सरकार फिल्म की है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। उससे पैर जमीन पर रहते हैं, ये एहसास रहता है कि मतलब आज मैं संयोग से सफल हूँ, नहीं भी हो सकता था, लेकिन ये एहसास हमेशा रहना चाहिए कि आज जो है उसका भरोसा नहीं है। वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी नीयत भी आदमी सी है। तो इसलिए उससे थोड़ा शुरुआत इस भाव से होनी चाहिए कि पैर ज़मीन पर रहे, इसलिए उसको रोज सुनता हूँ। अच्छा, मैंने आखिरी कहा था, लेकिन विधायक जी आ गया हो, ये बड़ा पीछे से एकदम चिरौरी कर रहे थे। हाँ सर, शादी नहीं। शादी तो हो ही जाएगी सर, जब हाँ जब होनी होगी तो सबकी होती है। इधर आओ इधर आओ, भाई फोटो नहीं आ रही ठीक से। हाँ सबकी नहीं होती। अच्छा ठीक है, जिसकी होनी होती हो जाती है। सर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इतने कूल, काम, कंपोज रहते हैं, आपके शब्दों का चयन और पढ़ाने का जो तरीका है वो इतना मतलब सहज है, और मतलब आपको कभी गुस्सा नहीं आता? जैसे आपके मास्टर साहब चौक दबा देते थे, डंडी से मारते थे, तो आपको नहीं होता कि कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको हौंक दे? हाँ ये नहीं, सिर्फ न्यूज़ रूम में नहीं, क्रिकेट के ग्राउंड पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं अक्सर। हमारा थर्सडे फ्राइडे बुक होता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, और हमारी टीम के कैप्टन लिखित में कोई और होता है और सारी कैप्टनसी यही करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग हौंके जाते हैं खूब। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये इसी से जुड़ा मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, एंड आई जेन्युइनली वांट टू नो दिस, जिसका कितना भी सुदीर्घ प्रोसेस हो, कि व्हेन यू आर मैनेजिंग, मतलब आप तो बहुत बड़ी टीम मैनेज कर रहे हैं, जब आपको लगातार इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है कि ये जो खबर एक लाइन की आई, ये कल की या अगले एक महीने की देश की सबसे बड़ी खबर होने वाली है, या ये सिंगल कॉलम की खबर है या उस लायक भी नहीं, आपको लगातार प्रोसेस करना है, फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स जो कह दिया जाता है, हालांकि दैट इज़ नॉट द राइट टर्म, ये लोग रिसोर्स नहीं है, जीते जागते चेतनाशील पश्यंती से भरे हुए इंसान हैं, तो इनके साथ आपको संवाद करना है। आप नेतृत्व करते करते अधीर भी हो जाते हैं, क्योंकि आप इनसे जो उम्मीदें और इनमें जो क्षमताएँ देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कुछ लापरवाही कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपको मैं देखता हूँ आपके सारे लेक्चर्स में, सब में, और भी जब हमारी बात हुई, कि यू स्टे काम एंड कंपोज्ड, इज इट बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी, कुछ प्राणायाम करते हैं, अनुभव है, क्या है ये जिससे मैं अभिनव को कम? मेरा प्राणायाम मैंने कभी किया नहीं, मेडिटेशन मुझसे कभी हुआ नहीं, दो तीन बार ट्राई किया, होता ही नहीं मुझसे। मतलब जैसे सोचता हूँ कुछ ना सोचूँ सब ऊट पटंग बातें दिमाग में आने लगती हैं, तो वो कभी हो नहीं पाया मेडिटेशन। ये काम ने सब मेरा स्वभाव बन गया, शायद वो फिलोसफी वगैरह पढ़ने से बना होगा, संभावना है। तो मुझे सच में गुस्सा बहुत कम आता है, आता तो है ही, साल में शायद दो चार बार, उनमें से एक आध बार एक्सप्रेस हो जाता है, दो तीन बार पी जाता हूँ। ज़्यादा पीना भी ठीक नहीं है, जो बात पी गया था मैं वो बात खा गई मुझको, ये भी खतरा होता है बाद में। तो जनरली मुझे गुस्सा नहीं आता है, साल में एक दो बार होता है, पर वो ऐसा नहीं कि उसके लिए मुझे कोई विशेष उद्यम करना पड़ता है, वो प्रकृति का हिस्सा है। पहले आता था खूब, मतलब कॉलेज की ज़िंदगी में खूब झगड़े, मार पिटाई, हॉकी, डंडे सब चलाए ही हैं। दोस्तों ने चलाए? मैंने भी। अच्छा। मैंने भी चलाए हैं, पिटा भी हूँ, पीटा भी है, सब कुछ किया है, जो होता है कॉलेज लाइफ में, स्कूल में सब कुछ किया है। हाँ वो हर जगह, मैं जिस कॉलेज से, मैंने आपको उसका विवरण बता ही दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लोग बम बनाते हो, चुप रहो अभी। नहीं सर, हम नहीं, मैं आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। हाँ दोस्त, हाँ इधर आओ। हाँ अभी पकड़े गए वहाँ बम, बम भी और लड़के भी। हाँ वहाँ तो ये परंपरा है, घास वास रहती ना, छिपा जाते हैं लोग।
जैसे हमारे कॉलेज में भी जो हुआ, जो दो तीन मैंने कहा कि लोगों की मृत्यु हुई, वो कॉलेज के अंदर थोड़ा ना हुई, बाहर तो बाहर ही, लेकिन कॉलेज पॉलिटिक्स तो ऐसी हो ही जाती है कई जगह। चलिए समाप्त किया जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बस पीछे से एक ताली बजनी थी। कई लोग यहाँ पे, जो सबका वर्किंग डे है और ज़्यादातर लोग एक घंटा डेढ़ घंटा, फिर उनको ये लगा कि इस वीडियो के ख़त्म होते ही मैं तो आपके साथ चाय पीऊँगा, आपको विदा करूँगा और वापस आते कहूँगा हाँ भाई 5 बजे की स्क्रिप्ट कहाँ है, तो उसमें रियायत नहीं मिलेगी, इसलिए कई लोग अपने वर्क स्टेशन पर चले गए, वो वीडियो के ज़रिए अपनी तालीम पूरी करेंगे। पर आपने इतना समय दिया, हमारे दर्शकों के और हमारे कहे का मान रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक डांट मुझे दर्शकों से फिर भी पड़ने वाली है कि कुर्सी क्यों नहीं दी गई आपको बैठने के लिए। मैं तो क्लास में वैसे भी 3 घंटे इसी लिए मैंने, मुझे लगा कि आप खड़े होकर ही बात करते हैं, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास देवीकीर्ति, आप ललन टॉप के न्यूज़ रूम में आए, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में। आज के एपिसोड में इतना ही, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये संवाद कैसा लगा और जो आपके हिस्से के पिछले सवाल हैं वो अगले बार जब सर आएंगे तब उनसे ज़रूर पूछे जाएंगे। शुक्रिया।